We the children of light, and we will never let up. Never giving up fighting. We didn't make it through the night, yeah. Don't be crawling all night, but keep your head up, Charlie. We were made for this life, yeah. Wait to see how we rise up. We've been down for too long, waiting for a come up. Better days around the corner, all the pain made us stronger, yeah. We aim for the long run, keep on surviving. In this war for no reason, now we changing the season, yeah. Clear up, we've been waiting for life, oh, never giving up the fight, no, never start a countdown right now, about to take off, yeah, right it's now. Our turn to rise, oh, right we're the children of light, oh, we've been down for too long, waiting for a come up, better days around the corner, all the pain made us stronger, yeah, we aim for the long run, keep on surviving. In this war for no reason, now we changing the season, yeah. Storm is over now, storm is over now, me I say storm is over now. And y'all are by hero, storm is over now, storm is over now, me I say storm is over now. And y'all are by hero, स्वागतम गाइस, स्वागतम, थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू मांस। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, एक सेकंड मांस। ओके, ठीक है गाइस, आप लोग को आवाज़ आ रही है, एक बार ज़रा कंफर्म कर दो सारी चीज़ें ऑल गुड हैं या फिर कैसा है, एक बार ज़रा बड़ा बूम करते हुए बता दीजिए। फिनिक्स जी, रिएक्शन गेमिंग, अरे आशीष जी थैंक यू सो मच फॉर 100, बाप रे बाप, कंसिस्टेंसी बिल्कुल एकदम ओपी है भाई। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, आशीष भाई ने कुछ लिख के भी भेजा था, एक सेकंड रुकिए। हेलो लियोन भाई, तबीयत कैसी है अब? यार देखो, तबीयत जो है वो रिकवर हो रही है, अभी फुल्ली रिकवर तो नहीं हुआ हूँ, गला मेरा अभी भी है डाउन, बट आई थिंक उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि आज कर ली जाए स्ट्रीम, है ना। आज नहीं करूँगा तो बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, तो स्ट्रीम करने आ गए हम आज। थैंक यू सो मच आशीष, मेरे भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, बाय द वे थैंक यू सो मच आने के लिए। देखो वो आ गए, कितना केजी आइसक्रीम खाया यार, मैं सही बताऊँ तो मैंने आइसक्रीम तो खाई थी भाई, आइसक्रीम मैंने थोड़ी सी खाई थी, मतलब इस दौरान नहीं, पहले खाई थी, उसी की वजह से मुझे भी हुआ और मुझे हुआ है अद्विक के थ्रू, ऐसा है गाइस, है ना। अद्विक तो एकदम चिंगू चिंगू बन के घूम रहे हैं भाई, मैं झिलाऊँ बस। निखिल जी कैसे हो मान, एस एम जे, सोहम, अक्षय, फिनिक्स, आदि ब्रार साहब, अजीत, रॉबविन, लोगन, कैन जी, रिएक्शन गेमिंग, नीरव राणा जी, अजीत सुधार, थैंक यू सो मच गाइस आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। आज हम लोग काफी कुछ करने वाले हैं माइनक्राफ्ट में, अरपा रप। बाय द वे कैसा गया आप लोगों का ये जो दिन बीते हैं, ये वाले दिन कैसे गए आप लोग बताइए। बहुत बुरी हालत थी गाइस, बुरी हालत का मतलब एकदम बुरी हालत थी बाई गॉड, लेकिन यस अभी ठीक है, भी मतलब भर की है चीज़ें। जुम्बा 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 भाई, स्ट्रीम करो ना शॉर्ट्स, अच्छा यार ये स्ट्रीम ही तो है, समझा नहीं मैं। आकाश मेरे भाई क्या हालचाल, कैसे हैं आप, ऑल गुड। इस आशीष मेरे भाई थैंक यू सो मच आने के लिए।
माइनक्राफ्ट फुल स्क्रीन में अच्छा लगता है। आई नो निखिल, जिन लोगों ने मेरी पुरानी वाली स्ट्रीम जो वर्टिकल हुई थी वो अगर किसी ने मिस की है ना तो आप लोग जाकर देख सकते हो। उसमें शुरुआत में ना हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम्स को लेकर। आप जाकर अच्छे से देख सकते हो, सुन सकते हो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्यों हो रही हैं, कितनी होंगी और क्या चीज़ें हम लोग नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हो, अगर बाय द वे मिस हो गया हो तो कोई बात नहीं। हेलो भैया, कैसी है तबीयत आपकी? बाय द वे एक मंथ मोर, अच्छा 36 हो जाएगा? अरे 12 3 36, बाप रे 3 साल, जो बाबा, बाप रे, थैंक यू सो मच फॉर 47 मंथ्स। यार मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि मेरा ओल्डेस्ट मेंबर कौन है, उमर वाइज नहीं, जिसने मेंबरशिप जब ली थी, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर कौन है भाई, ये देखना पड़ेगा ब्रो। 100K की स्पीड जैसा रिएक्शन चाहिए, पीछे जाना, भाग के आना, सीधा पीसी पे जा। अच्छा आई शो स्पीड वाला है, वो जो कूद के मारा है खोपड़ी अपना, नहीं क्या? आई रिमेम्बर। ओके, हेलो लियोन भैया, मैं आ गया, बहुत मिस किया आपको। और आपकी तबीयत कैसी है अभी? यार अंकित जी, मेरी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास तो नहीं है, आई मीन रिकवर हो रहे हैं, बट इतना रिकवर हो चुके हैं कि मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ। तो यस आई एम हियर मान, थैंक यू सो मच। 48 मंथ्स होगा, अच्छा हाँ, अरे सॉरी, मैं ऊपर देखा यार, वो बैच में मैंने देखा एक्चुअली में, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा मैं। 4 साल हो गए, बाप रे 4 साल, अभी तो मुझे मेंबरशिप कब चालू हुई थी? 4 साल पहले ही चालू हुई थी क्या? आई ज्वाइन योर चैनल ऑन August 7, 2019, मेंबरशिप took 15 मंथ्स बैक। अरे बाप रे, सुशांत भाई, लेकिन वो काउंट नहीं होगा सुशांत भाई, नो चीटिंग। रेहान भाई क्या हालचाल? बाय द वे गाइस, आप लोगों की तबीयत कैसी है? आप लोग कैसे हो? घर परिवार सब ऑल गुड है? क्या क्या किया आप लोगों ने इतने दिनों तक? माइनक्राफ्ट में सब लोग सेम पेज पे आ चुके हैं कि नहीं आ चुके? बहुत सारे लोग पीछे थे माइनक्राफ्ट में, बहुत सारों का मिस हो गया था, क्या आप लोगों ने वो कवर कर लिया? कहाँ गायब थे यार, तबीयत खराब थी यार रेहान मेरे भाई, है ना? तो रिकवर हो गए हैं, अभी आ गए फिलहाल। मैं हूँ ओल्डेस्ट। अभी ये क्या है लोगन केंजी भाई, हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई और भी नया ऐड करने वाले हो क्या यार? ये क्या टाइप की हो यार प्रणय भाई, क्यों हग रहे हो यार? अभी तो गेम चालू भी नहीं किया, अभी चालू करेंगे तो भागेंगे यार, ये क्या है? अभी जस्ट चैटिंग में भी हगना चालू कर दिया क्या मैं? आरसी गेमिंग भाई क्या हालचाल, कैसे हो आप? हेलो लियोन भैया कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ आदित्य जी, आप कैसे हो मान? यस कोई ना, सुशांत मेरे भाई, मुझे ना एक बार जरा चेक करना पड़ेगा कि कौन सबसे अपने ओल्डेस्ट है भाई, एकदम रपा रप। हाउ आर यू लियोन? प्रतीक भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो मान? अब बढ़िया है आप यार, बढ़िया मतलब फुल्ली रिकवर तो नहीं है। तो अभी जो हम लोगों का काम चल रहा है वो ये है कि एनर्जी इतनी है कि हम स्ट्रीम कर सकते हैं, और आवाज़ में आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी रिकवर नहीं हो पाए हैं, तो आवाज़ जो है उसको थोड़ा सा रिकवर होने में और टाइम लगेगा, ऐसा है, खांसी फांसी आ रही है अभी थोड़ी। हेल्थ ठीक है बट वेदर 42 डिग्री है भाई, गर्म तो बहुत ज़्यादा है, गर्म के मामले में तो रपा रप है भाई। अरे दिव्यांश जी कैसे हैं आप? नदीम क्या हालचाल? फिनिक्स, प्रतीक गुड, आपकी माइनक्राफ्ट की स्ट्रीम्स पसंद आती है हमेशा, अरे थैंक यू सो मच प्रतीक मेरे भाई। मंथन जी स्वागतम गाइस। तो गाइस मैं एक बार वापस से आप लोग बता देता हूँ कि आज हम लोग कर रहे हैं माइनक्राफ्ट वर्टिकल, कल हम लोग करेंगे डेमो नाइट का अपना सेकेंड एपिसोड हॉरिजॉन्टल। उसके बाद वीकेंड पे होंगी 2 स्ट्रीम्स, एक होगी आप लोगों को मैं एक मोबाइल गेम दिखाऊंगा एकदम शानदार, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को रेसिंग गेम दिखाऊं क्या, कि आप लोग रेसिंग गेम देखना चाहोगे एकदम रपा रप वाला, बहुत फेमस गेम है, सभी लोगों ने खेल रखा होगा, मैं सोच रहा हूँ एक बार रेसिंग गेम जरा देखा जाए कैसी परफॉर्मेंस आती है, नहीं क्या? और संडे को वापस से हम लोग करेंगे माइनक्राफ्ट, ये प्लान है गाइस, प्लान। 42 कहाँ इतनी गर्मी यार, नाज भाई 19 से पूछो जिन्होंने बताया है, पोर्ट्रेट नहीं होगा ना, नहीं कल डेमो नाइट पोर्ट्रेट नहीं होगी, कल डेमो नाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल है ना, वो वाली गेम्स हम लोग हॉरिजॉन्टल करेंगे। देखो माइनक्राफ्ट जो लोग पूछ रहे हैं वर्टिकल क्यों, या फिर जो लोग एकदम से ज्वाइन करेंगे है ना, एकदम से लगेगा कि अभी ये तो वर्टिकल है, तो उन लोगों को मैं वापस एक बार बोलना चाहूँगा कि आप लोग इससे पहले जो वर्टिकल स्ट्रीम हुई थी माइनक्राफ्ट की, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी थी एग्जैक्टली, मतलब हैशटैग वाला बता देता हूँ मैं, एग्जैक्ट हैशटैग बता देता हूँ मैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को, है ना, आप लोग एकदम गोपू, ठीक है, अगर कोई भी आता है तो उसको भी बता देना, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ कहाँ पर है। हैश
#7, ठीक है मॉड्स, आप लोग भी जरा ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछता है या कोई भी बार बार चीजें सेम चीजें बार बार टाइप करता है तो आप लोग उनको कह देना कि #7 माइनक्राफ्ट वाली जो है ना वो जाकर देख आए, उसमें उनको सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी, क्या है, क्यों है, वर्टिकल क्यों है, कब वर्टिकल होगी, क्यों वर्टिकल कर रहे हैं, क्या स्टैट देख रहे हैं, वो सारी चीजें वो लोग जाकर सुन सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का मिस हो गया हो तो कोई बात नहीं, मिस हो गया ठीक है भाई, आई मीन इट्स ओके। ओके बूम बूम, यार ये YouTube प्रीमियम का क्या फायदा अगर वर्टिकल स्ट्रीम बैकग्राउंड में ना चले। अच्छा हाँ यार, वर्टिकल स्ट्रीम से यार बैकग्राउंड में नहीं चलती हैं। अबे हाँ सही बोले बे, मेरे मेरे भी नहीं करता है भाई काम, सच्ची बात बोले यार। जुम्बा जुम्बा जुम्बा, ये फीवर एंड कोल्ड का वायरल, हाँ यार बहुत भयानक है भाई, बहुत भयानक है। हे प्रणय जी, नहीं ऐसा लगता है मत देखो यार अपने भाई, कोई बात नहीं यार, आप कुछ और देख लेना, कल जैसे हॉरिजॉन्टल करेंगे तब आके ज्वाइन कर लेना, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, कुछ और देख लो, कुछ और जाके देखो जिससे खुशी मिले। लियोन जी, मैं मेट्रो में हूँ और मेरा दोस्त अबुल अपना बैग भूल गया, क्यों आए? लियोन जी, मैं मेट्रो में हूँ और मेरा दोस्त अब्दुल अपना बैग भूल गया क्यों? अबे ये क्या टाइप की हो ब्रार साहब, अभी कोई जोक मारने वाला है थे। आदित्य गोयल जी, थैंक यू सो मच फॉर 5 मंथ्स। लियोन भैया कहाँ थे, एक स्ट्रीम सुपरमार्केट सिमुलेटर प्लीज प्लीज। आदित्य जी, मैं थोड़ा गायब था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, आई मीन थोड़ी सी है बट ठीक हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएगी, डोंट वरी, है ना। और सुपरमार्केट सिमुलेटर जो है उसको थोड़ा सा ना मतलब वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है कि उसको हम लोग खेलें, उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है यार, बस वही बस पैकेज जाके उठा के रख रहे हैं और जो चीज़ें बस वो थोड़ी देर बाद अनलॉक हो जाएंगी उसको जाके इधर उधर दाएं बाएं कर लो बस। तो उसमें मेरे को ना कुछ सीखने के लिए कुछ है नहीं यार, मतलब वो मेरे को खुद ही वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है उस गेम को कंटिन्यू करने के लिए। गेम बहुत अच्छा है, अगर आप लोग खेलना चाहो तो बिल्कुल ग्राइंड करिए और आगे तक पहुंचिए, है ना, और चौड़ा करिए और ज़्यादा चीज़ें आएंगी, लेकिन मेरा मोटिवेशन जो है ना वो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है जब उसमें कोई नई चीज़ ना रहती है और बस रेपिटेटिव चीज़ें रहती हैं, तो ऐसा कोई नहीं, आप देख लो, है ना। ओके भाई, YouTube का अलग नशे, ये क्या है भाई, YouTube का अलग नशे चलता है गलत। सुशांत भाई ये क्या है, जंबल्ड है ये क्या है भाई, आवाज आदमी आदमी जैसा लग रहा है, ये क्या है गाइस, कोई आवाज आ रही है क्या, थोड़ा सा स्टैटिक आवाज आ रही है क्या, एक बार जरा कंफर्म करियो जरा मेरे को, स्टैटिक आवाज आनी नहीं चाहिए, एक बार जरा कंफर्म करना बस। शर्म भाई को भी बोलो कि माइनक्राफ्ट खेलें, उन्हें समझाओ यार ये गेम बहुत अच्छा है। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल बोलेंगे भाई। शर्मा भाई को क्या लगता है, उन्हें पता नहीं है क्या, अगर वो अभी नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न है ना, बाद में करेंगे, जस्ट डोंट वरी, होगा होगा होगा, माइनक्राफ्ट होगा, शर्मा भाई का भी माइनक्राफ्ट कराएंगे, जस्ट डोंट वरी मान। शर्मा जी के साथ गेम कब, एनी अपडेट? यार देखो अभी शर्मान भाई जो है ना वो फुल फोकस्ड है अपने लद्दाख ट्रिप के लिए, तो अभी गेम रिलेटेड ना मतलब झोल झाल ना रखा जाए, है ना, क्योंकि वो भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, दिमाग जो है अभी उनका एकदम लद्दाख ट्रिप के लिए कौन सी ड्रेस क्या फलाना ढिपकाना सब कुछ चल रहा है, तो उनको वहाँ पर फोकस करने दो, लद्दाख ट्रिप से आ जाने दो, सारी चीज़ें सेटल डाउन होने दो, उसके बाद फिर कुछ बड़ी सीरीज करेंगे, ठीक है। नो साउंड इज फाइन, ओके गुड। निकेश भाई क्या हालचाल, लियोन भाई ठीक हो अब, और कभी माइनक्राफ्ट मोबाइल की स्ट्रीम करो कभी। यार माइनक्राफ्ट मोबाइल की स्ट्रीम है यार, हम लोग कर सकते हैं क्या यार, यार अगर मैं नहीं, मेरे पास माइनक्राफ्ट एक्चुअली में परचेज्ड है मोबाइल पर, मेरे पास परचेज्ड मोबाइल है, आई मीन परचेज्ड माइनक्राफ्ट है मेरे मोबाइल पर, तो देखता हूँ यार मैं कभी इन फ्यूचर आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने आई थिंक शायद आप लोगों को दिखाया भी था, हाँ मैंने दिखाया था यार माइनक्राफ्ट थोड़ा सा, जब मैं पहली बार शोकेस कर रहा था ना S24 अल्ट्रा को, तब मैंने आप लोगों को दिखाया था माइनक्राफ्ट, रिमेंबर। इन फ्यूचर दिखाते हैं, इन फ्यूचर दिखाते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस वाले सैटरडे को ना आप लोगों को एकदम रेसिंग गेम दिखाया जाए, और वैसा गेम दिखाया जाएगा जो आप लोग बहुत खेलते हुए आए हो। यार भैया कोई नया सिमुलेटर गेम कब होगा? देखो मैं बताता हूँ गाइस, थोड़ा हल्का सा ना आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ऐसा है, चूरा भाई का ना एक ट्रेवल प्लान ट्रेवल है, और वो है मई स्टार्टिंग में, ठीक है, यानी कि अप्रैल एंड में चालू होगा, और वो तकरीबन 10 दिन के करीब का है, तो 10 दिन तक माइनक्राफ्ट, ये वाली माइनक्राफ्ट हम लोग शायद ना कर पाएं, अनटिल अनलेस कोई स्टोरी में हम लोग चेंज ले आए जिसकी वजह से चूरा जी का उतनी डिपेंडेंसी ना रहे उस वक्त, वो हो सकता है, नहीं तो अगर उस दौरान में माइनक्राफ्ट नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को सिमुलेटर गेम दिखाऊंगा, बढ़िया बढ़िया एकदम,
ठीक है, इतने बीच में आप लोगों को रपा रप सिमुलेशन गेम मिलेंगे और शानदार वाला मिलेगा, ठीक है, जस्ट डोंट वरी। और बाकी सिमुलेशन गेम जो है वो मई में आप लोगों को और देखने को मिलने वाले हैं। एशफॉल्ट 9 खेलो S24 अल्ट्रा में, जो हुकुम हर्ष। कैसे हो लियोन भाई, मैं एकदम बढ़िया। निकेश भाई, लियोन चाचा अब जा रहे आपको ऑफलाइन देखूंगा। अबे तेरे भाई ये व्हाट व्हाट, आई एम हियर फॉर दैट फलाना ढिमकाना मान। ये क्या है फलाना ढिमकाना क्या है? अच्छा अच्छा, फलाना ढिमकाना गेम्स के बारे में बोल रहे हो क्या संतेज भाई, क्या है ये? ठीक है ठीक है। अच्छा बाय द वे गाइस, मैं आप लोगों को जरा ना कुछ और चीजें बता देता हूं ताकि आप लोग भी ना एकदम सेम पेज पे रहें। तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि आज हम लोग करने वाले हैं, आज का प्लान सुन लो, आज का प्लान। अच्छा एक काम करता हूं, मैं गेम के अंदर जाऊंगा तब प्लान बताऊंगा, क्योंकि कुछ कमीनी लोग होते हैं जो उनको टाइम स्टैम्प चाहिए होता है कि आज का प्लान क्या है, तो उनको बता दूंगा कि जहां पर गेम स्टार्ट हुआ है वहां पर जाकर सुन लें। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई भी आता है वर्टिकल स्ट्रीम के रिगार्डिंग बात करने के लिए तो उनको #7 माइनक्राफ्ट वाली स्ट्रीम देखने को बोलना, क्या ना #7 वाली भी जो होगी उसको जाकर सुन ले स्टार्टिंग वाला पोर्शन, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी को प्लान सुनना हो कि हम लोग इस दो चार दिन में क्या करने वाले हैं, आज माइनक्राफ्ट हो रहा है, कल हॉरिजॉन्टल होगी, डेमो नाइट विद लियोन जो हम लोगों ने लास्ट की थी इंडी नाइट, रिमेंबर, वैसे ही episode 2 होने वाला है, और सैटरडे को होगी मोबाइल स्ट्रीम, संडे को होगा वापस से माइनक्राफ्ट, ठीक है। और ये सभी गेम चालू करते हैं, है ना, बिना किसी देरी के शुरू किया जाए भाई। #7 थाला फॉर अ रीजन, अबे भाई रिएक्शन भाई, ओ माय गॉड, आइए बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। बाय द वे गाइस, आज स्टोरी रिलेटेड काफी चीजें होने वाली हैं गेम में, थोड़ा सा फोकस रखिएगा भाइयों। मैं पहले बता दे रहा हूं, जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं शुरुआत से दिल और दिमाग के साथ, थोड़ा ध्यान से ये वाली स्ट्रीम देखिएगा, आप लोगों को स्टोरी वाइज काफ़ी कुछ चीज़ें मालूम पड़ेंगी आज, ओके। और अगर कोई महानुभाव हमारी चैट में है जिसको कोई भी शक हो या कुछ भी उसको इंटरेस्टिंग लगे स्टोरी पॉइंट वाइज या फिर जो भी स्टोरीज बताई जाएंगी, आप उनका टाइम स्टैम्प भी डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो इन फ्यूचर हम लोगों को बहुत हेल्प होगी चीज़ों को बनाने में। अरे वाह, थैंक यू सो मच फॉर वन मोर इंडी स्ट्रीम। अबे इंडी स्ट्रीम, वन मोर इंडी स्ट्रीम, भूतनी के इंडिया में कौन इंडी स्ट्रीम लेके आया है तुम तो यार, ऐसे तो मत बोलो यार, कहीं तुम्हारा नाम उजागर होने दो। अबे कहीं पर भी कुछ भी चालू करता हूं मैं, कोई ना कोई आकर ठेल के चला जाता है यार, और चुपके चालू कर देगा, बताएगा भी नहीं क्या है यार ये, बताओ यार। ओके गाइस वेट, लोड हो जाने दो सारे मॉड्स को। अच्छा हाँ, तो इतने दिन कहाँ पर गए थे, कौन सी दुनिया में थे? अरे भाई गौरव नाग भाई डांटो मत, मैं तबीयत खराब थी भाई गौरव नाग जी, तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, ठीक हो गया हूँ, आ गया हूँ मैं, डांटो मत प्लीज भाई। कमेंट तो ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल चप्पल लेके दौड़ा रहे मेरे को, ऐसे मत करो रे। अरे मतलब आप ही हो नंबर वन इंडी स्ट्रीमर इंडिया में, देखो गाइस इंडिया में नंबर वन इंडी स्ट्रीमर लियोन वॉक थ्रू, नंबर वन सिमुलेशन चैनल लियोन वॉक थ्रू, नंबर वन सर्वाइवल चैनल लियोन वॉक थ्रू। यार मुझे लग रहा है कि नंबर वन वर्टिकल चैनल ना बन जाए यार लियोन वॉक थ्रू, ओ माय गॉड। ये क्या है, तुम तो हेलिस कॉमेट की तरह आते हो अभी, ये क्या है वैभव भाई, अरे ऐसे रेफरेंस मत दिया करो भाई जिसके लिए पढ़ाई लगती हो, ऐसे होके क्यों लाइव आते हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अबे ऐसे क्यों बोल रहे हो पीपी बू, अबे ये क्या हो गया चैट को, गाइस क्या हो गया भाई, हेलो बस, बस। ये इंडिया गठबंधन तो नहीं है, नो पॉलिटिकल, गाइस देखो ऐसा है, पॉलिटिकल जोक जो है वो अपने घर पे मारिए, यहां मत मारिए, है ना, पॉलिटिकल जोक सही नहीं जाएंगे, वो कर नहीं सकता ना। ये क्या है यार प्रणय मेरे भाई, वो कर नहीं सकता ना, क्यों कौन नहीं कर सकता, कम्युनिटी किस लिए होता है, मैं समझा नहीं, मैं कम्युनिटी किस लिए होता है अच्छा गौरव ना भाई ये पूछ रहे हो कि कम्युनिटी टैब किस लिए होता है, मैंने अपडेट क्यों नहीं किया, ये जितने लोग ज्ञानी लोग आएंगे कि ये अपडेट क्यों नहीं किया, है ना, वो बताया क्यों नहीं, कब आने वाले हो, क्या है फलाना ढिमकाना, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट चला है और डिस्कॉर्ड पे भी अपडेट चला है, ठीक है, इन लोगों को तो चप्पल ले ला के इतनी तेज दौड़ाना ना कमीनो,
डांट भी रहे मेरे को, अबे बेशर्मो डांटो तो मत, खुद की गलतियां तो मेरे को तो मत डांटो बे, यार कमीने है बे ये लोग, बाय गॉड। ठीक है बस एक मिनट रुकना जरा गाइस, आई थिंक पहले ज्वाइन कर लेता हूँ उसके बाद फिर चेंज करता हूँ स्क्रीन जो है। यहां सिर्फ जोक चलेगा, राजदीप भाई क्या चल रहा भाई, एक बार ट्विच स्टार्ट होने दो फिर सब पॉलिटिक्स जोक में। अच्छा हाँ, अबे भाई जिन लोगों ने भाई वो वाली स्ट्रीम मिस की है जो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही होगी, हम लोगों ने संडे को भी एक स्ट्रीम की थी और उसमें हम लोगों ने जो प्लान्स बनाए थे ना ब्रो, एक मिनट को, उसमें जो हम लोगों ने प्लान्स बनाए हैं, ओ माई गॉड, अगर आप लोगों ने मिस किए हैं कोई बात नहीं गाइस, आई नो इट्स हार्ड टू फॉलो ऑन, बट भाई जो हम लोगों ने प्लान बनाए हैं ट्विच को लेकर है ना, और भी कई चीजों का प्लान बनाया है, तो जिन लोगों को मिस हुआ है कोई बात नहीं गाइस, जब भी मौका मिले तो आप लोग देखिएगा एंजॉय करिएगा। आइए शुरू कर, बिना किसी देरी के शुरू कर दिया। चलिए 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 गाइस, आ जाओ। निकेत मेरे भाई थैंक यू सो मच, वेलकम बैक लियोन भाई, थैंक यू सो मच निकेत मेरे भाई, हैशटैग लियोन बॉक्सर कम्युनिटी, शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे नहीं देखते, अबे तो मेरी गलती है इंस्टाग्राम नहीं देखते हो यार, तुम गजब आदमी हो बिल्कुल, अबे तो डांट भी मेरे को रहा है, अबे थे रे ऐसा ऐसा गुम्मा लेक दौड़ाऊंगा ना एकदम आई शो स्पीड वाला, थे रे भाई मेरे को डांटा तो मत करो यार, तुम लोग तो डांटते भी हो, तू तबीयत खराब है ऊपर से डांट रहे यार, जब नहीं कि प्यार कर लो, अरे कोई बात नहीं लियोन भाई, अरे ये अरे वो, अबे डांट रहे मेरे को, चुरा जी ओ माय गॉड डरा दिया आपने, हो आप जिंदा हो अभी, मेरे का मर गए, हाँ चुरा जी स्मार्ट लग रहे हैं वैसे, आप सोते रहते हैं भाई, हाँ थोड़ा तबीयत खराब हो गया था इसलिए, अभी ये क्या है चूरा भाई, वो थोड़ा हमारे शौकीन है ना, आप वाइन पीते हैं, ओ माय गॉड, हम लोग भी पिया करते थे, लोग पी पी के बोतल छोड़ के जाते हैं ना, हम लोग उसी का ढक्कन चाटा करते थे, हमारा पूरा परिवार पता है आपको, रुकिए आपके लिए कुछ दें, हाँ देव कहा दीजिए, ये कहा है भाई जी, रूम क्या होता है, रूम रम है क्या होता है, वगैरह पी के देखें यार, आहा मजा आ गया बिल्कुल एकदम, आहा एकदम दुनिया सुहावनी लगने लगी भाई, अरे कितना अच्छा घर लग रहा है वो सामने वाला, वो अच्छा वो तो है ही अच्छा, अरे कुछ हुआ नहीं हमको रूम पी के, आपका क्या हो गया, खराब नहीं लग रहा वो घर सामने वाला, नहीं असर कम कर रहा है फिर, क्या रहा है। आपका रूम राम रीम राम सब एकदम वो हो गया है, अरे सुनिए चूरा भाई, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने एक चीज की है, हम आपको जरा दिखा देते हैं, आइए ये देखिए, देखा आपने कि नहीं देखा, मैंने इसके चारों तरफ ना वॉल बना दी है पत्थर की, आपको पता है क्यों बनाई, क्यों बनाई, उस दिन मैं यहाँ पे पत्थर लेने के लिए आया रात में है ना, बिजली कड़कड़ा रही थी, बारिश हो रही थी, मैं अपने घर से यहां पर आया पत्थर लेने के लिए, और मैंने यहां पे पता है क्या देखा, मैंने देखा वहां पर ज़ॉम्बीज भागते हुए आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं विलेजर्स को मारने के लिए, पता है आपको, और तब मुझे याद आया कि लास्ट टाइम क्या हुआ होगा, लास्ट टाइम वो ज़ॉम्बीज आए होंगे उछल उछल के, वो लोग मारने की कोशिश कर रहे थे और आई थिंक उनमें से किसी का हिट गलती से लग गया होगा, समझ रहे हैं आप, और उसने सभी लोगों को मार दिया था, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ना ये लगा दिया है, तो आई थिंक अभी एकदम चिंगू चिंगू चल रहा है ना सब कुछ, बढ़िया बढ़िया, रुको जरा आयरन देख के आए, आ जाओ, अरे संजय भाई क्या है ये, भगवान के दर्शन हो गया बे कमीनो, ओके गाइस, अच्छा बाय द वे 2, 2, 4, 5, 6, 7, ओके गाइस, मैं आप लोगों को जरा एक और चीज बता देता हूं कि थोड़ा सा ना हम लोगों ने जितना हो पाया, हाँ एक मिनट रुकिए अभी देखते हैं, बस एक मिनट दीजिएगा हमको,
अभी आप लोगों को चीज दिखाते हैं गाइस, है ना। बाय द वे गाइस, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, है जी, है जी। ओके ठीक है, तो यहां पर देख लो गाइस। अब आप लोग सोच रहे हो कि अभी जहां के बाकी ब्लॉक्स कहां चले गए, ओ माय गॉड, यहां तो बहुत सारे ब्लॉक्स हुआ करते थे। तो एक्चुअली में ना हम लोगों ने अच्छी खासी ट्रेडिंग भी की है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये चूरा भाई लगा, अच्छा चूरा भाई, यहां पर आपने ये जो हग्गास फैलाई है कि आपने यहाँ पर हम आके यहाँ पे बीज डालें, इस बीज से यहाँ कंपोस्टर में जाए, फिर कंपोस्टर से बोन मिल इसके अंदर जाए, यही आप चाह रहे थे ना? आप ही के लिए है। हाँ आप ही के लिए है वो, हम समझ गए। लेकिन एक बात बताइए, आप जरा यहाँ पे आइए हमारे साथ, हमारे साथ आइए। नहीं नहीं, पॉपी के लिए। अच्छा पॉपी के लिए, नहीं पॉपी तो मारिए गोली, आप इधर आइए, इधर आइए। ये बताइए वहां पर पॉपी 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 पॉपी, इधर आइए। वो सिस्टम हम लोगों को यहाँ खेतों में नहीं बनाना चाहिए, खेतों के लिए बना देंगे। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम हमारे पास मतलब इतना सामान है कि आप कहीं पर भी कुछ भी बना दें। आप तो रजवाड़ों के खानदान से भाई, तो ऑफ कोर्स ही बात है, आप तो ऐसे बोलेंगे ही बोलेंगे। हाँ आ रजवाड़ों खानदान से याद आया। हाँ कि अभी तक वो गरीबों वाला खाना खा रहे हैं ना हम लोग? नहीं गरीबों वाला तो नहीं, मैं तो वो खाता हूँ आलू उबाल के, आलू उबाल के पका खाता हूँ मैं, उबाल के नहीं खाता, बताइए। अरे वही मतलब। हाँ तो उसकी जगह क्यों ना ये खाया जाए? ये क्या है भाई, आलू सलाद? अरे मैया मोरी, आलू सलाद, अब भूख नहीं लगी है? रुको जरा, हम कूद कूद के भूख लगाते पहले। अबे ये आलू सलाद क्या है भाई, चैट आएंगे तो पता चलेगा। अच्छा अरे एक बात बताइए, किससे किससे बनता है ये? बीट रूट और पके हुए आलू से। बस बस। अरे तो अरे यार, तो पहले बताना चाहिए था, अपन लोग फिर बीट रूट उसको लगा देते फिर रपा रप, नहीं क्या? हाँ बीटरूट लगाया है मैंने। अरे बहुत बढ़िया काम किए हैं भाई, हमारा खाना ही नहीं खत्म हो रहा है। अरे भाई गजब एडिशन हमारा। अरे सो जाते हैं चुरा भाई, मैं क्या बोलता हूँ। हाँ अबे क्या बात बोल रहे, एक पके हुए आलू और एक बीटरूट से। ओके चुरा जी, यू हैव माई अटेंशन नाउ, इधर आइए। चुरा जी आपसे एक बात कहें, बहुत कमीने हैं यार आप। हाँ यार ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, किसान हम है भाई, हमको कोई और आग बता जा रहा है, बताओ यार। चुरा जी व्हाट इज दिस? ये हम जो पकाते हैं मतलब उगाते हैं उसको रख देते हैं बक्से में डाल के। अरे ये तो क्रेट आपने बना रखी है, ओ माय। चुरा जी एक बात कहें आपसे, बहुत कमीने हैं यार आप, चलो जाके सो जाओ कुछ ना भाई। DYX गेमर कैसे हैं आप? संजय जी, विकी, रिएक्शन, गौरव नाग जी, गाइस भाइयों पहले जरा ये बताओ कोई नाराज तो नहीं है? पहले जरा ये बता दो भैया कोई नाराज तो नहीं है? क्योंकि अभी हम लोग यहां पर बहुत सारा काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं वो भी आप लोगों को बताता हूं मैं, रुक जाओ। सबसे पहली चीज हम लोग को क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूं। चुरा जी इधर आइए, चुरा जी मैं आपको बताऊंगा अभी कि हम लोग आज क्या क्या काम करने वाले हैं, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से। सबसे पहली चीज आज मैं यार ये सलाद खाना चाह रहा हूँ लेकिन खा नहीं पा रहा हूँ यार, भूख के मारे। कोई बात नहीं, भूख आएगी लग जाएगी हो जाएगा, ठीक है? सुनिए अभी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे पास वूल नहीं है, वूल है ना, आप हमारे लिए कहीं से भी शीप पकड़ के लाएंगे, ठीक है? और तब तक मैं एक छोटा सा ना कुछ ऑटोमेटिक टाइप का कुछ बना के रखता हूँ, ठीक है? और फिर जब आप उसको लेके आ जाएंगे तब मैं वूल वाला ऑटोमेटिक वाला अपना काम हो जाएगा, ठीक है? पहला काम तो ये, ठीक है? दूसरा काम ये है कि हम लोग विलेजर्स को जाकर जो भी उनके पास इंचैंटमेंट रखी हुई है वो इंचैंटमेंट से अपने आर्मर, टूल्स, वेपन, सारी चीजें रपा रप करेंगे, ठीक है? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है, उसके बाद हम लोग वही असलहे बारूद लेकर
एक्सप्लोर करने जाएंगे चूरा जी आज, एक्सप्लोर करने, समझे आप? और एक्सप्लोर करने बहुत दूर जाएंगे आज, समझ गए आप? समझ गए। और एक्सप्लोर के लिए मेरे पास एक किताब है चूरा जी, समझे, झकास वाली किताब है ये, अगर आपको ना पता हो तो। यार इस किताब में ना काफी कुछ है एक्चुअली में, ऐसा हाँ इस किताब में काफी कुछ है, उसके हिसाब से काम करेंगे, है ना? तो आप टेंशन ना लें, सारी चीजें हम पर छोड़ें। और सुनिए, शीप पकड़ के लाइए, नहीं तो घुसेड़ देंगे तलवार, समझ आया? यही वाली अड़ा पा रहा, फटाफट जाके लेके आओ। हमारे पास क्यों नहीं है किताब? बहुत सारा काम हाफ स्क्रीन में, अबे कभी ने अभिषेक यार। अच्छा बाय द वे गाइस, आप लोग ये बताओ चैट, हम लोग ये ऑटोमेटिक वूल फार्म कहाँ पे बनाए हैं? क्या हम लोगों को ऑटोमेटिक वूल फार्म यहाँ पे बनाना चाहिए? ये बस कंफर्म करो गाइस, क्या हम लोगों को ऑटोमेटिक वूल फार्म यहाँ पर बनाना चाहिए? हम लोग अभी टेम्परेरी बना रहे हैं, सिर्फ एक शिप के साथ बनाएंगे, ज़्यादा कुछ बवाल नहीं करेंगे, है ना? तो हम लोग को एक्चुअली में छोटा मोटा चाहिए, बहुत ही बड़ा ब्लूम नहीं चाहिए। तो या फिर एक काम करेंगे, इधर बना दूंगा मैं ये, है ना, इधर बना देता हूँ यार, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ये बढ़िया गाइस, अब बढ़िया है ब्रो, ठीक है, हाँ ये ठीक है गाइस। नो अबे व्हाट, नो अबे ऐसे मत करो यार सागर भाई, व्हाट इज दिस? ओके यार गाइस, ये जो दिए हैं पोटैटो सलाद, अभी 80% का वो मिलेगा बे इसमें, ओह माय गॉड, ठीक है ना, हमारे पास ये अच्छा खासा माल पड़ा हुआ है भाई। अबे बीट रूट भी अच्छा खासा पड़ा होगा फिर तो, एक मिनट रुको जरा। बाय द वे चैट, आज हम लोगों का एक्सप्लोरेशन बहुत तगड़ा होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांधे रखिएगा, आज हम लोग एक्सप्लोर करने बहुत दूर दूर जाएंगे और कोशिश करेंगे। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारे पास बुक है, उस बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारा जो पहला बॉस है, विच इज नाइट लीच, ठीक है, इसकी कहानी क्या है? द वंस किंग ऑफ चोरबिया हैज बीन रिजरेक्टेड एंड करप्टेड बाय द वॉइड, नाउ नोन एज द नाइट लीच, ठीक है। तो चोरबिया के ये किंग हुआ करते थे, जिसको रिजरेक्ट कराया और करप्ट कर दिया हमारे वॉइड ने, नॉट हमारे वाले वॉइड, आई मीन कोई है वॉइड, उन्होंने, और उनको नाइट लीच बना दिया। और ये जो है ये कोल्डर बायोम्स में पाया जाता है। अब कोल्डर बायोम्स जो है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी हम लोग इतना एक्सप्लोर करके आए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कहीं पर स्नो बायोम नहीं दिखाई पड़ा भी, आई मीन ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी बे, नहीं क्या गाइस? होली शिट डूड, कहीं पर भी स्नो बायोम नहीं है, बट आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आज स्नो बायोम को ढूंढेंगे, और ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे। जुम्बा जुम्बा बम्बा, थोड़ी सी खेती कर लेता हूं गाइस, है ना? एलोन जी क्या हाल चाल, मिस्टर प्रणय जी स्वागतम, पंख बनाओ और उड़ो, पंख बनाओ और उड़ो यार, इनके फेदर मुझे मिल तो रहे हैं पर मैं पंख बनाऊं और उड़ू मतलब, समझा नहीं यार मैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस ब्रो? यार मैं क्या सोच रहा हूं ना, देखो हमारे पास यार हम लोग अपने अपने पेट को लेकर जाएंगे ना, लेके जाए यार, यार पेट को ले जाने के लिए, यार पेट का कुछ ऐसा नहीं होता है क्या कि हम पेट को कहीं पर बुला लें, ऐसा नहीं होता है, है? पेट को बुलाने का कुछ नहीं चाह रहा है यार, क्योंकि पेट तो यहीं पे रहेंगे यार। अब मान लो मुझे कहीं और पेट को बुलाना हो तो हम कैसे बुलाएं? आओ। लेकिन उसमें पंगा यार, हम लोगों ने मान लो कहीं पर बुला लिया फिर दिक्कत आएगा ना भाई, है कि नहीं गाइस? इकबाल जी क्या हालचाल, फाइनली हग्गू मैन इज बैक यार, हग्गू मैन, अबे यार ये सुपर हीरो बन सकता है भी, नहीं क्या गाइस? अरे चूरा जी खांसी हो, शिप ने क्या खाया है चूरा भाई? क्या खाया हसूं के बताओ, आपका मुंह वहीं पर
आप एक काम करिए, इसको कहीं पे बांध दीजिए, और क्या, इसको कहीं बांध कर रख दीजिए अभी के लिए। अभी 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 हम करते हैं, रुक जाइए। बाप रे, कैन टू स्ट्रीम्स गो लाइव टुगेदर, वन वर्टिकल फॉर इंक्रीजिंग। गाइस देखो ऐसा है, जिन लोगों ने, अबे अभिषेक भाई तुमने भी मिस कर दी, अबे भूतनी के तुमको तो आईफोन वाले बताओ मिस कर रहे हैं, आईफोन पर जिले बैठे हुए हैं। गाइस देखो, जिन लोगों को मिस हुआ है पुरानी वाली स्ट्रीम्स माइनक्राफ्ट की, जहां पर सारी बातें समझाई गई हैं, क्यों दो लाइव स्ट्रीम नहीं की जाती हैं, क्यों शॉर्ट स्ट्रीम्स बहुत ज़रूरी हैं, क्यों हम लोग ये काम कर रहे हैं, कब तक ये काम किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आप लोग #7 वाली माइनक्राफ्ट स्ट्रीम को जाकर देखा है, शुरुआती पार्ट को, बस इजी देन पीजी बॉय, ठीक है गाइस। ओके, सुपर 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 शॉर्ट पर लाइव क्यों हो, अबे जिंदगी सिर्फ जा रही है मेरी, अबे तेरे भाई यार, ओ माय गॉड, मैं कुछ उल्टा, अभी रुकते ही, अभी रुक, अभी रुक, अभी रुक, अभी गाली निकलने वाली है गाइस, आप लोग आज बस गाली का इंतजार करो गाइस। अरे चूरा जी, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप मेरे लिए दो चार चीज़ें ला के दोगे क्या? नंबर वन, आप मेरे लिए एक ऑब्जर्वर बना दीजिए, एक मेरे लिए माइंड कार्ट विद हॉपर बना दीजिए, रेल दे दीजिएगा, एक एक दो चेस दे दीजिएगा, ठीक है, एक और हॉपर दे दीजिएगा, ग्लास दे दीजिएगा बना के, और रेड स्टोन एक आपको सुनाई पड़ रहा है? हेलो, हाँ, एक रेड स्टोन दे दीजिएगा, ग्लासेस हो गए कई सारे, और मेरे को आप दे दीजिएगा, अरे वो फेंक के जिससे वो एकदम जूम करके क्या होता है वो, प्रॉपर डिस्पेंसर, हाँ डिस्पेंसर दे दीजिएगा, करेक्ट। अरे बॉय, सब कुछ पता है आपको तो, ओ माय गॉड, आप तो गोट है एकदम, लेके आइए, जाइए, है ना, ये सारे सामान लेके आइए, हम पटपट काम करते हैं। अरे बाप रे बाप, बाकी सब ठीक है, पर माइनक्राफ्ट नहीं। देखो गाइस, देखो माइनक्राफ्ट का भी उसी में रीजन बताया गया है कि मैं क्यों माइनक्राफ्ट हम लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं वापस से बोल देता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ गाइस फिर से एक बार। देखो गाइस, आई नो आप लोगों को माइनक्राफ्ट वर्टिकल ऐसे देखना नहीं पसंद है, पर ये जो एक पोर्शन रखा गया है व्यू एंगल, वो इस हिसाब से रखा गया है कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी जल्दी जज मत करिए, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लो, यही बोलने का मेरा एक सेंस है कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। देखो आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से स्ट्रीम देखते हो, है कि नहीं भाई? आप लोग भी ये बात समझो कि आप लोग भी सहूलियत के हिसाब से, कभी आप लोग के पास टाइम नहीं होगा तो आप लोग नहीं आ पाओगे देखने के लिए, पर चैनल उस बेसिस पर नहीं बढ़ सकता है। चैनल को बढ़ाने के लिए रेगुलर व्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, और उस चीज़ के लिए रीच बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी हर स्ट्रीम देखो, जहाँ शुरू होती है वहाँ से लेकर एंड तक पूरी देखो ही देखो, आप लोग भी बहुत सारी स्ट्रीम्स मिस करते हो, राइट? ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नॉर्मली उन्हीं से आ रहे हैं जिन्होंने पुरानी स्ट्रीम नहीं देख रखी है। तो मैं आप लोग को ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सारी स्ट्रीम देखो, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। चैनल को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है, और हम लोग 100 के पहुँचने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी वर्कआउट चीज़ें हो रही हैं यूट्यूब पर, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जब ये बंद हो जाएगा, मैं इसको बंद करके हॉरिजॉन्टल पर वापस आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल की रीच शून्य है, आप ये बात समझिएगा, हॉरिजॉन्टल की रीच शून्य है। ओके, बाकी आप लोग की मर्जी गाइस। आई नो, देखो मोस्टली वही लोग बता रहे हैं ये कि ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, जो नहीं देखने आते हैं, है ना। मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ जो आते हैं देखने और मैनेज कर रहे हैं, उनको भाई प्लीज। ओके गाइस, रिक्वेस्ट, होपफुली कि अभी समझ में आ गया होगा इस। ओके, सिड इज लाइफ, क्या हालचाल मेरे भाई? अरे कट्टी क्यों हो गए भाई? अरे तबीयत खराब थी भाई, आ तो गए वापस, डांटो तो मत भाई, डांटते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहां पर कुछ था और मैं तोड़ दिया हूं? ओके, अतुल जी थैंक यू सो मच फॉर द मेंबरशिप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच, लव यू मान, लव यू, लव यू, लव यू। सर पैर, अभी भाई तो खत्म हो गया,
अबे टोमेटो की आए, अरे भिंडोस, अबे जितना टोमेटो काटा उतना ही सीड मिला मेरे को। अबे नॉर्मल तो सीड ज्यादा मिलता है यार, ये क्या है। यस यस, अरे थैंक यू सो मच। मेरा सीडीएस का एग्जाम है लियोन सर, अभी पढ़ाई करी सुबह से सर आपके स्ट्रीम देखने के लिए। अरे तुम मेरे से क्यों नाराज हो रहे हो भाई, अरे पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है क्या यार, तुम लोग भी अजीब बात करते हो यार। शे पढ़ाई करेंगे क्या रे तुम लोग जेंजी लोग, शे पढ़ाई कौन करता है ब्रो आजकल के जमाने में, एक्सक्यूज मी। मैं बहुत मन से भाई इस बार के इलेक्शन में इतना पॉपकॉर्न लेक बैठ के देखूंगा ना, मजा आएगी बिल्कुल भाई। इस बार के इलेक्शन ज्यादा बड़े वैसे यार गाइस, मजेदार एकदम। सॉरी यार लेट हुआ, अरे कोई नहीं यार अतुल मेरे भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए मान। चलो भाई आ जाओ ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसको डाल के आते हैं अपने बोन मील वाले में। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ऊपर जाया करते थे मारने के लिए, अरे थे ये यार, इसकी रीच बहुत कम है यार इस तलवार की ना, उतना यार है नहीं ससुरा है ना, पिद्दी भर की डिस्टेंस भाई जिसमें मारता है ना थे। आ जाओ गाइस, रपाक 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 रूपी के रपाक, ठीक है ये डाल दिया मैंने, आ जाओ बाकी सारी चीजें अपन लोग वहां पर डालेंगे। जुम्बा जुम्बा, कैन वी लाइव अपलोडेड एज हॉरिजॉन्टल, कैन वर्टिकल लाइव स्ट्रीम्स अपलोडेड एज हॉरिजॉन्टल आफ्टर फ्यू डेज। अभिषेक भाई आप देखो बिल्कुल टेंशन ना लो, अभिषेक मेरे भाई देखो मैं आपको अभी चीज़ें बताता हूँ, अभी एक दो चीज़ें और बताता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ ना YouTube जो है वो या तो हॉरिजॉन्टल बंद करने वाला है या वर्टिकल अभी लाइव स्ट्रीम्स बंद हो जाएंगी, ठीक है। बंद का मतलब उस पर रीच ये वापस से कम कर देगा। देखो हॉरिजॉन्टल इसने बिल्कुल रीच जो है शून्य कर दी है, क्योंकि सब लोग शॉर्ट करें ही करें, मजबूरी बन जाए शॉर्ट करने की, तो हर कोई शॉर्ट करता है। अब शॉर्ट से क्या होता है कि शॉर्ट से फिर वो बाकी चैनल्स को भी शॉर्ट में ऐसे ऐसे एक आदत डाल रहा है व्यूअर्स को, कुछ कर नहीं सकते उसमें, यूट्यूब की मनमानी है भाई, तो है। अब इसमें हम जैसे यूट्यूबर खैर क्या ही कर देंगे भाई, ठीक है। तो जस्ट डोंट वरी, आप टेंशन ना लें, आपके लिए मैं चाहूँ तो मैं हर दिन शॉर्ट करूँ जिस हिसाब का रिस्पॉन्स आता है शॉर्ट्स में, लेकिन उस कंडीशन पर नहीं गया हूं मैं। जिस चीज को हम लोग मैनेज करते हैं, जिस कंटेंट को वर्टिकल में आप लोग मैनेज कर सकते हो वही दिखाता हूं मैं आप लोगों को। हॉरिजॉन्टल में कुछ ऐसा कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा जो वर्टिकल में ऐसा कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग उसमें देख के अपना एक्सपीरियंस खराब करोगे। उतना भरोसा आप कर सकते हो यार, इतने साल से हो इतना तो भरोसा कर ही लोगे, है कि नहीं। जस्ट डोंट वरी भाई, देखो भाई हम लोग भी मैनेज ही कर रहे हैं यार, है ना, अपन लोग भी मैनेज ही कर रहे हैं, आप लोग भी मैनेज कर ही रहे हो आई नो, है ना। तो यस यही भाई कंडीशन है भैया, अभी की सिचुएशन ऐसी ही है। मॉन आज आप पतले लग रहे हो, क्या बात करो यार अंकित शेट्टी भाई, शेट्टी शेट्टी भाई कुछ चाहिए क्या आपको, पहले बता दो भाई। अरे चूरा जी, चूरा जी क्या हुआ, क्या लेने गए थे आप, हाँ लाओ देव। ओके ओके ग्लास हो गया, ओके ओके डिस्पेंसर ऑब्जर्वर रपा रप रीप रूप रीप रा प्रीप माइंड कार्ड विद हॉपर हॉपर ओ माय गॉड, अरे बाप रे बाप। चलो जी एक बात बोले, बहुत कमीने आदमी यार, चलो छोड़ो यार, आओ भाई आओ इधर आ जाओ। आई एम ब्लेस, क्या हालचाल लवीना जी, कैसी हैं आप। बाय द वे गाइस हम लोग आज एक्सप्लोर करने चलेंगे, पर उससे पहले मुझे ऑटोमेटिक वूल फार्म बना देने दो, वो बहुत जरूरी है भैया, बहुत दिक्कत आ रही है। बाय गॉड, बस एक और इसको बिठा दो, दो घाई लगेंगे रपैक। ओके ठीक है, चलो जी यही भी बना दें चलेगा ना, है ना, यहां बना देते हैं और क्या, है ना। चलिए चलिए चलिए, चूरा जी एक बात बताइए, आपके पास क्या फावड़ा पड़ा है, फावड़ा बहुत बढ़िया बात है, डाल लीजिए अंदर, मैं तब तक यहाँ पे ये वाला काम कर लेता हूँ। चूरा चूरा जी, चूरा चूरा जी, यार चूरा जी एक बात बताओ यार, अगर मैं यहाँ पर
तो यानी कि यहाँ पर मुझे चाहिए होगा एक ऑब्जर्वर। अब देखो ये जो ऑब्जर्वर है ना चूरा भाई, देखो चूरा भाई देखो मैं आपको बताता हूँ। चूरा भाई देखो ऑब्जर्वर जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को रखेंगे ऐसे, ठीक है। देखिए सही लगाया है, हाँ सही लगाया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि इस ऑब्जर्वर का जो मुंह है वो इस तरफ है, इस तरफ जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, ये देखो ये, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां पर अगर मैं कोई भी हरकत करूंगा ना तो ये ट्रिगर हो जाएगा, ये ऑब्जर्वर जो है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस ऑब्जर्वर के ऊपर एक डिस्पेंसर लगाऊंगा, ठीक है। ये देखो ये, ठीक है, समझ गए आप, समझ गए। अब नीचे वाले ऑब्जर्वर में कोई हरकत हो, अरे भाई तो नीचे आ गया भाई, तो ऊपर वाला ये डिस्पेंसर चालू हो जाए, उसके लिए हम लोगों को एक रेड स्टोन लगाना पड़ेगा, एम आई राइट? अरे भाई देखो ये लग गया। अब कनेक्टिविटी जो है वो इसकी और नीचे वाले ऑब्जर्वर की हो गई है, करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चलो भाई। तो अब कैसा है, अगर अब मैं मान लीजिए अब अगर मैं इसको इसके अंदर मैं कुछ डाल दूं, अगर मान लो मैं पानी डाल दूं, जैसे मान लीजिए मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले ग्रास में कुछ दाएं बाएं करूंगा तो इसके अंदर से पानी फट से बाहर आ जाना चाहिए, करेक्ट। देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो ये आ गया, करेक्ट है ना। अरे वाह भाई वाह, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको उखाड़ना है, ठीक है। अब इसको वापस से डाल दो डर्ट को, ठीक है, यानी कि ये काम कर रहा है। अब इसके अंदर ना हम वो काटने वाली चीज डाल देते हैं, काटने वाली। आप थोड़े से ना शेयर आप बना के लाओगे या हम ही बना देते हैं, हमारे पास है वैसे रखा हुआ। अरे किससे बनता था भाई, अच्छा ये था। कितने दे दिया आप, कितने चाहिए? नहीं मैंने डाल दिए, कितने डाल दिए मैंने हाँ 6 डाल दिए, ठीक है ना। अब कैसा है कि अब आप उस शीप को जरा लेकर आएंगे यहाँ पे हमारे लिए, प्लीज प्लूज प्लीज, ठीक है ना गाइस। अभी देखो इसको बंद कर देते हैं, जहां से लेके आए वो इसको मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि वो जब आएंगे ना तो कूदना पड़ेगा उन्हें, है ना। हाँ अभी अच्छा, हाँ आप तो ऊपर से डाल सकते हो ना, अरे रे 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 रे। तो फिर एक काम करिए आप, ये लीजिए इसके 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 ऊपर चढ़ के इस वाले कांच के ऊपर चढ़ जाइए, हाँ छोड़ दीजिए, हट जाइएगा कूद के, हट जाओ, बस हो गया ना। अब ये क्या करेगी, वो घास खाएगी, और जैसे ही घास खाएगी रप से काम होगा, रप से निकल जाएगी ये, ठीक है। अब इसको हम लोग जरा थोड़ा सा नीचे का मामला बना के आते हैं, है ना, ठीक है चूरा जी। तो इसके नीचे का आइटम हम लोग अगर बनाने पे आए तो कैसे बनाएंगे, रुको गाइस को मैं अच्छे से समझाता हूँ ना यार, गाइस प्लीज टेल मी, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ ना गाइस। डिस्पेंसर में आपकी एक्स को डाल दो, वो काटेगी बराबर। भाई अपने अपने बारे में बात किया करो ससुरों, बेशर्मों, मेरी कभी कोई एक्स नहीं रही, समझे आप, मुझे कभी किसी ने धोखा नहीं दिया ब्रोस, आप लोगों की तरह। देखो कट गया फूल, अबे कट गया उसका फूल, ये देखो है ना, कट गया भाई, कट गया, ठीक है। इसके तिरछे वाला है, ओके यहां पर है ये, इसके अंदर है, इसके अंदर, ठीक है। आप देखना आप ऐसा बवाल करूंगा ना मैं, मम्मीज मम्मूस, यहाँ पे रखूंगा मैं चेस्ट। अरे आप चेस्ट नहीं लेके आए यार, अरे लेके आए हो आप, यार।
अरे थोड़ा स्लैब होगा क्या आपके पास? स्लैब स्लीब स्लैब दे, स्लैब कोई भी स्लैब दे दो हमको। देखो यहां पर लगाएंगे हम हॉपर, ठीक है, हॉपर के ऊपर लगाएंगे हम रेल और इसके ऊपर हम लगाएंगे गाइस। अरे गजा रे भाई चूरा जी। चूरा जी आपसे एक बात बोले। चूरा जी चूरा जी चूरा जी स्लैब दीजिए स्लैब। हाँ हाँ दे दिया आपने, ठीक है बढ़िया। देख रहे हो गाइस, आई मीन सब कुछ समझा समझू करता हूँ मैं काम, समझे? ऐसे फर्जी फर्जी नहीं एकदम ब्रो 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 ब्रो। देख रहे हैं चूरा जी। चूरा जी चूरा जी चूरा जी एक स्टेयर, आप एक स्टेयर पड़ा होगा वहां से चेस्ट निकाल के अगर आप दे देते दे तो मजा आ जाता। यार गाइस थोड़ा सा ना आप लोग अगर जीजी कर दोगे तो भाई मजा आ जाएगी गाइस, थोड़ा सा जीजी भी कर दो यार गाइस, मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोगों को जीजी कर देना चाहिए नहीं क्या गाइस? ओह माय गॉड इट्स फ्री बॉल। ठीक है अब देखो इसको उगने में टाइम लगेगा, नीचे वाली घास को उगने में टाइम लगेगा, जैसे लग जाएगी रप से करके काटेंगे ये लोग है ना, और इसके अंदर जो शेयर है वो हम लोग भरते रहा करेंगे। जी जी गाइस थैंक यू सो मच। ओके एक लगा दो बस, तीन होगा। इसको नेम टैग दे दे। हाँ बिल्कुल दे दो यार, ये पूछने की कोई बात थी क्या भाई? नेम टैग देना जरूरी था यार गाइस, आप तो बताते भी नहीं हो। ओह माय गॉड चलिए 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 यार गाइस ऐसा हो सकता है ना कि इसके ऊपर ज़ॉम्बी कहीं अगर आ जावे तो इसको बंद करना ठीक रहेगा क्या? क्या हमें इसको बंद करना चाहिए? आड़ो नो अरे अभी नेम टैग भी तो लगाना था चमन। अरे मेरी तरफ मत देखो भाई, सुम्बा 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 भाई कितना सुंदर लग रहा है यार गाइस, मजा आ गया बिल्कुल। लेविना जी टेक केयर। जो जी क्या हाल चाल? पुराने स्वीट इज लाइफ स्वागतम गाइस। किधर गए छोरा जी? लाइए लगाइए भेड़। वाह क्या नाम दिए भेड़। अबे तेरे यार चूरा भाई, चूरा भाई यू आर क्यूट। ओके चूरा जी अब एक काम करते हैं, ये तो अपना काम हो गया है ना, तो अब इसको आने जाने में टाइम लगेगा। आप एक काम करिए रपच करके सो के आइए, सुबह उठते हैं और फिर इंचेंट वाला काम करते हैं और फिर निकलते हैं, ठीक है? आ जाओ। अब गाइस बहुत भयानक चीज होने वाली है, बहुत भयानक चीज होने वाली है, और उस चीज का नाम है इंचेंटमेंट। हमारे पास टोटल 30 लेवल्स हैं, करेक्ट? 30 लेवल्स पूरे लग जाएंगे मुझे लग रहा है। आ जाओ लियोन भाई खूब प्रेम। नील जी थैंक यू सो मच मेरे भाई। गौरव जी #7 थाला फॉर अ रीजन। आ जाओ ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आप लोगों को सारी चीजें बताता हूं कि सबसे पहले देखो अब ध्यान से सुनना ठीक है। पहली बात तो ये बताओ गाइस कि सबसे अच्छा आर्मर कौन सा होता है? क्या हम लोगों को डायमंड आर्मर बनाना चाहिए, यस और नो? जल्दी बताओ क्या सबसे अच्छा आर्मर डायमंड का होता है या कुछ और, ये बताइए आप सबसे पहले, उसके बाद अपन लोग बाकी काम करेंगे। अरे भाई ये जरा खाने का मौका आ गया, रुको जरा देखें कितना बनता है। अरे मैया डिलीशियस। अरे भाई गजब बे। ठीक है ओके ये सारा का सारा सामान जो है गाइस युवा इसको बैठा दो इसको यहां पे रखो। ओके
ओके मैं सारा काम जो है ना बस खाली शिफ्ट कर रहा हूँ गाइस ओके डोंट यू वरी नीदर राइट नीदर राइट तो भाई नहीं है अभी देखो हमारे पास झूठ नहीं बोलेंगे गाइस नीदर राइट नहीं है अभी हमारे पास तो नीदर राइट का तो नहीं बन सकता है नीदर राइट से अच्छा एक मिनट रुकना मैं बताता हूँ अभी एक मिनट रुकना वेट अभी दिखाता हूँ मैं पहले एक बार जरा देख के आते हैं कि अपने पास जो विलेजर्स हैं उनके पास देखो हमारे पास ना बुक्स अच्छी खासी रखी हुई हैं अभी है ना जरा हमें ये रास्ता भी अच्छा बनाना पड़ेगा डर्ट का बनाओ मिट्टी में मिला दूंगा एकदम डायमंड बंबू का आर्मर ओके ठीक है वो देख रहे हो गाइस वो देख रहे हो शुगर केन यही डाल दूंगा अंदर समझे स्टाइल मार रहे हो तेरे फिर बोल रहा अरे इतना लंबा व्हाट इज दिस हाउ कम ब्रो आई कांट टेक इट एनीमोर अबे किधर गया वो अबे अबे किधर भाग गया अबे कुत्ते हाँ जी तो चुरा जी ने देखो गाइस आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पर ना थोड़ा सा टेम्परेरी चीज़ें रखी गई हैं ताकि हम लोग यहीं से उठा उठा के सामान जो है करते रहें क्योंकि हम लोग आयरन जो वहाँ से उठा के लाते थे वो यहाँ पर ला ला के हम लोग एमराल्ड जो है वो इतना इकट्ठा कर पाए कोई मार रहा है काबे धीरे ठीक है अब मैं आप लोगों को जरा एक चीज़ और दिखाता हूँ रुको जरा एक मिनट पहले तो ये ले लो यहाँ आ जाओ ठीक है यहाँ आ जाओ यहाँ पर एक और है अब ये देता क्या है ये हम लोगों को डायमंड एक्स और डायमंड स्वॉर्ड देता है पर 21 और 20 अबे हट बे इतना तो हम खुद बना लूंगा बे थे ये क्या देता है ये देता है अबे चैंपियंस चेस्ट प्लेट ओ माय गॉड और ये क्या है लेगिंग्स चैंपियंस लेगिंग्स अभी ये ज्यादा अच्छा होता है कि डायमंड वाला ज्यादा अच्छा होता है यार गाइस यार गाइस ये कौन सा अच्छा होता है अच्छा कौन सा होता है भाई ये लेना पड़ेगा क्या हम लोगों को एक मिनट रुको चुरा जी के पास पहुंचते हैं मेरे पास कुछ वो रखे हुए हैं है ना आविस जी कैसे हैं आप वो शुगर केन नहीं है बंबू है अपनी आंखों का इलाज कराए ना जितनी जल्द हो सके समझ आया क्योंकि जब ये डालूंगा तो दर्द होगा शुगर केन है बेटा ये स्मॉल पैक में बंबू इससे छोटे होते हैं समझे ठेलूंगा अगली बार बहुत बुरा रुप करके वो भी हमारे चुरा जी गए कहां बे थे तो यहीं पर यार ओ रे ओ रे ओ रे अरे चुरा जी चुरा जी चुरा जी अरे वहां पे एक विलेजर है वो मेरे को वो दे रहा है चेस्ट प्लेट दे रहा है और लेगिंग्स दे रहा है बड़े भयानक चैंपियंस वाली वो अच्छी होती है क्या मतलब देखना पड़ेगा उसके स्टैट्स क्या हैं चल के अच्छा तो हम जरा चेस्ट प्लेट देखते हैं गाइस मेरे पास है उसका है प्लस 8 आर्मर अगर 8 है यार उसका भी 8 है लेकिन उसका जो सेफ्टी है वो प्रोडक्शन वाली वो तो खाली एक ही थी यार डायमंड वाली की दो रहती हैं यार टफनेस कम रही होगी हां टफनेस कम टफनेस तो डायमंड वाला कर लें डायमंड मतलब हां खर्चा करना है कर सकते हैं हां फिर डायमंड वाला ही बना लेते हैं कोई बात नहीं चूरा नहीं बात ऐसा है कि जो डायमंड वाला अगर बनाएंगे हाँ. तो उसमें क्या रहता है कि चांस रहेगा ना कि लेजेंडरी निकल आया तो प्लस 12 आर्मर हो जाए 10 आर्मर हो जाए क्या बात कर रहे हैं ओह माय गॉड आपके पास है? आपके पास है ओके तब अच्छी बात है आइए मैं निकालता हूँ मेरे में आएगा लेजेंडरी आओ लेजेंडरी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है यार लेजेंडरी कैसे निकलता है मतलब अपने आप लग पे, अरे यार चूरा जी ऐसे मत बोलो यार रुको मैं खोल रहा हूँ रुको मैं लगा रहा हूँ हाँ तरीका है वैसे बात के लेकिन वो बहुत बात की चीज़ अच्छा अच्छा फिर छोड़ दीजिए आइए मैं लेने जा रहा हूँ ठीक है मैं हेलमेट ले रहा हूँ हेलमेट ओ गॉड निकला है बस
यार मेरे पास कोई पड़ा तो नहीं है, रुको जरा पहले चेक कर लूं यार एक बार, अपन जरा चेक कर ले। नहीं है भाई यार, मिक्स विक्स भी नहीं कर सकते हैं। अरे यार चलो मैं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं, ठीक है आ चुका है ना, डायमंड ले रहा हूं मैं। प्लीज गॉड प्लीज प्लीज यार मेरे को अनकॉमन मिला, अनकॉमन ठीक है, कॉमन से तो बढ़िया ही। हाँ इसका 9 है, 9, अरे बढ़िया है। ठीक है अब हम जाते हैं लेगिंग्स पे। ओ गॉड लेजेंडरी लेजेंडरी मिला मेरे को, अरे लेजेंडरी लेगिंग्स, ठीक है ओके ओके ठीक है। चल एक बात बताइए, ये जो आर्मर हम बनाए हैं इन आर्मर को तोड़कर हम वापस से डायमंड नहीं ले सकते हैं? अरे होता होगा तुमको पता नहीं है, तुम चमन आदमी हो तुमको क्या पता। आओ लेगिंग्स हो गई, और बताओ क्या लेना है, हेलमेट। हे भगवान, गाइस अपने अपने हाथ खड़े कर लो यार, अगर हो सके तो यार थोड़ा अच्छा अच्छा माहौल बन जाता है एकदम इवेंट। हे भगवान प्लीज गॉड प्लीज गॉड ओ माय गॉड, अरे मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, ये लो भाई तुम्हारे लिए, ये जाओ ले जाओ, एक और बना रहा हूँ मैं। अच्छा तो मुझे पहने हैं आयरन का। अरे भाई ऐसे तो मत बोलो भाई, ऐसे तो मत बोलो। मैं बनाऊं कि ना बनाऊं, एक और ना बनाऊं है हेलमेट। यार सही आदमी नहीं हो यार तुम। अच्छा और क्या चाहिए होता है हेलमेट के साथ में? बूट्स है, बूट्स लाओ भाई, डायमंड बूट्स, जय माता दी। अरे ये भी अनकॉमन मिला यार, फटीचर आइटम मिले हैं बिल्कुल एकदम, मन कर रहा है थूक दे अपने ऊपर एकदम। चूरा जी ज्यादा हो रहा, चूरा जी एकदम बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके आवाज आएगी जब पानी में डुबा के मारूंगा आपको, समझे आप? इधर आइए यार। चूरा जी मैं क्या बोल रहा हूँ ना, हमारे पास कितनी बुकें रखी हुई थी, मेंडिंग चाहिए रहेगी, एक और मेंडिंग चाहिए रहेगी, एक और मेंडिंग चाहिए रहेगी, प्रोडक्शन फोर मेंडिंग हमें एक और चाहिए। चूरा जी ले आ पाओगे? एक मेंडिंग ले आओ बस, रब फंसे करके बस, मेंडिंग रब फंसे करके ले आओ बस। तब तक गाइस हम लोग जरा चलते हैं, ये जला के जाता है ना ये चूरा चूरे तेर। आओ गाइस है ना, सबसे पहले हम लोग चेस्ट प्लेट में लगा रहे हैं एक मेंडिंग, ठीक है गाइस ओके मेंडिंग, और फिर इस मेंडिंग को पकड़ेंगे हम यहां पे और इसमें लगा देंगे हम प्रोडक्शन फोर, ठीक है ये हो गया। अब हम पकड़ेंगे अपनी लेगिंग्स, इसमें लगाएंगे मेंडिंग और इसमें लगाएंगे हम एक प्रोडक्शन फोर, बहुत बढ़िया ठीक है ये भी हो गया। अब हम पकड़ेंगे अपना हेलमेट, इसमें लगाएंगे मेंडिंग, वापस लगाएंगे और लगाएंगे प्रोडक्शन फोर, बहुत बढ़िया। अब हम पकड़ेंगे अपने बूट्स, इसमें लगाएंगे प्रोडक्शन फोर, अब जब वो लेके आएंगे तब हम इसमें लगा देंगे मेंडिंग, ठीक है। तो हमारा जो आर्मर है गाइज, आई थिंक हमारा आर्मर जो है अभी के लिए ठीक है, फायर प्रोटेक्शन नहीं ले सकती है, प्रोटेक्शन है तो आई मीन इट्स ओके, अभी के लिए आई थिंक इट्स ओके, ठीक है ये वाली चीजें हो गई। अच्छा अभी मेंडिंग वो लेकर आ रहे हैं, मेंडिंग वाला काम करके आ जाए, और तब तक एक काम करता हूं मैं, अभी इन्फिनिटी लगानी है ना, इन्फिनिटी हम लोग को बो बनानी होगी, बो उसमें हम लोग इन्फिनिटी लगा सकते हैं। रुको स्पाइस मेरे भाई क्या हालचाल, संतेज जी जो आर सी गेमिंग गए, जितने भी लोग देख रहे हैं जरा सब लोग एक बार कुछ टाइप कर दो, डॉट टाइप कर दो, बड़ा बूम टाइप कर दो, कुछ भी टाइप कर दो, कुछ भी चलेगा मेरे को, बस खाली एक बार टाइप कर दो बस, कुछ नहीं चाहिए मेरे को और, तो जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। मॉल ओके मॉल मॉल ओके अवश्य, हाँ ये मत क्या करो चूरा जी, मेरी एकदम जल जाती है। हाँ लाओ क्या दिए आप, ठीक है
देखो हमारे पास ना अनब्रेकिंग, यार चुरा जी एक और चीज आपसे मांग ले, आप नाराज तो नहीं होंगे? मुझे ना अनब्रेकिंग 3 चाहिए होंगी। आप मुझे एक अनब्रेकिंग 3 चाहिए, ठीक है, एक अनब्रेकिंग 3। और यार पावर 4 अभी तक, पावर 5 या कुछ अभी तक वैसा नहीं लिए हम लोग ना, वही ना गाइस। स्वॉर्ड चेंज कर लो, मान यार स्वॉर्ड तो ठीक है, स्वॉर्ड ठीक है, स्वॉर्ड इज फाइन। स्वॉर्ड की बजाय ना मैं एक लंबा वाला भी लूंगा कुछ। एक काम करेगा, रुको मैं आपको बताता हूँ, इधर आइए आप मेरे पास आइए, इधर आइए, इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें चाहिए रहेंगी। आप जरा नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। देखिए हमें, हमारे पास मेंडिंग है, अनब्रेकिंग 3 आप लेके आ गए हैं, नहीं अनब्रेकिंग 3 नहीं लेके आए हैं ना, तो आप मुझे 2 अनब्रेकिंग 3 दीजिएगा, ठीक है, 2 अनब्रेकिंग 3, एक मेंडिंग, ठीक है, एक शार्पनेस, ये आप ले आओ मेरे लिए, ठीक है, इसको आप लेकर रब पस करके आ जाओ, ले आओ ले आओ ले आओ, अभी ले आओ, अभी ले आओ, अभी ले आओ। अरे रात में ही काम करूंगा मैं, डरते हैं क्या? हाँ गाइस, तब तक मैं एक काम करता हूँ, तब तक ना मैं ये मेंडिंग वाला काम करके आता हूँ, और जरा इसमें बूट्स में लगाना था, राइट, आओ लगा के आते हैं। आ जाओ गाइस, मेंडिंग, ठीक है गाइस, इसमें हमारा प्रोडक्शन 4 लगा हुआ है, आ जाओ। ठीक है, अपना ये वाला काम हो गया, अब इन्फिनिटी वाला काम करता हूं, तो लेकिन मुझे बो चाहिए होगी यार, मैं बो कौन सी बनाऊं यार गाइस? अरे भाई बो मैं कहां बनाऊंगा भाई मैं, अभी ये लॉन्ग बो क्या है? ओ माय गॉड, अबे लॉन्ग बो में लगती है वो, अबे गार्जियन बो है ये, अरे बाप रे बाप, लॉन्ग बो, लॉन्ग बो, लॉन्ग बो ये, अरे ये तो बन जाएगी, इतनी खाली स्टिक चाहिए और थ्रेड, हाँ वो हो जाएगा, और फिर लॉन्ग बो से हम लोग रेड स्नेक बना सकते हैं। ओह माय गॉड, अरे बाप रे बाप भाई, यो ये तो बहुत गजब है बे। अबे रेड स्नेक वाली बना ले क्या गाइस? लॉन्ग बो बनाओ पहले, लॉन्ग बो, लॉन्ग बो, लॉन्ग बो चाहिए मेरे को। ओके क्या क्या चीजें चाहिए थी इसमें, यहां से पहले ये ले लो, स्टिक चाहिए, स्टिक है मेरे पास, वेयर इज थ्रेड, ये रही। अरे चूरा जी, ओपी चूरा जी, आ जाओ गाइस, है ना, यहां से बनाओ लॉन्ग बो, आ जाओ, ये रहा, ये भाई वर्टिकल क्यों कर रहे हैं यार, स्टार्टिंग में बताया है मैंने, फिर से वर्टिकल का हगास। अरे भाई तुम आए क्या स्ट्रीम देखने भाई, है भूतनी के स्ट्रीम देखने ना, उसके लिए कुछ कहता नहीं हूं, तो भूतनी के जब मैं कुछ करूं तो माना तो करो, तुम तो गजब हो यार, बिल्कुल ऐसे मत करो यार गाइस। ओके लेट्स डू रेड स्नेक, यार चूरा जी हम लोग को स्ट्रिंग और चाहिए होंगी यार, स्ट्रिंग नहीं बची हुई है यार, स्ट्रिंग बची है आपके पास? अरे वूल से बन जाती होंगी ना, है ना, वूल से बन जाती होंगी, 3 चाहिए, 3 चाहिए मेरे को चुरा जी। हेलो, अरे अभी आवाज नहीं आ रही क्या,
अरे चूरा जी आवाज आ रही है, हेलो चूरा जी, अबे मेरी आवाज ही नहीं जा रही है। तेरे भाई मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, भूल से बन जाती होगी। अबे आवाज क्यों नहीं जा रही है? अरे गाइस आवाज क्यों नहीं जा रही बे? डर लग रहा है भाई। ओके अरे कैसा बनता है? अबे तेरे स्ट्रिंग स्ट्रिंग, अरे नहीं बनता है भाई। अरे तो इन सब चीजों से बनेगा भाई? अरे बाप रे बाप, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। एक मिनट गाइस, अबे आटा चक्की थी तो यार मेरे पास एक। अरे कहां फेल दिया हूं मैं? अरे गाइस आटा चक्की थी तो। एल भाई क्या हालचाल यार? अबे मेरे पास वो पड़े होंगे, रुको जरा, ये पड़े होंगे भाई, रुको रुको रुको, बारले पड़ा होगा भाई, बारले। अरे भाई मैं आग का अंधा हो गया हूं क्या? अबे बारले ससुरे कहां है बे? अरे फ्लैक्स है। आ चल गाइस, मेरे को ही नहीं दिखाई पड़ रहा है फ्लैक्स के, किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है बे। वेयर इज फ्लैक्स? चूरा को दी थी। अबे फ्लैक्स में जो लाया था वो का फ्लैक्स है तो? अच्छा नहीं, बारले है यार, मेरे पास फ्लैक्स है ये नहीं। देखो इसे बोलता हूँ अभी, लेकिन मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही है यार गाइस? अच्छा गाइस मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही है ब्रो? अच्छा है? ये क्या हो गया भाई? अरे आवाज को क्या हो गया भाई मेरे? अरे चूरा जी आवाज आ रही मेरी? अरे ये, अरे हाँ आई आई, अभी आई। अबे ये क्या है भाई? चूरा जी सुनो, वो हम आपको एक आटा चक्की दिए थे, आपको याद होगा? चक्की? हाँ एक चक्की उक्की थी ना, जिसमें हम लोग वो फ्लावर वावर डाल के कुछ हम लोग वो बनाए थे, ग्लू व्लू बनाए थे। कुछ याद आया आपको? नहीं याद आया? अगर आपको नहीं याद आया है तो कोई बात नहीं, मिलिंग बोलते हैं उसको, मिलिंग है क्या आपको पास? देखिए जरा एक बार, देखिए होगा, देखिए देखिए जाके। उसको आप पूरा तोड़ दिए थे? नहीं यार भाई, वो टूटा थोड़े ना है यार, मिलिंग जो है, मिलिंग आई थिंक हम लोग को मिल जाता था यार, नहीं मिलता था क्या गाइस? लेकिन अगर मिलिंग मिल भी गया तो कहां लगाओगे? अबे हाँ यहां लगा सकते हैं। अब यहां लगा तो देंगे पर इसके ऊपर कूदना पड़ेगा भाई। ओ मम्मी, यार गाइस ये तो यार एकदम रात शॉर्ट स्ट्रीम क्यों भैया? यार आप शुरुआत वाली स्ट्रीम देख लेना यार डोडो भाई, और हैशटैग 7 वाली देख लेना, ठीक है? तो आपको 3-4 दिन का आपको सारी चीजें मालूम पड़। अभी अगर ये यहां है तो आए व्हाट द हेल,
अभी अगर आए आए, अरे चूरा भाई, अरे ये किसी और को पकड़ के लाए थे क्या शिव को? दो लाए थे। अच्छा दो लाए थे आप। अच्छा चूरा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को वो दो क्या कहते हैं स्ट्रिंग दे दो तो काम हो जाएगा। तीन स्ट्रिंग चाहिए बस, तीन स्ट्रिंग दे दो भाई काम बन जाए। अबे यार ये उससे नहीं बनती है क्या यार? अरे गए आप, जैसा बोलेंगे हम बिल्कुल मान लेंगे आपकी बात। चूरा भाई होशियार गाइस, हाँ से थोड़े थे इसलिए नहीं मिली थी। अच्छा ऐसा हो सकता है, हो सकता है मेबी। अल्लाह आइए, तीन दे दिया आपने। अरे चूरा जी यू आर सो क्यूट, आ जाओ गाइस। चलो भाई वैसे एंचेंट हो गया आपका? एंचेंटमेंट जो है चूरा जी, मैं बस वो वाला काम करने वाला हूँ और बहुत जल्द होने वाला है चूरा जी। क्यों क्या हुआ, डर गए क्या? मतलब अब किताब पढ़ रहे थे, एक जगह आए कुछ चीजें मालूम पड़ी हमें। क्या मालूम पड़ा बताइए? वापस डाल के वापस डाल लिया अपने में, वाह भाई वाह। कहा दिए ये इन्फिनिटी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फाइव, ये भी है, ये भी है शार्पनेस। चुरा जी ये लीजिए एफिशिएंसी सिक्स, अनब्रेकिंग फाइव, फोर्टी फोर। चुरा जी, चुरा जी मैं थोड़ा इंचार्ज करके आता हूँ चुरा जी, है ना? अभी आते हैं चुरा जी। ओ माय गॉड, अबे ये चूरे चूरे पहले बोलना नहीं होता क्या? चूरे तेरे चुरवा झला दिया भाई, झला दिस। आज वैसे कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके मान, है ना? मैं क्या करूंगा गाइस, कहाँ है कहाँ है? तो जगह ही नहीं है, रुको 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 रुको, ये लो हमारे पास आओ, ये लो पकड़ो। इसमें क्या है भाई? फेदर फॉलिंग फाइव। चूरा जी माउथ टू माउथ चाहिए आपको, माउथ टू माउथ। भगा चूरा भगा, भगा चूरा, भगवान ये कहाँ हो गया भाई? कहते भाई कितना चाहिए था? दो रेड स्टोन चाहिए थे और एक ये चाहिए। आओ गाइस काम हो गया जी। रेड आर गाइस, रेड स्नेक है ना, सात प्रोजेक्टाइल डैमेज है गाइस। ये यार गाइस इसमें लिखा हुआ है द रेड स्नेक रेडिएट्स एन एक्सप्लोसिव हीट मेकिंग इट अ डेडली फायर रिस्क इन द ड्राई डेजर्ट लैंड्स। अच्छा ले लेता हूं भाई। अबे रियर है ये तो, आ जाओ ठीक है गाइस, है ना? अभी सारे के सारे काम करूंगा एकदम रपा रप वो भी। अबे यार एक और चीज थी अगर आप लोगों को याद होगा तो, एक मैंने वो वेपन नहीं बनाया था जो बहुत दूर तक मारता था, ऐसे स्पीयर टाइप था, याद है? वो बनाता हूं यार मैं, अभी डायमंड वाला बनाऊंगा, उससे हम लोग और करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा इन्फिनिटी, ठीक है? इन्फिनिटी लगा दूं और इसमें लगा देंगे हम अनब्रेकिंग फाइव। तुरा जी आप निकल जाओ नहीं तो मैं गाली दे दूंगा अभी। यार ये क्या ग्राइंड करके मतलब एकदम बवाल काट दिया भाई। बिस्व जी जी कैसे हैं आप, कैसा चल रहा भाई? एक मिनट करो गाइस, है ना? अनब्रेकिंग फाइव, ओके अनब्रेकिंग फाइव, ओके इट्स डन। ठीक है अब आते हैं फॉर्चून फोर है ये, तो इसमें फॉर्चून फोर लगा देते हैं पहली चीज तो ये। ठीक है फॉर्चून फोर लग गया। अबे अरे बाप रे बाप, अबे भाई तो जगह
एफिशिएंसी 6। अबे इतनी तो एक्सपी ही नहीं है भाई। अरे भाई ये बहुत ज्यादा, अबे इसको लगा, अबे इसको फेदर फॉलिंग भाई, फेदर फॉलिंग दादा। ओ माय गॉड। हाँ रुक जाओ गाइस, है ना। अब मैं वो बना लेता हूँ जो मेरे को बनाना था, एक मिनट। अरे बाप रे बाप भाई, ये तो गजब है इसमें। एक मिनट गाइस, हाँ ये बनाया था बे मैं हॉलबर्ड करके, इसका वो नहीं आता है क्या डायमंड का? अरे है डायमंड का भाई, डायमंड का। ये क्या है, कैसे बनता है? दो ये और ये, ठीक है। ये और ये वाला काम अपना हो जाएगा, ठीक है। बस आयरन इंगट चाहिए एक, दैट्स इट। ठीक है, हो गया अपना काम, ठीक है। ये बन गया गाइस, है ना। इससे एपिक, ओ आ जाओ गाइस, इसको पकड़ो और इसमें लगाएंगे मेंडिंग। और पहले मेंडिंग लगाओ, मेंडिंग, ठीक है। ओ शिट, चूरा जी, चूरा जी बिक गया भाई मैं। चूरा जी वो खत्म हो गया मेरा, वो एनविल मेरे यहाँ पड़ा है। अरे तो हमारे यहाँ भी पड़ा है चूरा जी, इनको हम बना देते हैं। लेवल की कमी हो तो बता दीजिएगा, 55 लेवल है ना मेरा। चूरे भाग जा यहाँ से कमीना। अबे भाई 3 ब्लॉक चाहिए। ओके आइए गाइस। ठीक है, क्या करने वाले थे हम गाइस? हम लोग करने वाले थे वो डायमंड वाले में, हम लोग को क्या लगाना था? हम लोग को लगाना था मेंजिंग, नहीं मेंडिंग लग गई थी इसमें। हाँ इसमें हम लोग और क्या लगाने वाले थे? शार्पनेस 5 लगा सकते हैं क्या? अनब्रेकिंग 3 है हमारे पास, ठीक है। अनब्रेकिंग 3 अगर हम लगा दें, ठीक है। और एक मैं शार्पनेस 5 अगर लगाना चाहूं, ओ शिट, चूरे को लाना पड़ेगा। अरे चूरा जी बस ये लगा के दे दो, बस ये पकड़ो और एक ये लो जाओ, लगा के हमको दे दो बस, जाओ। पिद्दी भर का है छोटा सा। अरे हाँ नहीं अपने वहां पे कर लो, हाँ अपने वहां पे कर लो, सही। अबे चुरवा तो बिल्कुल एकदम हीरो बन गई इस। चुरा जी चला जाए नहीं क्या? एक काम करिए, ये लीजिए लगे हाथ इसको भी कर ही दीजिए, मैं तो कहूंगा। एक और करा रहा हूं मैं बस, डोंट वरी गाइस। यार ये पेपर बड़ा अच्छा है यार। चूरा की आंखें बाहर आ गई वाला चीज करने में। चूरा जी कितना लगा इसमें? 38 लगा क्या इसमें? चूरा जी अभी कितना लेवल है आपका? 46। चुरवे तेरे। चूरा जी मैं क्या बोल रहा हूं, बस ये बारिश रुक जाए, मैं और आप बेड और जितनी भी एक्सप्लोर वाली चीजें हैं सारी उठाते हैं और निकलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया एक्सप्लोर करने चल रहे हैं, आइए चलिए, है ना। अभी अभी थोड़ा सा मैं ये बना लूं, सो के उठेंगे और फिर चल देंगे, ठीक है चूरा जी। डन, ओके चूरा जी डन। आप रे, ओके ठीक है गाइस। तो अपना ये सारा काम हो चुका है, अब मैं एक काम करता हूँ, बाकी जितना भी सामान है वो सब रपा रप करके डाल देता हूँ, जो भी अपने काम का नहीं है इस वक्त, जैसे कि ये सारी बुक्स जो हैं वो अब काम की नहीं है। डायमंड एंड एमराल्ड्स, डायमंड यहाँ पे डाल दो, एमराल्ड थोड़े समय के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, है ना, विल टेक इट लेटर वन, ठीक है। डायमंड यहाँ पर भी थोड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पर डाल दो, ठीक है। आ जाओ गाइस, इजी मा, इजी। आ जाओ, आयरन जो है, आयरन का एक पत्ता लेके चलेंगे अपन लोग, है ना।
बेचारे कैसे यूज कर रहे हैं। अच्छा, बड़े चूरा के कितने लोग चूरा के फैन है भाई यहाँ पे। भूतनी क्या कोई एक दिख गया ना ठेलूंग बहुत। चूरे का कोई फैन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अबे मेरे साथ खेलने वालों के ससुर फैन हो जाते हैं, हमारे पास छोड़ के हमारे ही नहीं बनते हैं। मत करना गाइस, मैं बहुत बुरा ठेलूंगा, बहुत बुरा एकदम, जानते नहीं हो अभी तुम लोग मुझे। अरे कौन मारा अबे तेर। ओके तो ओके दिस सीम्स गुड। चूरा फैन मी अबे ओ अबे 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 चूरवे को मैं निकाल रहा हूं सर्वर से। अबे तेरे भाई यार ये क्या है ये। गाइस जस्ट सेइंग कि आपको हमारे फैन बनना है, मोटिव ये है कि आप हमारे फैन बनिए। ये चूरा जी क्या भाई। अबे चूरवे अपना काम लगाने आया तेरे। चूरा सही बंदा नहीं है भाई, चूरा इज नॉट अ गुड गाय गाइस, नॉट कूल मैन, नॉट कूल, नॉट कूल, नॉट कूल। मैं काम करता हूँ गाइस है ना, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे है ना। सेकंड चीज जो है ओके अरे इन दोनों को हटाओ नया बना दूंगा भाई मैं। ये क्या इतना सोच रहा हूं बे तेरे। बताओ इतना सोचना पड़ रहा है भाई, इसकी गरीबी छा गई है का भाई। ठीक है ना। आप नूब है ए, कोई नया मिल गया तो पुराने वालों को भूल गए तुम लोग हैं। यही बाकी यही बाकी यही प्रेम है। चल गाइस एक बात मुझे बताओ, अबे एक मिनट चेहरे पैर पैर चेहरे रूबी रूबी का क्या है भाई। रूबी अरे भाई अबे रूबी भाई मेरे पास गोल्ड नहीं है क्या। अरे भाई ये देखो ये क्या है, रूबी नेकलेस। रूबी नेकलेस पे मेरे को 8% अटैक डैमेज और मिलेगा और ज्यादा कुछ मांग भी नहीं है इसकी। स्ट्रिंग चाहिए रहेगा और एक रूबी रिंग भी है, उसमें 3 गोल्ड चाहिए। अबे रुक बोलता हूँ इसको, रुक रुक, 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 रुक। अरे चूरा जी चूरा जी चूरा चूरवे चूरवे तेरित चूरा जी मैं क्या बोल रहा था, थोड़ी सी ना स्ट्रिंग बना के लिया। स्ट्रिंग बना के लिया होगे, लिया मेरे को 10 दे दो 10। इससे स्ट्रिंग ना चाहिए होती ना मैं अभी कत्ल कर देता गाइस। की क्या है यार, आधे जानवर को तो यही मार के गया है, क्या है भाई ये। ठीक है गाइस है ना। तो अच्छा फिर तो ये उसका भी होगा, सफायर का भी है क्या है मेरे को जरा। अबे ये तो यार सफायर सफायर का क्या है भाई। ओ सफायर रिंग 2 मैक्स हेल्थ कर देता है प्लस 2। ओ माय गॉड सफायर नेकलेस भी है। अरे भाई ओ माय गॉड मेरे पास स्लॉट वॉट कहाँ लगता है भाई, ये हमको पता भी नहीं है सर। सुना कितनी हो भाई। चलो काम चला लेंगे चूरा जी। ओके गोल्ड ले लेता हूँ यार।
नेकलेस तो आप, नेकलेस तो आप हो। अबे राजदीप शॉ कमीने, झांसे में फंस भी गया मैं। बकरिया गाइस, मिनट फील्स पेंस। ओके ये रहा गाइस, हियर वी गो, एक सफायर नेकलेस, देयर वी गो। ठीक है अब इसको लगा के देखते हैं। सफायर नेकलेस नहीं पहन पा रहा हूं मैं, क्या मैंने पहन रखा है भाई, पैंडिक नेकलेस लगा रखा है। अबे भाग तेरे, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहन लिया, पहले नेकलेस पहन लिया गाइस, है ना, और नेकलेस नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है रूबी वाले की रिंग चाहिए होगी मेरे को, रूबी वाले की रिंग, रूबी, रूबी वाले की रिंग कहाँ है बे, ये रहा गाइस, क्या नहीं मेरे पास, गोल्ड ही मेरे पास। अबे गोल्ड है भुतरी के, अबे नहीं एक मिनट, अबे क्या रूबी में डाल आया हूं क्या, अबे रूबी किधर गई, हाँ एरो लेते गाइस, अबे रूबी किधर गई, ये रही, अबे तेरी आ गए गाइस, है ना, ये रहा भाइयों, ये रहा रूबी। ठीक है यार नेकलेस एक्चुअली मुझे हेल्थ का चाहिए होगा कि मुझे यार मैं एक काम करता हूँ गाइस, है ना, नीड द राइट रूबी नेकलेस। अबे ये बनाता हूँ गाइस, क्या बोलते हो, है ना, ये बनाता हूँ यार मैं, और वो वाला नेकलेस रख लेता हूँ, वो हेल्थ वाला जो है ना वो कभी और ले चलूंगा मैं, अबे उससे अच्छा है भाई ये, है कि नहीं गाइस, आओ बे नेकलेस गाइस का लो। अरे क्या नहीं है मेरे पास, ये लो गाइस। ठीक है अब मैं इसको निकाले दे रहा हूँ, ये वाला नेकलेस निकाल के रूबी नेकलेस पहन रहा हूँ। ठीक है चलो गाइस, और एक ये भी पहन लिया। ठीक है अरे मेरे को इस पे भी तो मेंडिंग चाहिए होगी यार, अरे मम्मी ये यहां पे रख दो सफ़ेद, और ये यहां पे रख दो, इसको भी मैं यहां पे रख के जा रहा हूं, इसको यहां पे मत रखो यार। ठीक है मुझे एरो चाहिए होगा, एरो एक चाहिए होगा राइट, है ना, एरो एक ही चाहिए होगा ना गाइस, क्या बोलते हो गाइस, है ना, ज़ुम्बा ज़ुम्बा भाई बहुत सही यार, गजब है भाई, मजा गया बिल्कुल। ठीक है अरे चूरा जी सुनो, मेरे को यार मेंडिंग चाहिए थी, मेंडिंग है नहीं है, ए मुर्गो जरा बस खाली एक मेंडिंग चाहिए और हो गया काम, बस खाली एक मेंडिंग लेके आ जाओ, पट्ट से एक मेंडिंग लेके आ जाओ, बस आ जाओ गाइस, है ना, मेंडिंग अपनी एक हो जाए, मैं अपनी शील्ड में लगा दूं, फिर निकल रहे तुरंत। ठीक है पैनिक नेकलेस पहन के रखो, बीपी नॉर्मल रहेगा, वरना कभी भी स्ट्रीम ऑफ जा सकती है। अरे पीयूष राज भाई, प्रकाश राज के भाई हैं आप, हैं? और बताइए कौन जीत रहा है, 400 पार करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं आप इस बार, हैं? तेर भूतनिक्स बे शर्मा को शर्म भी नहीं आ रही है। अबे भाई 26 हो गए ब्रो, एक और ले आऊंगा मैं, अभी रुको जरा एक्सप्लोर करके आएंगे ना, तब फिर मैं एक और बना दूंगा, एक और लॉयल्टी भी लगाओ स्पीयर पे यार, अब पिछवाड़ से तो नहीं निकाल दूंगा, है ना, विलेजर अभी लॉयल्टी वाला तो बनाया नहीं है, अभी जितने बने हुए हैं उस हिसाब से ही काम कर रहे हैं भैया, स्टोरेज रूम में शिफ्ट भी कर रहे हैं। एक काम करते हैं, एक्सप्लोर करने के बाद ना अपनी आज की स्ट्रीम के थर्ड फेज में यही सब काम करूंगा, है ना, सामान जो है वो डालूंगा स्टोरेज वाले उसमें, और उसको आप लोग एक और एक्सटेंड करेंगे ऑटोमेटिक वूल फार्म को, और तीसरा काम क्या कर सकते हैं, अच्छा हाँ अभी आज वाली स्ट्रीम पे ना लॉन्च पैड बनाते हैं और वो रॉकेट बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है हम लोग दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे भाई, मून पे जाना है, वीनस पे जाना है, मार्स पे जाना है। शुक्रिया चुरू जी,
चुरा जी आपको पता है एक बात बोले आपसे, चुरा जी हाँ चुरा जी आपको पता है मैं अपने दिमाग से ना ऐसे बस खाली पूछ रहा था कि चुरा जी को कोई पसंद करता है क्या, एवरीवन सेड नो एवरीवन सबने बोला लाइन से एकदम दिमाग में मेरे बिल्कुल भी नहीं बुरा लगा चुरा जी आपको देख के, चलिए आप बाहर आइए। चले चुरा जी चले। ये कौन सा बो है, ये वाला नहीं है क्या आपके पास? कौन सा दिखाओ जरा फेंको। अरे वहां फेंकने कौन बोल रहा है यार, ये तो हम भी फेंक देंगे। अरे हमारे जेब में फेंको भाई, देखें तो पहले क्या है। प्लस फाइव आई मीन प्लस सिक्स का डैमेज है आपका, प्लस सेवन का हमारे पास है, समझे आप डाल लीजिए अंदर चूरा जी अभी आप शाणे बने हैं पर उतने बड़े भी शाणे नहीं हुए। चलिए आइए है ना, आइए सो के आते हैं। ठीक है ना, डन हो गया ना, और तो कुछ नहीं बाकी है राइट। अपने पास खाना पीना है, खाना पीना है, एक 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 और पत्ता रख लूंगा वैसे खाने का चलिए 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 आ जाइए गाइस, एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग तुरंत निकल रहे हैं और लेट्स डू द एक्सप्लोर नाउ, कम ऑन कम ऑन। अरे सुबह सुबह उठ के नाश्ता कर रहे हैं आप है? गुड, मैं जरा थोड़ा सा वो लेके आया था हूँ, है ना, एक मिनट को। अरे चुरा जी सुनो, अरे किधर लेके चलेंगे आज आप? चल देंगे ऐसे ही उड़ते जहाँ चल रहे। उड़ते में नहीं जाऊंगा मैं, और क्या। अरे वहां क्या उसको वापस आएंगे क्या उड़ते हुए? अरे भाई लेके चल रहा हूँ, वे स्टोन पट से आ जाएंगे, और क्या पैदल चलते हैं, पैदल पैदल में तो मजा आती है एक्सप्लोर करने में। बोट ले आना पड़ेगा क्या? बोट रख लेते हैं, बोट रख लेते हैं, रख लेते हैं, आ जाओ भाई सर, बोर्ड भी हो गए। चलो चलिए आइए चुरा जी, चलिए कहाँ ले चलना है बताइए। आज चलते हैं कहाँ, इस तरफ? अच्छा हाँ इस तरफ हम लोग नहीं गए यार। चुरा जी, चुरा जी आपके पास काऊ है क्या? काऊ मेरे पास नहीं है पर हाँ मैं जानता हूँ मिल जाएगी, मिल जाएगी है? अच्छा तो हो जाएगी। है? इसको मार नहीं रहा हूं मैं, यार यहां पे कहीं पर वो नहीं है क्या? इसको इसको इधर आने दो, इसको इधर आने दो, इसको वहां से निकाल लो बस, आ जाओ चुरा जी। अरे हाँ हम लोग इस तरफ गए नहीं है भाई, हम लोग तो सीधे गए थे इस तरफ, आ जाओ जरा इधर मारते हैं एक्सप्लोर, आ जाओ चुरा जी साथ ही रहना ठीक है। चुरा जी यहां से कितना अच्छा लग रहा है यार, अपना विलेज वो देखो तो एक बार, बाप रे क्या सुंदर लग रहा है यार चुरा जी। आपको कैसे दिखाई पड़ेगा, आपकी दूर की नजर एकदम ओ माय गॉड। होलो कुकुविन देखा आज आपका, रोना आ गया। अरे हैक एंड कोड भाई बहुत बढ़िया गेम था यार, वो मजा आ गया था भाई, इट वाज गुड यार। ये सब गेम्स कितने अच्छे तरीके से खेले गए यार, मजा आ गई है ब्रो। फक्र है गाइस फक्र, 100 के नहीं पहुंचे फक्र है। गाइस 100 पहुंचाने हैं, सब लोग मिलके सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, कोई भी नया है मिलकर लाइक करते रहिएगा, सभी लोग मिलके ये वाला काम करते रहिएगा रपा रफ। वो भी कहाँ चुरा जी किधर चलना है? आप चलते रहो, आ जाओ चलते रहते। अरे चुरा जी ये बंदों का वो है क्या, उधर देख के आए एक बार? अरे मैं यहाँ पे आया था यार एक बार, शे यहाँ पे नहीं है कुछ, यहाँ पे नहीं है। हाँ हाँ ये बेल ले लो आप चाहो तो ले लो, आप ले लो। गाइस ध्यान से मेरी बात सुनना, हम लोग थोड़ा स्टोरी वाले पार्ट भी करने वाले हैं ठीक है। जैसे चूरा के कैरेक्टर के बारे में आप लोग नहीं जानते हो तो मैं जरा पूछता हूँ ठीक है, ध्यान से देखना अभी जरा देखते हैं ठीक है। अरे चूरा जी एक चीज पूछनी थी यार आपसे। मुझे ये पूछना था चूरा जी कि ये कौन सा फ्लावर है यार?
मुझे मिथिकल टाइप का लग रहा है कुछ। अरे तो वो तो हमको भी मालूम है मिथिकल लाइम फ्लावर है भाई, कुछ और बताइए। ये इससे ना कुछ तंत्र मंत्र हो सकता है। अच्छा तंत्र मंत्र हो सकता है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आइए चूरज जी, इसको वैसे तो भी डाई के लिए इस्तेमाल कर। अरे चूरज जी, अरे ये क्या है भाई, ये तो जिराफ है। आना अरे भाई भाई भाई, भाई, भाई। अरे गजब, माँ और उसका बेटा है समझे आप। आइए डरिए मत, आइए। बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं एकदम, है ना, भ्रमण पे निकले हैं। आइए कोई बात नहीं। सूरज जी किधर जाएं, किधर एक्सप्लोर मारा जाए आज बताइए आप। आइए चलिए, आप ही लीड करो, आप ही लीड करो। वैसे सूरज जी एक बात मुझे पूछनी थी, अभी हम लोग घर से थोड़ा दूर है तो मैं आपसे जरा एक बात पूछता हूँ, आप बताइएगा। ये बताइए कि आपने कहा था कि आप उस विलेज में हमको देखे थे हैं, और मैं एकदम से गायब हो गया था हैं, और आपने कहा था कि आप उसी विलेज में रहा करते थे हैं। अरे मुंह में दांत नहीं है क्या? हाँ हूं तो बोल दीजिए। हाँ अच्छा, पर चूरा जी मैंने आपका कोई सामान नहीं देखा वहां पे। कौन से घर में आप रहते थे उस वाले विलेज में? वो वाला विलेज तो मैं एकदम खकोर आया था, वहां पर आपका सामान नहीं पड़ा हुआ था चूरा जी? सामान नहीं पड़ा। हाँ वहां पे सामान नहीं पड़ा था आपका, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चलते रहिए बताते रहिए। काफी समय से आपके साथ हम रह रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, आपसे क्या ही बोले, उस समय थोड़ा सा झूठ बोला था मैं, हल्का सा, थोड़ा सा। हाँ झूठ? हाँ क्या झूठ बोले थे चूरज जी? हम जो है उस विलेज में नहीं रहते थे एक्चुअली। अच्छा आप उस विलेज में नहीं रहते थे, ये तो खैर हम खुद ही अपने आप से पता लगा लिए हैं चूरज जी, आगे बताइए। हम एक रहते थे बड़े से राज्य में। बड़े से राज्य में भाग गए, फिर चलते चलते हम भाग के वहां पे छुपने आए। जैसे हम उस दिन वहां आए, हमने हाँ। एक आदमी को देखा गायब होते हुए, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी मची कि ये कौन है। अच्छा तुम निकले आपको? हाँ फिर उस दिन आप हमें दिखाई दिए। अच्छा मतलब एक और झूठ है? नहीं नहीं ये सच है सच। अच्छा सूरज तो किधर चल रहे हैं? पर वहाँ नहीं रहते थे। अच्छा हम लोग चलते हैं किधर, चला जाए? राइट लिया जाए, आप आते रहो बस, दाएं लिया जाए, बाएं लिया जाए, कहाँ? अरे सामने क्या है? हाँ अभी चलते हैं, मुड़ो किधर? ये क्या है चूरा जी? क्या? ये क्या है चूरा जी? ये क्या है भाई? हैं? जंगल टेंपल टाइप का लग रहा है। कब बोल रहे हैं? चले अंदर चल के देख सकते हैं। चलिए लगाइए मार्ग, लगाइए मार्ग यहाँ पे, मार्ग मतलब यहाँ पे एक पत्थर लगाइए, हम जरा उसके ऊपर फिर चढ़ेंगे कूद के। आइए लगाइए मार्ग, लगाइए। हाँ चूरा जी बहुत बढ़िया, चूरा जी आप सही बता रहे हैं, कभी कभार एकदम मन तो करता है एकदम पेल दे आपको। चूरा जी आइए, चूरा जी आराम से, आवाज मत करिए, आवाज मत करिए, आवाज मत करिएगा, कम ऑन चूरा जी, डरिएगा मत। ओके अबे तो बाहर आ गए, इधर इधर किधर? चेरे 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 चेरे, जगह खाली इतना ही है चूरा जी? ये अलग से लगना है ना ये। एक मिनट रुको जरा। अरे चूरा जी आप जो बोलेंगे वो हम तोड़ देंगे, आप बस बोलिए कि। अरे ये क्या है चूरा भाई? तो
नहीं भाई, तो क्या ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई है। यहां पर तो कुछ भी नहीं है यार भाई, क्या तोड़ रहा है बे ये पिकैक्स, ओ माय गॉड। अबे क्या तोड़ रहा है ये चुरा जी, हमें लगता है कि ये बेकार टेंपल है, यहां पे कुछ है नहीं चुरा जी। है ये नीचे क्या है, थोड़ा जी नीचे कुछ है क्या, ये सिल्वर फिश चूरा जी जल्दी ऊपर आइए चूरा जी, और ऊपर आइए चूरा जी। चूरा जी संभल के, चूरा जी चूरा भाई आप फटिन दौड़ रहे एकदम, चौराहा हो गई भाई आपकी तो। कहां से रही? पता नहीं है, हमको लग रहा है दीवार से आ रहे हैं ऐसा। अरे ये शरापित जगह तो ना चूरा जी को ऐसे देख के मजा आ रही। चूरा जी ऊपर आ जाओ, चूरा जी ऊपर आ जाओ, चूरा जी ये अभी तो बमी रिटर्न से था कहीं मेरे को। अरे जितना तोड़ना है उतना वो हो रहा है, तोड़ना हा, नहीं है कुछ। हाँ नहीं तोड़ रहे चूरा जी बाप रे चूरा जी, क्या हमें नीचे जाना चाहिए? जितना तोड़ रहे उतने ये लोग आते जा रहे हैं। चूरा जी मैं जा रहा हूँ, सोचे आप गौर यो यो सूरज जी, एवरीथिंग इज गॉन। यार सूरज यहाँ पे कुछ है नहीं यार, सूरज जी अरे सूरज जी ये देखो क्या है, ये देखो जाओ नीचे जाओ। अरे चूरा जी आ गया मैं, क्या हुआ, ऑल गुड? अरे मम्मी मोरी एमराल्ड ले लो भाई, गोल्ड ले लो भाई, बहुत जरूरी है, सिल्वर भी उठाई लो, स्ट्रिंग ले लीजिएगा चूरा जी, स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो समझ गया भाई। चूरा जी दैट कूल चूरा जी, यार चूरा जी बजरगर्स फ्यूरी टू, अपने बैक सीजन 3 ओके, स्मिथिंग टेम्पलेट भाई, देखो जो समझ में ना आए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चूरा जी, समझे आप? स्मिथिंग टेम्पलेट है? हाँ क्यों, क्या हो गया? तो ऐसे नहीं मिलता है नॉर्मल तरीके से। अरे नॉर्मल तरीके से मिला है भाई हमें रप से वो भी, अरे उस पे डिपेंड करता होगा ना कौन कितना बड़ा वॉरियर है, समझे क्या? अभी देख रहा आप कैसे पेले हैं लोगों को, अरे तब क्या भाई, अभी देख रहा आप कैसा पेल के बराबर कर दिया। अभी ये क्या है भाई, डायमंड क्लेमोर, अरे चूरा भाई ये मेरे हाथ में देखो कहाँ है, ये कहाँ है भाई इतना लंबा, चूरा जी ये बहुत लंबा है क्या? I mean, weapon, चुरा जी, weapon. चुरा जी, एक काम और कर लेते हैं मेरे ख्याल से ना, ठीक है चुरा जी, I think एक iron twin blade भी है जो मुझे नहीं लगता है कि उतनी जरूरत है चुरा जी। Divine helmet क्या होता है चुरा जी? Divine helmet, divine होता है। अच्छा divine helmet divine होता है,
अब परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होता है चूरा जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं। चूरा जी डायमंड मिले मेरे को 332। व्हाट? 332 डायमंड? मतलब माना थोड़ा, मतलब इतना भी नहीं लेकिन। देखे चूरा जी ऐसे पेल देता हूँ लोगों को, समझे क्या? चूरा जी एक काम करता हूँ मैं, ये लीजिए और थोड़ा लोगों को मारिए। अरे बिना ऐसा डरते हो ना चूरा भाई। चूरा जी और तो कुछ नहीं है यार चूरा जी, तो यही लूटती है। हाँ पर यही लूट करने के लिए लोग आते होंगे। आइए चूरा जी, है ना, यहाँ से निकला जाए। चूरा जी मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए रास्ता बनाऊ जाके। ओफो चूरा भाई सबसे आगे आगे क्या हुआ है? ये देखिए सट से निकला आया मैं। अरे पानी पानी हमारा पानी आप पेल गए। अबे भाई चूरो भाई भाई इतनी तेज खांसी आती लगता है पाद निकल जाएगी। अरे चूरा भाई हमारा पानी उड़ा लिए हुआ, पता है आपको? ये ले लीजिए हमारे पास है। अरे नहीं भाई पानी में क्या है भाई, पानी भी आपसे मांग के हम करें तो फिर लालत है भाई जिंदगी पे। इधर आइए चूरा जी, चले चूरा जी किधर से जाना है वापस? आइए बाहर निकलते हैं। चूरा जी रात हो रही है, चूरा जी सो जाते हैं। हाँ आइए सो जाते हैं, आ जाओ। रुकिए चूरा जी किताबें भी रख ली जाए, है ना। चूरा जी जितना हो सके ना सामान फेंकते रहा करिएगा, ठीक है? चूरा जी वैसे एक बात आपसे पूछे, सही से बताएंगे आप? आपने बड़ा दिल खोल के बोल दिया यार कि मतलब आपने छोटा सा झूठ बोला था, आपको लगा नहीं कि हम आप पे दोबारा शक करेंगे? हैं? तो सच बताया ना फिर उसके बाद। अच्छा चूरा है कि बैंगलोर, अबे कमीनो बैंगलोर में अभी प्रॉब्लम चल रही है क्या पानी की? मैं बस खाली ये सोच रहा था चूरा जी कि आप जिस तरीके से आपने बोला ना कि मतलब ऐसा है वैसा है, है ना, आपने झूठ बोला ये किया वो किया। चूरा जी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो हम बना ही देते हैं चूरा जी, टेंशन नॉट। आइए। अरे किधर गया भाई? चूरा जी आगे खानदान वाला और बाहर रहा है मेरे को। अरे ये तो आप की तरह चूरा जी। चूरा जी बोट हमारी कहाँ है? गायब है हमारी बोट। अरे लोग को पेल गया। दिव्यम जी कैसे हैं आप, कैसा चल रहा भाई साहब? ऑल गुड दिव्यम जी, थैंक यू सो मच फॉर द मेंबरशिप, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। चूरा जी पत्थर तोड़ लीजिए फटाफट, मतलब वो पेड़ तोड़ लो फटाफट और बोट बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाइए जल्दी एकदम। तब जरा वादियों को जरा देखते हैं, वादियाँ बहुत अच्छी हैं यहाँ की। बोट है आपके पास? चलिए निकाली वहाँ डालिए बोट, हम आ गए। चलिए हम ही कर लेते हैं। आइए चूरा जी, आइए चूरा जी। चूरा जी बोट कहाँ गई? हाँ बोरी। आइए चूरा जी आइए। चलिए ला ला ला। ये क्या है? ट्री हाउस? ट्री हाउस है? कहाँ पर ट्री हाउस है भाई? अच्छा हाँ ऊपर है ना ट्री हाउस। यार चलना चाहिए चूरा भाई हम लोगों को तो, नहीं क्या? चल के देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। आ जाओ चल लेते हैं यार, आ जाओ जल्दी से जल्दी देख लेते हैं क्या है। रुको जरा, रुको मैं करता हूँ। आप भी बगल में बनाते हो, चले आओ ऊपर। सीढ़ी है ना, सीढ़ी है ना। अरे हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कौन है भाई, कोई रहता है आप? चूरा जी आप रहते हो यहाँ पे? नहीं। इतनी जल्दी कैसे आए भाई? अच्छा सीढ़ियों से।
चूरा जी मेरे को स्पाई ग्लास मिला यार। चूरा जी सुन रहे हैं आप, ले पेल दिए, आओ आइए चुप। अरे मैं अपने रास्ता खुद बनाता हूँ चूरा जी। आइए चूरा जी, चूरा जी, चूरा जी। हाँ जी, आप बताइए कहाँ से निकलना है, हमको बताइए किस तरफ से निकला जाए। लोग लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट। दिव्यम जी थैंक यू सो मच मेरे भाई। आगे से है, आगे से चला जाए है ना। अरे वहां कुछ है चूरा भाई, वो देखो सामने, वो तो ब्रिज नहीं। अरे चूरा जी जो मेरे पास किताब है ना, जो मैंने आपको बताई थी किताब मेरे पास जो है, उसमें वो सब लिखा हुआ है भाई, नाइट लीच के बारे में। आपने कभी सुना है नाइट लीच के बारे में? हाँ नाइट लीच के बारे में। हम बड़े हो रहे थे, मैं कहानियां सुन रहा था। आप बड़े हो रहे थे तो आपकी आवाज बड़ी नहीं हुई क्या चूरा भाई? नहीं नहीं अब आ रही है ना सही। हाँ अभी आ रही है। हाँ कह रहे कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें कहानियां सुनाई जाती थी। अच्छा क्या कहानी सुनाई गई चूरा भाई बताओ, कोई बढ़िया कहानी सुनाओ यार एकदम मजेदार। तो जब हमें हमारे दादा परदादा सब सुनाते थे, कहा जाता था कि जो ये हमारा चूरा जी बताते रहिएगा हम किधर किधर निकला जाए। हाँ सीधे सीधे चलते सीधे चलते थे जी। हाँ दादा परदादा आपके मैं कहानी सुनाते थे कि जो हमारा ये ओवरवर्ल्ड है ना। हाँ हाँ यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था पहले। बहुत बड़ा साम्राज्य था यहाँ पे? साम्राज्य किंगडम था, किंगडम किंगडम था। अच्छा ठीक। वहां पर रहता था एक राजा जो अच्छा। राज करता। क्या नाम था राजा का? राजा जो थे, राजा का नाम कोई बताता नहीं। अच्छा तो अरे मेरी किताब में तो स्किलाक लिखा हुआ था, स्किलाक नाम का राजा था भाई, बहुत बड़ा वॉरियर था वो। स्किलाक नाम का राजा था? हाँ हाँ सच्ची में उसमें यही लिखा है, स्किलाक नाम का बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ा वॉरियर था, सबको मतलब सबकी रक्षा करता था वो। ऐसा गलत है क्या वो? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसा ही है, स्किलाक तो कुछ खास था नहीं। क्या बात कर रहे हैं सूरज जी, इसको ले लें कि चले कैसा है, पैदल चलना है? हाँ पैदल चलते। हाँ फिर आगे बताओ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भाई, मजा आ गया। राजा की, हाँ जिस राजा की मैं बात कर रहा हूँ वो स्केलाक थोड़ी, स्केलाक कोई राजा वजह नहीं था। अच्छा स्केलाक राजा वजह नहीं था? अच्छा फिर इस राजा की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ताकतवर माने जाते थे। यहाँ अच्छा। तक कि ये भी कहते थे लोग कि उनसे बुद्धिमान और ताकतवर कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक इस। अच्छा फिर तो वो जिस किंगडम पे राज करते थे उसका नाम था चोरबिया। चोरबिया हर कोई उनको किंग ऑफ, किंग ऑफ चोरबिया, किंग ऑफ चोरबिया कहके बुलाता। अच्छा तो बहुत सारी लड़ाई लड़ी उन्होंने, सब कुछ किया। हाँ यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अर्थ पे जो हमारा ओवरवर्ल्ड है, हाँ उसकी पावर बैलेंस मेंटेन रहे उसकी जिम्मेदारी भी उनकी ही थी, चोरबिया की, चोरबिया के राजा की, चोरबिया के राजा की। अच्छा हाँ फिर उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, सब में जीते, हर बार अपनी ड्यूटी फुलफिल की, लेकिन एक बार कोई हाँ। बहुत ही खतरनाक शक्ति थी, उसने चोरबिया पे ही हमला बोल दिया। वॉइड किताब में लिखा है पर वैसी ही कोई कुछ शक्ति थी। अच्छा फिर हाँ। फिर क्या वो उनसे लड़े, उस वो जो थे राजा उनसे लड़े, हाँ। शक्ति से लड़े। अच्छा और उस लड़ाई में उनकी मौत हो गई, शहीद हो गए। अच्छा फिर लेकिन जाते जाते भी उन्होंने अपनी ड्यूटी फुलफिल की और पूरे अर्थ को बचाया उस शक्ति से और उसको हरा करके ही मरे। अरे बाप रे, अपने साथ ले गए उसे। फिर तो उस उनके इस योगदान की वजह से, इस बलिदान की वजह से उनका एक बहुत ही बड़ा टावर बनाया गया और उसमें उनकी समाधि बनाई दी गई। ओ अच्छा लेकिन
हाँ ये जो वॉइड है ना वॉइड, हाँ इसने जब यहाँ पे वापस से हमला किया ना, हाँ आकर के, हाँ तो इसने क्या किया, उस राजा की ग्रेव पे जा करके उसको करप्ट कर दिया और उनकी आत्मा को अपना नौकर बना लिया। अब वो नौकर ना हाँ। नाइट लीच के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो यानी कि जो हम नाइट लीच से जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, वो पहले राजा था, बहुत बड़ा अच्छा राजा था, और फिर पील दिए गए। बहुत ही महान राजा थे वो। हाँ यार, तो हमारी अभी उसी से भिड़ंत होने वाली है, राजा से। वाइड को अगर हराना है तो उनसे लड़ना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, तुरंत जी फट रही बहुत जोर, आगे चलते रहो। बात निकल गया थोड़ा सा, चाहे आप बोर्ड लगानी पड़ेगी। रुकी, लगा रहे भाई। इधर आ जाते। फिर और गाइस, आज की जो स्ट्रीम है ना, ध्यान रखना कि ये सब ना स्टोरी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये सब स्टोरीज जो है, कुछ पॉइंट जो है ना, वो आपको याद रखने पड़ेंगे ओवरऑल स्टोरी समझने के लिए, जो हम लोग एक स्टोरी बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा बस। ठीक है, जस्ट अ रिक्वेस्ट कि ये सब चीज़ों का अगर कोई टाइम स्टैम्प डाल पाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। गेस करिए क्या मिला होगा। आलू प्याज। अरे गेस वॉट, आलू प्याज। आइए चुरज जी, चुरज जी सब देख के भूख लगाती है चुरज जी। चलिए चलिए चलिए। अच्छा तो चुरज जी, ये अगर हम नाइट लीच के पास जाकर उसको समझाने कोशिश करें कि भाई तुम राजा थे, तुम मर गए थे, तुमको रिजरेक्ट करके वो पेल दिया है, पगलैट बना दिया है तुमको, तो मानेगा नहीं? मारेगा नहीं, कोशिश की है लोगों ने। अच्छा नहीं हो पाया। फिर वो सारे कोशिश करने वाले लोग लेट हो गए ऐसा। इक्का दुक्का बचे जिन्होंने कहानियां सुनाई। अच्छा, तो यहाँ पे बोट लगा दे क्या? हाँ बोट लगा के सीधे चलते हैं। मुझे लग रहा है कि हम लोग को सोना चाहिए चुरा जी। ये फिर आइए, अरे बैठिए चुरा जी, डरते हैं क्या आप भी ना? चुरा जी आपके पास वो नहीं है क्या, बुक जो हमारे पास बुक है यार? मुझको यार ये बुक पढ़ी हुई मिली थी, पता है आपको, ऐसे ही मतलब। अच्छा हाँ, मतलब आसपास से लोग जा रहे थे, वो लोग बुक नहीं उठाए, मेरे को बुक दिखाई पड़ी, मैं ले लिया ऐसा। अरे ये तो बहुत बढ़िया जगह है यार। आओ चुरा भाई, यहाँ रुकते हैं जरा। आओ चुरा जी, चुरा जी। बढ़िया की वजह खतरनाक लग रही है। खतरनाक लग रही है क्या? आइए फिर सो जाते हैं। आओ आओ चुरा जी। हाँ आइए जरा देख के आते हैं क्या है कौन है। एक मिनट रुकिए जरा, डरा दिए हैं तो। अरे पेल देंगे भाई, वो देखो पानी में भी आया है तेरे। आप डरते तो नहीं है चुरा जी? अरे हमको आइए, मैं सबको पेल पाल के एकदम रामपाल बना दूंगा मैं। आइए आप इधर आइए। अरे कोई है वे तेरे। अरे यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है यार, ये कहाँ है भाई? चुरा जी कोई चेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं है यार, ये ले लो। अरे भाई ये खुद रह गया, सब खुद गए। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? अरे मेरे को कटाना मिली चुरा भाई, कटाना। ओ पे चुरा भाई, चुरा जी कहीं जल तो नहीं रहे हैं आप? सच से बताइएगा, कटाना ले ली मैंने। कॉपर इंगट, हट बैठ। वोडका मिली मेरे को। चुरा भाई आपका सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको वोडका चाहिए? हाँ
आप पी लीजिए। अरे आप पीजिए, चुरा दीजिए, लीजिए, आपको हम दे रहे हैं, ये लीजिए, रपा रप करके डालिए, जहाँ से भी डालना है आपको। कहाँ से पीते हैं इसको, कहीं और से डाला जाता है या फिर बस खाली जबान पर रखिए और पी लीजिए रप? और ये क्या है, डायमंड सिटी? ओके, आयरन रेपियर, डायमंड, मेरे को शील्ड मिली। ओ नहीं, ऐसे अच्छी शील्ड भी मेरे पास, हटते ही नहीं। यार चूरा जी, मैं एक बात बताऊं आपको? हाँ हाँ, नहीं मैं भी ले ले रहा हूँ, मैं भी ले रहा हूँ, जो भी सामान वैसा वाला है ना, मैं सारा सारा उठा रहा हूँ। आइए चूरा जी, चलिए। चूरा जी मुझे एक बात बताइए, चूरा जी। अरे चूरा जी, आप पानी में मत जाया करिए, आप भीग जाएंगे तो फूल जाएंगे। चूरा होता है ना, पानी में जाने के बाद भीग जाता है। आइए चूरा जी, ऊपर आइए। चूरा जी ऊपर तो माली माल है। हैं? हाँ। अरे डायमंड मिला मेरे को। अरे फिर डायमंड मिला भाई। स्लाइम बॉल मिली मेरे को। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मिला मेरे को। अरे मम्मी, चूरा जी मैं बहुत अमीर हो रहा हूँ। चूरा जी, चूरा जी, अगर हमें खुद को राजा कहलवाना है तो हमारे पास कितनी जायदाद होनी चाहिए बताइए आप? राज्य होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। राज्य में कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 4-5। चार पांच सौ? चार पांच सौ? यार मैं सोच रहा था कि अभी गांव जाऊंगा, वहां पे अपने लड़के बच्चे जो अपने दोस्त दोस्त हैं, दोस्त यार, उनको मिलाकर एकदम से हम लोग वो कर लेंगे कि अपना ये राज्य है, इसका ये मालिक है, इसका ये राजा है, सेनापति है, ऐसा। आप तो यार, यार आप बहुत पेल देते हो यार। आओ चूरा जी, चले चूरा जी, अगर आपको यहां से बाहर निकलना तो आप क्या करेंगे? आप रास्ता भूल गए होंगे, राइट? अब मैं दिखाता हूं आपको रास्ता। देखो चूरा जी, देखा, आप सोच रहे होंगे कि यहां से मैं कैसे जाऊं, राइट? ये देखो चूरा जी, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो चूरा जी, ये ट्यूब, पानी नहीं दिए थे यार चूरा जी। ओ शिट, थे हट। चूरा जी जब तक मैं हूं तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ होगा आपको। आइए, बोट किधर है भी मेरी? चूरा जी अब वो लूट के आते हैं, फटाफट जल्दी से आ जाओ। चूरा जी हम लोग को ठंडी जगह देखनी है, ठंडी जगह पे वो लीच मिलेगा, अरे मतलब वो राजा मिलेंगे अपने वाले, है ना? चूरा जी वैसे आपसे एक दिल से बात कहें, आप बड़े नेक बंदे हो यार, सच्ची। सुन रहे हैं आप? अरे आप तो पेल रहे हैं यार, आपको पेलने में फिर देख आई नहीं पड़ रहा है, दो राजा बात कर रहे हैं। यार चूरा जी आप ही को सब लोग क्यों पेल रहे हैं भाई? ताकत हो रहा है ना, जानते हैं खतरा है। अरे मेरे को भी मारो भाई, मैं भी हूं। रुक थे रुक। तू इसको मार, तू इसको मार, मार भाई मार, इसको इसको मार, इसको मार, इसको मार। पीछे वाला मार ही नहीं रहा है, एक शाला बन रहा है तेरी। आज बस पहले लोग होने चाहिए आपको राजा मानने वाले हैं। अरे उड़ो मत गाइस, समझे, उड़िए मत। अबे चूरा जी कहाँ? चूरा जी यहीं पर है। लगी चूरा जी, बहुत एमराल्ड मिल रहा है, बहुत ज्यादा। कितने कितने ब्लॉक? 11।
अरे मेरे को ले देके 16 एमराल्ड मिले हैं यार। चूरा जी आप क्या हो चूरा जी? स्मिथिंग टेबल भी उठा लेता हूँ गाइस, है ना चूरा जी? अब यहां से चला जाए, है ना? आई थिंक वी डिड अवर पार्ट। चूरा जी हेलो, चूरा जी आई थिंक हमारा काम यहाँ पे हो गया है ना। क्या बोल रहे? अरे हाँ, इसके अंदर तो हम लोग गए नहीं। रुको जरा एक मिनट, शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करते हैं आप। शे द लूट टेबल फॉर दिस कंटेनर, चेक योर लेटेस्ट लॉग। हाँ नहीं, कुछ तो जनरेट नहीं हुआ आई थिंक। ओके चूरा जी, यहां पर कुछ भी नहीं है चूरा जी, लेट्स मूव। यो अरे भाई चूरा जी, आप यहां से कहां पर निकला जाए आप बताइए। आप जो बताएंगे वो मैं कर दूंगा, बताइए। अब यहां से इधर चलते हैं, लेफ्ट ठीक है, ब्रिज पार करते हैं। आइए चलिए। अरे तेरे हैट हैट फूट। आइए चूरा जी, यार चूरा जी मुझे दूध पीना पड़ेगा, तो अगर रास्ते में कहीं पर कोई गाय वाय दिखाई पड़े तो आप बता देना, ठीक है? आ जाओ चूरा जी। सामने क्या है? ड्रिंक है वो सामने। अब यहां से कहां आगे के चलते रहो आप। हाँ भाई, फॉरेस्ट में हम लोग, फॉरेस्ट में आ जाओ। क्या हुआ चूरा जी, नहीं हो रहा क्या आपसे? अरे मेरा स्क्रॉल चला गया भाई, मेरा स्क्रॉल गड़बड़ हो गया भाई माउस का। आए ये कब हुआ भाई? इसका स्क्रॉल एक बार भी क्यों नहीं हुआ? वाय जी चूरा जी चले। और से गेमिंग जी कैसे हैं आप यार? स्नो बायोम कहीं पर क्या क्या दिख रहा है? और जंगल टेंपल है? क्या दिखाई पड़ रहा है? एक जंगल टेंपल और सामने है। अच्छा हाँ अभी आया। अरे फर्जी होता है जंगल टेंपल यार। चे यार चूरा कहा? हाँ नहीं वहां पर भी तो था यार ऐसा जंगल टेंपल के पास ही। अरे इसके नीचे कुछ तो नहीं होता है चूरा जी? अरे यार गोल्डन स्वॉर्ड भाई तेरे। यार चूरा जी रात हो गई, सोना पड़ेगा। तना जी क्या हालचाल? आइए गाइस है ना। ओके अरे चूरा जी वहां पर कुछ बहुत तगड़ा है कुछ। ये क्या है भाई? टूटी हुई नाव लग रही है। आओ जरा देखें। यार ये क्या है बे? आई मीन नॉट कूल मॉन। ओके गाइस, ये जो टेंपल होता है फॉरेस्ट वाला चैट, ये जो टेंपल होता है वो यार मतलब अच्छा खासा होना चाहिए, नहीं क्या खाली लूट मिली थी यार हम लोगों को। अब यहां पर यार क्या अंदर जाना पड़ेगा क्या?
अरे मिला मेरे को, रिंग पहन लीजिए रबड़ वाली। अरे मैं घबराता नहीं हूँ मेरे दोस्त, खुल नहीं रहा भाई। सांस नहीं आ रही। आ हो, बाप रे, एक मिनट ना, बंबू हटाओ, बंबू बंबू हटाओ, ट्रिपायर हटाओ, बंबू लीव्स हटाओ। Oh my God. ठीक है, चुराजी से ढूंढ लिया। हाँ। चलिए, कोई इम्पोर्टेंट मिला कुछ? मतलब थोड़ा खतरा है, एक चीज है। क्या 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 क्या? बरी ट्रेजर मैप है। बरी, अरे निकालो बरी ट्रेजर मैप। और क्या संदीप सावरे जी, थैंक यू सो मच। एक बार हमने उठाया था ऐसे। हाँ, एक दुनिया में। हाँ, फिर उठाने के बाद कभी ज्वाइन ही नहीं हुआ वो दुनिया। मतलब? हाँ, मतलब दिक्कत होता है ऐसा। हाँ, तो उसको जेब में रखे रहिए बस। नहीं नहीं, जेब में रख दीजिए बस, काफी है, छोड़ दीजिए। जेब में आगे देखे, उठाने पे हो जाता है। आया नहीं अभी। हाँ, अगर नहीं हो रहा छोड़ दो। भाई लग रहा है कुछ तो होने वाला है। एक्सीडेंट हो गया है आज? कैसे होंगे हाल चाल मेरे? अरे तने भाई, क्या हो गया? ऑल गुड है कि नहीं? चले आगे, चलिए आइए फिर। चुरा जी, आपके लिए हम बोट लाते हैं भाई, ये लीजिए आइए। जंगल टेंपल नहीं जाना है? अरे फटीचर, जंगल टेंपल भी गए होते। हमको आप स्नो बायोम दिलाइए, हमको मजा आ जाए। आज स्नो बायोम हम लोग को ढूंढनी है। चूरा भाई तो ढूंढनी है, समझे आप? बस ये आइलैंड पे चलते हैं, ये वाले। कौन वाले? राइट राइट राइट। हाँ, यही यही यही। आ जाओ भाई, चलिए उतरिए। अरे किसके पास गई? आपके पास चली गई क्या बोट? नहीं है, मेरे पास है। हाँ, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। आइए आइए। तुकाराम जी कैसे हैं आप? लव फ्रॉम करणू दादा। अरे करणू भाई को तो पप्पी मेरी। अरे ये क्या है? अभी तो पहली बार देख रहा हूं भाई मैं। वो क्या है? तो ये क्या है भाई? वही तो। यहाँ पर तो विलेजर है। ये काम मत क्या करो चूरा जी, किसी के लग लगा गई बेल पाल दोगे तो फिर रामपाल बनाएगा यहाँ कारण गुलम। यार अभी ये क्या है? तंबू में रहते हैं क्या ये? आओ तो देखे ये क्या है भाई। अरे अरे क्या बढ़िया सजाने वाली चीजें लगा रखी है भाई। ये अपने वहां भी होना चाहिए चूरा भाई, समझे आप? डन हो गया ये। चूरा जी भिखारी है ये लोग, कुछ नहीं है भाई। गॉड, एक बैरल में कोई सामान नहीं है भाई। अबे ये क्या है? बार काउंटर। आईटी कर रहे हैं। अरे भाई रखी। चूरा जी सुनिए, मैं एक बात बताऊं आपको। क्या है फिंगर ब्रेड? अबे थे यार चूरा जी, ये लोग तो बहुत ही रईसों वाले काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करें चूरा जी, आगे चले? चूरा जी आप बोर्ड पकड़िए, ये लीजिए, आप बोर्ड पकड़िए, ये लीजिए।
इधर इधर ये डालें, ये डालें, ये डालें। चल चल, क्लास से आ रहा था घर, दोस्त के साथ एक बंदे ने अपनी गाड़ी बीच में डाल दी, मतलब सारी गलती सामने वाले की ही होगी तेरे भाई, है ना? वो तो खैर मैं समझ ही रहा हूँ, सारी गलती जो है वो सामने वाले की तरफ ही होगी, ऑफ कोर्स सी बात है भाई। नहीं लेकिन अभी आप ठीक है कि नहीं वो बताइए, आप एकदम ओके हैं कि नहीं, अभी अभी कैसे हालचाल है वो बताइए आप। चलिए चूरा जी, अच्छा चूरा जी आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? नहीं। हमको हुआ था पता है, हाँ यार एक महिला थी बहुत ज्यादा प्यार करता था मैं भाई, बहुत ज्यादा। फिर उसके पता नहीं भाई बंधु थे क्या थे, वो आए थे मारने मूरने, फिर वो मार मूर के गए थे ऐसा। बढ़िया। चूरा जी एक मिनट इधर आओ, हाँ चलिए पी लिया हमने, बस वो रेड वाला भगाना था मेरे को। जहां पर भी कोई रहता है क्या चूरा भाई? एमराल्ड मिला भाई, ठीक है। चूरा जी स्नो बायोम फटाफट मिल जाना चाहिए, स्नो बायोम ही आप भैया अपना मेन फोकस होना चाहिए, स्नो बायोम आज हम लोगों को देखना है और उन राजा को। वो क्या है? ओ जल्दी आओ, ये बोर्ड पर मोटर ही लगा सकते हैं यार, मैं बैठ के पास सकता हूं उससे जो कुछ हो पावे। अबे ये क्या है भाई? अरे चूरा जी ये क्या है? तो रे बाप रे पीले जर दिख रहे हैं आप। चूरा जी क्या आप रेडी हैं? चूरा जी सिर्फ यस और नो बताइएगा। बहुत बढ़िया चूरा जी, आइए डरिए मत, आइए बूम आइए, वी विल टेक देम वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। चूरा जी बिल्कुल स्टेल्थ मोड में, चूरा भाई चूरा जी हाँ चूरा एकदम स्टेल्थ मोड में करेंगे। अरे भाई क्या 50 लगेंगे क्या? अरे भाई का कंटाप मारा बिल्कुल एकदम मेरे पे। कितने में मरते भाई ये? अरे भाई मेरे को लगा था कि वो बहुत सही, ये सही ठीक ही है मतलब। ओह शी ब्रो, चूरा जी सबको मार दिया मैंने अकेले, वो भी पड़ा हूं बेड पे, घुटनों को लगी है थोड़ी और स्ट्रीम देख रहा हूं आपकी। ओह अरे भाई थोड़ा आराम करिए आप, है ना बिंदास एकदम रफा रफ वो भी। चूरा जी इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। अरे भाई आइए चूरा भाई आइए, चूरा भाई अंदर धावा बोलते आइए, हाँ आप बोलिए धावा। अरे ऊपर चले गए यार बिना बोले, अभी बोले थे अंदर जाके धावा बोलते हैं, सुनते भी नहीं है यार। चूरा भाई अबे ये क्या है? इनवर करप्टेड आई मिली मेरे को, एडवांस सर्किट मिला मेरे को। चूरा जी मैं पागल हो रहा हूँ, चूरा जी डेटा स्टोरेज चिप मिली है कुछ। क्या हमको कौन मार रहा? अबे थे फुलियों के हैं। अरे एकदम चूरा जी यार ये चूरा जी एक और करप्टेड आई मिली मेरे को। चूरा जी करप्टेड आई किस चीज से काम आती है? करप्टेड आई क्या पता किस काम है?
अच्छा, डेटा स्टोरेज चिप, ओ एडवांस सर्किट, ओ यार गोट हॉर्न लेना सही है क्या चुरा जी? अरे स्मिथिंग टेम्पलेट तो मेरे को दो और मिली। आप आदे हो क्या? इट्स ओके चुरा जी, आप बता सकते हो। अच्छा हॉर्न नहीं है, अच्छा चुरा जी क्रिस्टल हार्ट्स। ओ अभी मेरे को एक हार्ट ना, अरे पहन लिया भाई मैंने। एडवांस मशीन फ्रेम मिल गया, ओह माय गॉड चुरा जी, आई थिंक आई एम वेरी वेरी गुड चुरा जी। तो जी लेट गए क्या आप सोने के लिए? आइए, इसमें यूनिवर्सल स्टोरेज भी है क्या यार? विक्रम भाई अभी जब घर पहुंचेंगे तब बताना, मैं चेक करूंगा। मुझसे कोई और भी बोल रहा था कि वो स्टोरेज का कोई एक बना दीजिएगा कुछ, देखता हूँ घर जाके मैं देखता हूँ, ठीक है डोंट वरी। चूरा जी बंदे जी, गंदे बंदे, भाई क्या मारा है भाई मैंने, ओ माय गॉड कुत्ते तरह मारा बिल्कुल मैंने, आई मीन वो कुत्ते मैंने उन्हें मारा ऐसा। चूरा जी आइए चलिए, भाई एसेंस क्रीम मिराज कब खेलोगे यार? हम लोगों ने मिराज खेला था बट बहुत सारी प्रॉब्लम थी भाई उस गेम में, जो हगा है ना, ओ माय गॉड असैसिन्स क्रीड अप। क्या आपने देखा चुरा जी मैंने उसको कैसे कुत्ते की तरह मारा? देखा तो जूम इनटू से मैं कुत्ता हूं, हैं मैंने उसे कुत्ते की तरह मारा, इसमें कुत्ता कौन चुरा जी? ये अरे ये क्या है भाई चुरा जी? गोल्ड का ब्लॉक, अरे यार मैं आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो तोड़े डाल रहा है इतनी देर में, ये क्या है? ये गलासा कहां से उठा लिए भाई? ये कहां ले लिए? ये कहां से मिला भाई? ये हमको क्यों नहीं मिलता है यार? अरे वो क्या है, वो क्या वो? चुरा जी वो बड़ा चिकन, ये कहा है भाई? टर्की का भी बाप है। अरे आइए मारते हैं चुरा जी, आपने बस बोल दिया और हुकुम सराकों पर। खाना खा ले रुक जाओ, खाना खा ले, एम तो नहीं होता। चुरा जी जब वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो उनपे क्यों बैठ रही हैं? इधर आइए महिला, हम बैठते हैं, आइए। चुरा जी बैठ गया बैंक के ऊपर, कुछ कट नहीं दे रही है, बढ़िया। क्या करना है? टेब घुसेड़ दिए मेरे को कहीं पे, बहुत ओए मम्मी, ओ माय गॉड, हमको लग रहा है उनको पसंद नहीं आया चुरा जी। आइए, जब उनको पसंद नहीं आया तो हम किसी साथ जोरदस्ती करते नहीं है, आइए डरिए मत, आइए चुरा जी। अब मेरे ख्याल से हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए और हम लोगों को जाकर, यार चुरा जी स्नो बायोम अभी तक नहीं मिला यार चुरा जी, फीलिंग बैड, बहुत दुख हो रहा है चुरा जी। एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको जरा फेंक ही दे रहा हूँ जो अर्जी फर्जी आइटम है। आजा चुरा जी चले, कहाँ गए चुरा? चुरा जी चला जी, चला चुरा जी,
यार ये हाथ में गड़ासा लेके क्या तेज दौड़ रहे हैं भाई आप। चलिए क्या चुरा जी, बोट निकालने की बारी आ गई क्या? अरे ये क्या है? अरे भाई कहां से जाऊं? Is anyone home, baby? Hello. Creeping crypt map. अरे बाप रे बाप, ये क्या भाई? Iron bar glyph. अब ये कहा भाई? रख लो भाई, रखने में क्या दिक्कत है? यार चूरा जी, कार लोग, इसके अंदर लोग हैं भाई, एकदम प्रिजन बना के बैठे हैं भाई ये लोग। एक गाजर मूली। हेलो भाई, कहाँ दे रहे हो यार? यार चूरा जी, यहां पर तो लोग रहते हैं। वही ना चूरा जी, आई थिंक वी हैव टू लीव। ऐसे किसी के घर पे एकदम से आ जाना इज नॉट कूल। भैया स्नो बायोम का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है यार। चिड़िया को लेके आते। देखो चिड़िया को लेने में प्रॉब्लम क्या है गाइस कि हम लोग को पता नहीं है कि स्नो बायोम कहाँ मिलेगा पहली चीज, तो हम लोग बहुत दूर निकल सकते हैं, तो वापस जब आना होगा तो चिड़िया को लेकर फिर आना पड़ेगा। और हमारे पास क्या है, हमारे पास है वे स्टोन, तो जहां पर भी स्नो बायोम मिलेगा रब से करके ट्रांसफर कर लेंगे, समझे? उसके लिए हम लेके आए हैं और चिड़िया को नहीं लेकर आए। हाँ चलो जी, बोट निकालिए, चलिए चलो। बोट आपके पास ही है। चूरा जी वापस से अपनी जेब को खखा रही है, देखा? चलिए चूरा जी डायरेक्ट चलते हैं। रपा रपा कृपा का बिल्कुल सीधा, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट उठाइए इसका। लियो भाई एक बार बोलो पापा पापा। नीचे इतने सब क्या है भाई? मुझे तो Assassin's Creed Unity बेटर लगती है। पार्कूर एंड गेम प्ले मैंने Assassin's Creed Unity खेला है। Assassin's Creed Mirage का ट्रेल वर्जन, ट्रायल वर्जन Assassin's Creed Mirage टट्टी था भाई। मैंने पहले ही यही बता रखा है कि Assassin's Creed Mirage मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जितना हम लोगों ने कहा। अरे चूरा जी ये क्या है? तो जी साइड में लियो जरा। क्या क्या? लेफ्ट में लियो जरा। ये कहाँ है दाई? रुको, अरे रुको, ये क्या है? बीच में गायब है चूरा जी, ये तो तेल है। चूरा जी एक मिनट रुको जरा, मैं इसको उसमें उठाऊं क्या? रुको एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। चूरा जी अरे उठा। ओह शिट चूरा जी ये रखो, ये ऑयल अभी तो अलग अलग हो रहा है यार। चूरा जी एक काम करते हैं, सुनिए मेरी बात। इट्स हर चॉइस। अरे यार ये पानी कैसे हटेगा भाई? पानी हटने का कोई चारा नहीं है का भाई? अरे ऑयल किसके काम आएगा यार चूरा भाई? अरे चूरा जी सुनो। अरे ऑयल पता है किसके काम आएगा? किसके काम? अरे जब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे, फ्यूल। इसको रख लो, इसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कहां पर क्या काम आएगा। इसको रखते हैं। आओ आओ चुरा भाई। बैग में पानी डाल लेते हैं फिर। हाँ अरे हाँ बैग में पानी डाल लेते हैं, बहुत बढ़िया काम बताया यार, मिल जाएंगे बिल्कुल, बहुत बढ़िया गाइस, है ना? ऑयल ले लो।
ए स्कीम आवाज फर्स्ट ट्राई पे चलो जी कितने लिए आपने? दो लिए मैंने, दो चार मैंने लिए, दो आपने लिए और ले लेते यार, कंजूस आदमी यार, क्या बोले आपको भाई, आप बिना चूरा जी छोटी बात कर देते हैं चूरा। यार ये तो गजब है यार, नहीं क्या गाइस? नीरज मेरे भाई थैंक यू सो मच फॉर 10, आई एम वेटिंग फॉर माइनक्राफ्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम बट अब टाइम नहीं मिल पा रहा देखने का। आई नो यार, जॉब ऐसी चीज ही है मेरे भाई, यही रहता है भाई मेरे। थैंक यू यार नीरज जी 10 के लिए मौन। यार गाइस ऑयल उसमें काम नहीं आएगा जो हम लोग लॉन्च पैड बना के रॉकेट बनाकर जाएंगे, या ये शायद हमारे किसी उसको तो नहीं काम करेगा, जैसे मान लो हम लोग जो फैक्ट्रीज वगैरह बनाएंगे उसमें कुकिंग के काम तो नहीं आएगा। आई मीन एज अ फ्यूल हम कहीं पर भी काम ले सकते हैं राइट, ऑयल का। इसको जरा टेस्ट करेंगे, रुको जरा, आ जाओ विल सी। मार करके रखा जाए, मार करके यार ये तो, यार मुझे लगता है कि यार ये ओशियन में अरे भाई बहुत दूर आ गए भाई हम लोग, ओ माय गॉड, अरे बाप रे बाप। चुरा जी सुनिए, चला जाए नहीं क्या? यार ये ऑयल अपना काम आना चाहिए यार, आई गेस। सर जॉब कौन है आप, जॉब कौन सा है आपका? यार देखो मैं जॉब जहाँ पे करता हूँ वो सब चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन यस मेरा डेली जॉब है, जॉब करता हूँ मैं और फिर रात में अपना ये करता हूँ, है ना। अच्छा भाई तभी गाइस, यार आज तो मेरे भाई कुछ भाई वर्टिकल स्ट्रिप को फायदा तो उठाना चाहिए था भाई, एक मिनट गुजरा गाइस, जस्ट वेट लेट मी सी। लाइक कर दीजिएगा, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाय द वे गाइस सभी लोग मिलकर स्ट्रीम को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, कोई भी अगर नया है चुपके चुपके देख रहा है प्लीज डू इट, क्योंकि कल हम लोग करने वाले हैं डेमो नाइट विद लियोन एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम आप लोगों को 3 और इंडी गेम दिखाने वाले हैं, 3 जो आप लोग राइट वे खेल सकते हो स्ट्रीम पर, बूम रपा रप करेंगे। चलो जी सीधे निकला जाए, राइट ले लीजिए, चलिए भाई और राइट ले लेंगे। चुरा जी, चुरा जी ये क्या है? और राइट एकदम राइट, ये क्या है चुरा जी? अच्छा पत्थर है ये, अबे तेरे चुरा जी ये काम मत करिए चुरा भाई। चुरा जी आप चलाओ, आप चलाओ, चल चुरा जी। यार चुरा जी बहुत अच्छा लग रहा है यार ये चांद, आप और मैं बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। चुरा जी देखो वो ऑयल की एक और लोकेशन गई, देखा आपने? हाँ लेफ्ट साइड में थी, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा बहुत दूर था, मैप पे दिखता। चुरा जी वो क्या है यार? अरे ये तो आइलैंड है चुरा जी, थोड़ी सी सोना जरूरी है क्या? तो बस सामने वाले पे चल के सो जाएंगे। ठीक है आइए चुरा जी। आपने बताया नहीं वो किताब आपके पास है कि नहीं है, जो हमारे पास किताब है? नहीं नहीं मेरे पास कोई किताब नहीं। आपको इतना सब कुछ ऐसे ही पता है, गजब। अच्छा आप तो आंखों देखी वाले हैं ना? मतलब यही रहते थे। लोकेशन की जरूरत नहीं आएगी क्योंकि वो ओशियन में आपको कहीं पर ही मिल जाएगा, वो मैंने पहले भी देख रखा है जितना मैं याद कर पा रहा हूँ।
उसकी जरूरत नहीं है, जहां पर ओशियन है वहां पर मिल जाएगा, डोंट वरी। आइए चलते। चलते एक बात बताइए, ये जो वॉइड है वो काफी खतरनाक आदमी है क्या? मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है क्या? मतलब एकदम टट्टी उट्टी निकाल देता है क्या? बहुत ज्यादा। बाप रे, ये क्या? देखो एक और निकला। अरे ये क्या है भाई? चूरा जी, चूरा जी भगा लीजिए, चूरा जी भगा ले, भगा लीजिए चूरा जी अभी के लिए। इसके इसको रुको, मैं लोकेशन में मार्क करके रखता हूँ, रुको जरा, इसको लोकेशन मार्क करके रखता हूँ, रुकिए। चूरा जी विलेजर है यहाँ पे, पीछे मोड़िए। आप भी ऐसे घबराते हैं, पता नहीं क्या है, ये होगा वो होगा, आप भी आइए चूरा जी, चलिए ये उठा लीजिए, बोट उठा लीजिए, बोट। अरे बोट वा तो उठाइए भाई, आइए चूरा जी मिल के आया जाए जरा, आइए मैं यहाँ से रास्ता बना देता हूँ, डरिए मत। जूम पीम ओशन, ओके पीम, चूरा जी क्या हो गया? चूरा जी ये तो पूरी सिटी है भाई, इधर इधर आइए। क्या हो गया? क्या हो गया? ये कैसा कॉबलस्टोन है? अरे ये क्या है भाई? अरे मम्मी ये बड़ा बड़ा चूरा जी कहाँ गया चूरा जी? What happened चूरा जी? चूरा जी हमको कुछ मिला नहीं यार, हमको लगता है कि कुछ और ही है। आइए अबे ये कहाँ है बे? चूरा जी भाड़ में गया वो, चलो आगे चलते। संडे भी नहीं है अब मेरे लिए, तो सिटी नहीं होती है, 12 आवर्स गोइंग ऑन, लेकिन विल वॉच लेटर। नीरज जी स्टार्टिंग डेज स्ट्रगल इज इंपॉर्टेंट, गो अहेड। क्या कह रहे हैं चूरा जी? दूसरी दुनिया में ऐसी सिटीज नहीं होती बड़ी-बड़ी। अच्छा दूसरी दुनिया में क्या क्या होता है? यार चूरा जी मेरे को दूसरे प्लैनेट पे भी जाना है यार, चूरा जी कुछ करो चूरा जी, ये क्या है भाई? यार चूरा जी ये का फर्नीचर दुकान पे, अरे भाई ये क्या है? अरे मम्मी ले भाई अपना आइटम फ्रेम, चूरा जी किसी के घर पे जाते हैं पहले पानी वानी तो पूछ लीजिए, लूटने लग गए यार। कुछ नहीं है देर, ये डायमंड ही डायमंड। अरे मेरे को आवाज आई हम पा ऐसा करके, ये क्या था चूरा जी? ये क्या था? होस्ट होस्ट End city of overworld। हाँ यार अभी ये तो बिल्कुल end city ऐसा नहीं लग रहा है guys। Emerald मिला guys। Emeralds OP। Okay। चूरा जी थोड़ा बात बात कर लिया करो, आप तो मतलब बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखते हो भाई, बेचारे उन लोगों का घर पे आए हो लूट लपाट एकदम। भाई मैं पहले आता हूँ, पहले मिलता हूँ, हेलो क्या हाल चाल। अबे तेरे नीचे गिर गया। चूरा जी मैं ऊपर याद, अच्छा ये आ गया। अरे भाई का लग रहा है बिल्कुल।
अबे ये तो बिल्कुल एंड सिटी की जैसा बनाया गया है भाई, बिल्कुल एंड सिटी की जैसा, नहीं क्या गाइस? अबे इसमें भी लिट्रा मिल जाए भाई। एलित्रा माय लव, एलित्रा 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 एलित्रा। चूरा जी चूरा जी, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके खड़े हो जाएंगे रोंगटे। चूरा जी क्या आपको सुनाई पड़ा मेरी? चूरा जी हाँ, रिस्पांस कर दिया करिए चूरा जी, है ना, अच्छा लगता है रिस्पांस। तो जी कहाँ चला जाए, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा? ऊपर जा सकते हैं, आगे चल सकते हैं। अरे चलते हैं चूरा जी। अबे भाई यार, गाइस का हम लोग की डेमो नाइट होने वाली है। डेमो नाइट डेमो नाइट डेमो नाइट डेमो नाइट एपिसोड नंबर 2 और हम फाड़ देंगे, समझे गाइस? अबे यार यहां से डायरेक्ट कैसे जाऊंगा भाई मैं? अच्छा गाइस घबराने की जरूरत, अरे ये कहां है भाई? ओके चलो जी घबराइए मत, आ जाइए रब रब करते हुए। चूरा जी एमराल्ड चले लो, चल गाइस कुछ यार वैसा अगर मिल जाता कुछ एलिट्रा टाइप का तो भाई। मित साहब कैसे हैं आप? ऑल गुड हैं आप? अरे यहां पर कुछ है, अरे हट भाई, यार बड़े कम कम 15 मिले बे, अरे 18 हो गया भाई, अरे 19 हो गया, अबे भाई इतना ही तो है। ओके यार चूरा जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, राइट? चले अरे अरे भाई ये कहाँ ले लिया हाथ में? चूरा जी अब यहां से हम लोग को नीचे आना पड़ेगा, ऐसा आप बोलना चाह रहे हैं? यस। अच्छा मतलब एकदम सही बोलना चाह रहे हैं आप। मैं आपको स्टाइल मार के दिखाऊं, ये देखो। आइए चूरा जी मैं चला। चूरा जी चीटिंग ना करें आप। आ जाइए चूरा भाई, यहीं से निकल लेते हैं, आ जाओ, है ना? डन हो गया। गोल्ड कटलस मिल रहा है चूरा जी? यार चूरा भाई क्या लेने आए थे बताओ यार, शेह चूरा जी बहुत तेज गिरेंगे यहां से, मर जाएंगे एकदम, रुको जरा और पाई डाल के चलते हैं, आ जाओ चूरा जी लेट्स गो। आ जाइए चलिए आओ गाइस, मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे? मैं भी एकदम बढ़िया हूं उम्मीद भाई, आप बताइए। आपके आगे बस पैटी लगाना है, बस एकदम फेमस है आप, पर फर अपनी क्या गाइस? ओके अरे चूरा भाई किधर चले गए? पीछे हाँ चूरा जी, हाँ आ गए आ गए आ गए, सॉरी चूरा जी लेट्स गो। चूरा जी अब हमारी बोट सिर्फ और सिर्फ स्नोबायो पर ही रुकनी चाहिए, बस बस बस। सो रही है? अरे सो जाते हैं, अरे सो तो जाते हैं चूरा भाई।
रात भी नहीं हुई है। अबे भूतनिक तेरे यहाँ लूट ही लूट है, इधर लूट लूट। कहाँ लूटे, कहाँ लूटे? अबे ये तो हम देखे नहीं यार। अरे गाजर मूली मिलता है भाई। ए चूरा जी लूट को पकड़िए और डाल लीजिए। अबे रूनिक टेबल मिला भाई, रुको जरा। यार चूरा जी सही चीज नहीं है यार। अभी एक काम करो, ये रख लो यार, गन पाउडर और पाउडर रख लो यार चूरा जी, पता है। गाइस पता है मैं गन पाउडर क्यों रखवा रहा हूँ? देयर इज अ रीजन फॉर इट। आ जाइए चूरा जी। नीरज जी थैंक यू सो मच 10 के लिए, लव यू माथुर कम्युनिटी। बोलना रह गया था गुलाबी दिल। अरे नीरज भाई टेक केयर मैन, लव यू लियोन माथुर कम्युनिटी। थैंक यू। चलिए चूरा जी अरे भाई चले चूरा जी मेरा आपसे एक सवाल है। जी पूछिए। क्या आपको कभी कोई उतना प्यार कर सकता है जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ चूरा जी? वो तो क्या पता। हाँ जो भी बात है क्या पता। बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को उनको लगता है वो बहुत प्यार करते हैं। चूरा जी ये क्या है लेफ्ट साइड में, कब्रिस्तान है क्या? टूटा हुआ सब विलेज लग रहा है। अच्छा हाँ ये तो फूटा फाटा कोई विलेज है भाई। चूरा जी छोड़ दीजिए, यहाँ मिले विले का तो है नहीं, है ना। बाद में आते हैं उसको रपरप करने के लिए। स्नो बायोम ढूंढवाइए भला भन वो भी। आइए चलिए ये दे, अबे फिर उतरवाएंगे। अबे भाई चूरा जी ये कहाँ है ये? चूरा का बेस उड़ाना है भाई। एक ना एक दिन तो मैं ये वाला काम करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलते रहिए चूरा जी, समझे आप? अभी ये क्या है बे? पीरियड डॉट, व्हाट इज दिस? आई हैव नो आईडिया। अरे चूरा जी हाँ वो क्या है विंट स्नो बायोम आ गया क्या? क्या स्नो बायोम है? लग तो रहा है। ओ चूरा जी भगा 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 तेर। अरे भाई फाइनली। तो आपके कहने का मतलब ये है किताब में तो यार ऐसा लिखा हुआ था कि ठंडी वाली जगह पर वो मिलेगा वो राजा नाइट ली। ठंडी जगह तो है चूरा भाई, तोड़ लो। पहले ठंडी जगह थी नहीं, लेकिन जब से वो करप्ट हुआ हाँ तो उसने ना सब जगह को जमा दिया। अच्छा तो जी ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यहाँ ठंड के मारे मर जाएंगे? तो जी मैं फंस गया इसमें, मैं फंसा जा रहा हूँ। तो मर रहा हूँ मैं। अभी ये क्या है? अभी ये क्या है? हाथ पे टॉर्च पकड़े तो कुछ होगा। अभी ये क्या हो गया? अरे चूरा जी कहाँ रह गए? चूरा जी आगे हैं। चूरा जी ऊपर गया। चूरा जी मैं जा रहा हूँ। चूरा जी मेरी आवाज आ रही। चूरा भाई निकल गया। अरे भाई
ये मत कहना कि चूरा भाई मर गए। चूर डोंट टेल मी मॉन, यहां पे एंटिटीज मेरे लिए लोड होंगी नहीं ना। ये क्या है? चूरा जी की लंका लग गई। आ जाओ गाइस, बड़ा आखिरी में हम ही बसते हैं, समझे क्या गाइस? आओ चूरा जी को जरा लेके आते हैं भाइयों। यहां पर हम लोग लिखेंगे इसको, क्या लिखने वाले गाइस? दिस इज आइस। नहीं नहीं हाँ नहीं, आइस स्नो बायोम ग्लोबल राइट पेड़। कहाँ है चूरा जी? चूरा जी अरे भाई मुझे लग रहा है, हाँ चूरा जी आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, दिख गए दिख गए दिख गए दिख गए। नहीं नहीं किधर है चूरा जी? हाँ इधर है इधर है इधर है इधर है चूरा जी। अरे चूरा जी, अरे वो विलेजर की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? ये कहाँ जा रहे हैं भाई? मेरे को मैप पे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस। अरे यार एक मिनट रुकना जरा गाइस। वो गए होंगे अपना एक्सपी लेने के लिए, नहीं क्या गाइस? आ जाओ भाई, लेकिन बचा लिया एकदम, नहीं क्या गाइस? बोरे 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 है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी अपना सारा सामान जो है वो जरा रख दिया जाएगा है ना, लेके आया जाएगा। चूरा जी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे आप भाई। गॉड चूरा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ सर? अरे कोई बात नहीं चूरा भाई, होता रहता है। सुनिए सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ चूरा जी, वहां पर हम लोगों को बचने के लिए क्या करना पड़ेगा चूरा जी? लेदर का लेके चलना पड़ेगा। लेदर का सब कुछ सामान, मतलब बूट 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 लेके चलना लेदर का। ठीक है, लेदर के बूट है आपके पास कि नहीं है? नहीं। तो अपने पास लेदर नहीं है? हाय राम मर गए। अरे तो बनने के लिए कितना चाहिए होता है? बनने के लिए ओ गॉड चार, ओ गॉड अरे आठ चाहिए। बर्बाद हो गए। एक काम करते हैं ना, कॉल्ड्रन बना के इनको देखे जरा, क्या पता दे दे कोई। देखो जरा एक बार लगा के देखो। आयरन है तो क्या लगाना है आपको? हाँ अंदर अंदर, यहाँ अंदर, इसके अंदर लगाना, इसके अंदर। आ जाओ गाइस, आपके पास था शायद, रुको मैं देख के आता हूँ, डोंट वरी चूरा जी मैं जरा देख के आता हूँ, ठीक है? आपने लिए जरा देख के आता हूँ मैं, डोंट वरी है ना, मैं देख के आता हूँ गाइस। यार Oh God. सर लेदर बनने का कोई और तरीका नहीं है यार, लेदर तो बहुत जरूरी आइटम है भैया। Oh my God. अरे भाई अरे सेडल पेडल में नहीं करना है भाई, नहीं नहीं नॉर्मल नहीं भाई। ठीक है आ जाओ गाइस, डोंट वरी, विल सी डोंट वरी। सर पेरे 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 यार चूरा भाई का सामान न चला जाए यार, इट्स इंपॉर्टेंट।
भाई बहुत सुंदर लगता है यार, आई मीन इट लुक्स सो गुड मैन, ओ माय ये भगवान हो मेरे पास यार गाइस, प्लीज गॉड। अरे भाई इसमें तो मेंडिंग भी है एक में, रुको जरा, अरे गॉड, अरे गॉड 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 गॉड। अरे गाइस ओके हियर वी गो, हियर ओके ऑयल है गाइस, है ना, ऑयल जो है उसको जरा मैं कहीं पे सेफ रखता हूँ, पहले तो ऑयल रखो यहाँ पे, ठीक है, सामान रख देता हूँ मैं, मेरे पास है, मेरे पास है, मैंने मैसेज किया है चोरा जी को मेरे पास आने के लिए, है ना, जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट, ओके वी आर सेफ नाउ, ओके बड़ी यार ऑयल जो है वो आई थिंक यहाँ पर रखा जाए, चूरा जी आपको एक चीज दूं मैं, बोलिए यस ये लीजिए चूरा जी, और बताइए और लेदर बूट्स मेरे पास भी है भाई, मजा आ गया, और बताइए चूरा जी और कुछ चाहिए आपको जीवन में, ओके गाइस है ना, ओके सफायर, ओह माय गॉड, चूरा जी सारा सामान रखिए और सुबह होते ही निकलना है, ठीक है, जल्दी जल्दी सामान रखो, आ जाओ गाइस, बाप रे इसको कहाँ पर रखना है, इसको रखना है हम लोगों को यहाँ पर, है ना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम लोग रखते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ब्लॉक्स जो हैं वो यहाँ पर रख दिए जाएगा गाइस, ओके टीएनटी वगैरह शुड बी हियर, है ना, सारी की सारी चीज़ें वेपन्स जो है वो सारे के सारे में वेपन्स पर यहाँ यहाँ पर रखो ताकि इसको एक बार में रप कर दूंगा मैं। अरे भाई ये कैसे मिस हुआ भाई हमसे, एक्सक्यूज मी, ओके इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, अरे भूतनी तेरी, ओके ठीक है, बुक्स जो है बुक थी यहाँ पे, ये प्रोडक्ट गाइस जरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है ना, पहले जरा ये वाला काम निपटा दिया जाए, ओके नाउ वी आर गुड, ओके इसको जरा रखना चालू किया जाए, ओके डायमंड मुझे पता है कहाँ पर रखना है, पेर पेर पेर, ओके अभी ये सब मेरे को पता नहीं है किस काम आएंगे भाई ये, आई हैव नो आइडिया मान, ओके मैं इनको अभी के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ, है ना, या फिर मैं एक काम करता हूँ यार, इन सबको मैं डंप कर देता हूँ, रुको जरा मैं इन सबको ना डंप करके आता हूँ, रुको इन सबको मैं डंप करके आता हूँ और फिर अपन लोग निकलते हैं, इसको तो मैं बाद में भी इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकता हूँ, है ना, ऑफ स्ट्रीम आ जाओ, इसको जरा स्टोरेज आइटम में डाल के आ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना, डन हो गया गाइस, कूल चले चलिए 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 यार, घर सजाना भी है यार, आई थिंक संडे वाली जो स्ट्रीम होगी ना हमारी, संडे वाली, संडे वाली हॉरिजॉन्टल चाहिए कि वर्टिकल चाहिए गाइस, आप लोग बताओ, आप लोगों को हॉरिजॉन्टल मांगता है कि वर्टिकल मांगता है, टेल मी गाइस, शर्माओ मत, शर्माओ मत, इट्स ओके गाइस, टेल मी, ओके
इसको पहन लिया जाए और आके सो लिया जाए। बोल दे मैंने सोने को। H for horizontal, V for vertical, guys. Come on, tell me, mon. अरे भाई, तेरे ATP कैसा? 144 थी भाई. Excuse me. हाँ. Okay. आ जाओ guys. चूरा जी चले यहाँ से जी, आइए चलिए आइए. कहाँ था? ये आइए इधर से. चलिए देखिए इस तो व्यायाम करके होगा. आइए कहाँ है आपका सामान चूरा जीवी? चूरा जी जाइए और वहां से सामान जो है ना पूरा डंप करके फटाक से आ जाओ. जाओ जाओ, एक्सपी है ना इतना. हाँ तो जाके सट से करके सामान जो है ना वो रख के फट से आ जाओ. जाओ रप से करके. चलो जी क्या कर रहे हैं? हाँ जाइए सट से, बस जाइए और वहां पे किसी एक उसमें ये कहा है भाई. तब तक हम तरह बाकी लोगों को देखते हैं, आप जाइए है ना, जाके आइए, आप जाके आओ. हेलो ब्रोस व्हाट्स अप. अबे भाई अबे एक काम करता हूँ मैं, इससे मरवाता हूँ इन लोगों को. मार इसको 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 मार. एक और मार इसको. और मार और मार और मार और मार. अरे भाई मेरी हेल्थ कम हो रही है. अरे मम्मी, अरे भाई मेरी है. अबे भाई मुझे हैं. अरे भाई क्यों मारने आ रहे हो यार? अरे भाई ये क्या हो गया भाई? अरे हेलो, अरे कुछ गरम गरम खाऊं क्या मैं? अजय भाई कैसे हैं आप भाई? चलते नहीं बन पा रहा है ब्रो. बाप रे सफेद सफेद हो गया हूं भाई मैं एकदम. दादा रे यार कैसे मैं जाऊंगा, कैसे भेजो तो मर जाऊंगा यार मैं. अभी तो यहां पर भी आ गया के थे. फुल लेदर चाहिए होगा. हाँ लग तो ऐसे रहे यार. आई थिंक वी नीड फुल लेदर ब्रो. और चूरा भाई आ जाए पहले, उसके बाद फिर यहाँ से कटा जाए है ना. चलिए हम लोग यहाँ से कैसे जा पाएंगे यार? आई मीन ऐसे तो मर जाऊंगा यार मैं. चूरा जी चल, ठंडी तो अभी भी लग रही है यार. लग रही उसने मारा होगा फ्रीजिंग का कुछ. अच्छा उसने मारा होगा, ये बहुत सही, बड़ी बढ़िया बात बोला भाई आपने, मजा आ गया बिल्कुल. आइए चूरा जी इसका असर कब कम होगा? चलो आओ देखते हैं. चूरा जी अगर हम यहाँ पे कैंप फायर बना लें तो काम नहीं बनेगा? चूरा जी मैं जरा इसको तोड़े दे रहा हूँ ठीक है. चलो आओ. चलिए चूरा जी चूरा जी. आइए चूरा जी यार कहीं उसने मुझे कुछ मारा होगा. चलो जी आपको कुछ हो रहा है? नहीं. हाँ फिर उसने मेरे को कुछ ठेला है. हाँ अभी धीरे धीरे कम हुआ, धीरे धीरे कम हुआ. हाँ अभी वो चला गया. ओके चलो जी आइए आ जाइए. चलो जी एक मिनट रुको जरा, मैं मैप भी जरा देखता रहूँ. अरे बाप रे चलो जी यहाँ पर राइट हैंड साइड में कुछ है. ओके ठीक है आइए चलिए सीधे चलिए आइए. चूरा जी लेदर का इंतजाम करना पड़ेगा, हम लोगों को काऊ वाला काम करना पड़ेस, समझे आप? चूरा जी चूरा जी
चोदी बुरे यस सूरज सूरज आप बी पे गायब हो जाते हो ना, मतलब सही नहीं लगता मेरे को, पता है मुझे लगता है मैं किसको कैरी करूं, ऐसा फील आने लगता है। भाई कितना सुंदर लग रहा है वो, क्या वो सामने दिख रहा है? वही है क्या सामने दिख रहा है? अरे वो टावर नहीं दिख रहा आपको? अरे भाई सूरज जी, अरे चूरा जी घबराइए मत, चूरा जी आप बिल्कुल एकदम फेल दिए भाई हमको। चूरा जी ये क्या है? ये तो टावर है वो, जहाँ पे उसकी ग्रेव है। क्या बात कर रहे? हाँ चूरा जी क्यों फाड़ रहे हो यार? अरे वो खतरनाक है। अरे बाप रे बाप, अरे भाई गाइस थोड़ा थोड़ा अगर जीजी हो जाए तो मजा आ जावे, अगर यही है तो। यार चूरा जी पक्का श्योर है आप यही है? चूरा जी ऊपर स्पॉनर है, नीचे भी है। हे? अरे चूरा जी आप कह रहे हैं? ठंडी बहुत है इसलिए कांप रहा हुआ है। चूरा जी आवाज आ रही है बहुत तेज, तो चलने की किसी की। चूरा जी आप अगर घबरा रहे हैं तो घबराइए मत, डरिए। बाप रे, अरे तो वो कहां पर है चूरा जी? ओ राजा बाहर वही है क्या, बाहर टहल रहा है? नहीं ये तो उसके, ये देखो टटपुंजी आया, टटपुंजी आया तेरे। अरे चूरा जी खत्म, तबाह कर दिया मैंने, मर गया मैं इस बीच। ये थोड़ी था यार, क्यों डरा रहे हो यार चूरा भाई? यार चूरा जी एक बात बताओ, कहां पर सबसे ऊपर होगा क्या वो? हाँ सबसे ऊपर बनी होगी ग्रेव। आओ फिर चलते पानी से, चलते सबसे ऊपर आ जाओ, इसमें क्या है? चूरा जी जी मार दिया मैंने। यार चूरा भाई फिर एक काम करते ना, ऊपर चले क्या? हाँ चलते ऊपर पर, खतरा हो सकता है। क्या बात कह रहे हैं चूरा जी, आपका मतलब है कि आप घबरा रहे हैं। बेड लगा देते हैं ना चूरा जी, यहाँ पे सुपर साइड बेड लगा लिया जाए। नहीं क्या एक तो गायब हो गया? अच्छा बेड गायब हो गया, लगाए थे गायब हो गए। बाप रे, एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ना थोड़ा दूरी पे वे स्टोन भी लगा देता हूँ, है ना? ठीक है जस्ट इन केस। एक मिनट रुकिए, नाइट लीच आ जाओ गाइस। ठीक है ओके गाइस चले चूरा जी। अरे चूरा जी घबराते क्यों यार? आओ तुम यार, चूरा भाई आप इतना घबराओगे बताओ यार, तो कैसे काम चलेगा भाई? हाँ अब यहाँ जाएंगे ऊपर, और ऊपर। ठीक है चूरा जी, यही है अरे ए? ये देख रहे हैं ये क्या? ये स्टोन ऑल्टर है, ये इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है? ये कुछ डालना पड़ेगा हमें। हाँ सोल स्टार मिलता है ना हमको वो। सोल आ भैया बंदा आ, अच्छा वो यहाँ पर कितने हैं यहाँ पे?
एक है, दो है, तीन है, चार है, चार डालने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है चूरा जी, अगर हम चार डालेंगे तो वो आ जाएगा वो राजा। ये बेड नहीं है आपके पास? तो फिर यहां से कटा जाए चूरा जी। अब अगली बार यहीं पे आना है हमें। अरे घबरा क्यों रहे चूरा जी? ओ माय गॉड, अबे ये अबे हमको पड़ रही है क्या ये? या आपको आए? आइए आइए, घर चलो, घर घर घर, चूरा भाई घर 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 घर। चूरा भाई हम लोग को नाइट लीज तो मिल गया है ना? ठीक है, अब ये नाइट लीस्ट को मारने के लिए बस हम तैयारी कर लें और हमें चलेंगे अगले वाले में। ठीक है ठीक है, अभी बस सामान रखो और जो भी दो दाएं बाएं जो भी चीज़ें करनी है वो करने जा रहा हूँ मैं। जैसे मुझे अभी उसको एक्सटेंड करना है एक वूल वाले को, एक मुझे वो करना है यार, वो रॉकेट लॉन्चर वाला देखें क्या चूरा जी? आना कर सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर वाला देखते हैं। आओ जरा आओ, रॉकेट लॉन्चर वाला भी देखते हैं। आ जाओ जाओ देखते हैं, है ना? अनुजा देखते क्या क्या चीज़ अभी अभी फिलहाल सो रहा है कि सो रहा है कि सो रहा है कि यार चैट, मैं चाहता हूँ ना कि जैसे नाइट लीज के साथ अपनी फाइट हो ना, वो अपनी हॉरिजॉन्टल में ही हो, है ना? हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में आप लोगों को देखने में शायद उतना एक्सपीरियंस जो है ना वो थोड़ा गड़बड़ रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, तो एक काम ये करेंगे गाइस कि हम लोग ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम करेंगे, क्योंकि उसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो एकदम तगड़ा होना चाहिए। तो नाइट लीस्ट को आज नहीं भिड़ने जाएंगे, नेक्स्ट स्ट्रीम पे जाएंगे। ठीक है ठीक है, कूल चलेगा चैट, एकदम ऑल ओके ओके। चूरा जी एक काम ये करते हैं कि आप यहाँ पर वो, अरे शिप कहाँ गई? व्हाट इज दिस चूरा जी? यार सबमिट नेम टैग पेलना पड़ता है भाई, गजब ही है बिल्कुल दुनिया भाई। वो चल रहा है अपना फार्म, हाँ ये तो चालू है, ये तो चालू है। अरे हाँ हम लोग यहाँ पे थे नहीं तो ये रेंडर नहीं हुआ होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। अच्छा गाइस, अच्छा गाइस गाइस गाइस, यार चूरा जी मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि शिप तो अभी है नहीं आपके पास, करेक्ट? ले आएंगे, ले आएंगे आप? तो फिर एक काम करिए, आप पक्का ले आएंगे? हाँ? यार ठीक है फिर, या फिर रॉकेट लॉन्चर वाला काम करते हैं चूरा जी, आई थिंक है ना, रॉकेट लॉन्चर। गाइस आप लोग को रॉकेट लॉन्चर वाला सामान देखना है क्या कि कैसे क्या बनाया जाए? देखो मैं आप लोग को जरा दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। देखो ये है लॉन्च पैड, ठीक है गाइस, ये है लॉन्च पैड जो हमें सोच रहा हूं, या फिर इसको बड़ी स्क्रीन पे किया जाए, हॉरिजॉन्टल वाली। संडे करते हैं यार गाइस, संडे करते हैं ब्रो। चैट संडे के लिए ऑल ओके? संडे कर, देखो एक लॉन्च पैड हम लोग को बनाना है जिसके लिए हमें चाहिए होगा स्टील प्लेट, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे आयरन प्लेट्स, ठीक है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है रॉकेट। देखिए रॉकेट लॉन्चर है, ये रहा रॉकेट है ना, अब ये अभी चल क्यों नहीं रहा है, अब ये क्या है? अरे भाई इसमें रॉकेट है, लेकिन वो रॉकेट आप ऐसे नहीं बना सकते हो, आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा नासा वर्क बेंच। नासा वर्क बेंच बनाना पड़ेगा जिसके अंदर बनेगा रॉकेट लॉन्चर। और इसमें एक और चीज मेरे को दिखाई पड़ रही है, वो है फ्यूल लोडर। ये है फ्यूल लोडर जो फ्यूल का कुछ काम करता होगा। फिर हम लोगों को स्पेस सूट बनाना पड़ेगा, स्पेस सूट बन जाएगा।
फिर हम लोगों को कुछ ऑक्सीजन का देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग जाएंगे, और फिर हमें पहुंचना होगा। अब जब हम लोग ट्रेवल करेंगे तो यार मुझे ये पता नहीं है यार कि हम लोग, यार ये कैसे करेंगे बे, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात होगी नहीं क्या गाइस? अगर हम लोग वहां पर गए तो यार वापस भी आना पड़ेगा, उसके लिए एक और लॉन्च पैड बनाओ। भाई हम लोग का पहला ट्राई, अरे चूरा भाई हम लोग जो काम करने वाले हैं ना दूसरे प्लेनेट पे जाने वाला, उसमें बहुत रिस्क रहेगा, आपको पता है? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पर पहुंचेंगे, वहां क्या होगा पता ही नहीं है, वहां पर लैंड होंगे क्या होंगे, और वहां से वापस भी आना होगा तो उसके लिए भी लॉन्च पैड चाहिए होगा, वहां पे खाना क्या काम आएगा, वहां पे मोमबत्तियां काम करेंगी नहीं करेंगी, सांस कैसे लेंगे, क्या होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है भाई। वही ना। अरे बाप रे बाप। ठीक है ठीक है, चूरा भाई एक काम करिए, अभी आप रेस्ट करिए है ना, संडे करते हैं है ना, संडे सुबह करेंगे 11 बजे, ठीक है ना, 11 करेंगे, 11 बजे करेंगे एकदम फुल उसमें है ना, समझ रहे हैं? ठीक है चूरा जी, चलिए है ना, चलिए ख्याल रखिए, आगे को जो कुछ करना वरना हो वो कर लीजिए है ना, चलिए टेक केयर, टेक केयर चूरा जी, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। चल गाइस रुको जरा, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक मिनट जस्ट वेट गाइस है ना। इंटरस्टेलर रोबोट भाई कोई आइडिया नहीं है कैसे जाते हैं क्या होता है, हैव नो आइडिया, लेकिन आई थिंक अच्छा होना चाहिए, रुको मैं उस पर आता हूँ। ठीक है गाइस, आप लोग को अभी फिलहाल हम लोग गेम नहीं खेलेंगे गाइस, थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी थक गया हूँ यार, मेरा सब तबीयत ख़राब है गाइस है ना, इतने दिनों से स्ट्रीम नहीं हो रही थी तो थोड़ा सा ना मैं बहुत लंबी नहीं स्ट्रेच कर रहा हूँ। कल हम लोगों की डेमो नाइट है, कल डेमो नाइट हम लोगों की होगी 8:30 बजे, 3 गेम दिखाऊंगा मैं, 3, उसका एपिसोड 2 है, लास्ट वाली स्ट्रीम पर हम लोगों ने दिखाया था 3 गेम, वैसे ही 3 गेम मैं कल दिखाऊंगा, बिल्कुल झकास गेम होने वाले हैं, पहले बाहर निकला हूँ रुको जरा, एंड इट विल बी गुड। अभी अगर आप लोगों को किसी को भी बातें करनी हो या कुछ भी करना हो, कुछ पूछना पाछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, आई एम हियर मॉन, तो यस थोड़ी सी वार्तालाप करने में ज़्यादा बेटर है ना, आंखों में थोड़ा पेन हो रहा है गाइस। टेक रानी खेत मेरे भाई, अंसारी जी, तुषार जी, पीयूष जी कैसे हैं भाइयों आप लोग, नीरव राणा जी, मितेश, आंद्रू गेमर भाई अभी नहीं संडे करूंगा मैं, संडे को ठीक है, संडे को माइनक्राफ्ट कंटिन्यू करेंगे, कल जो है कल हम लोग की डेमो नाइट होगी तो यस। अरे बाप रे बाप गाइस, वर्टिकल में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम तो नहीं आती ना, मैनेजेबल तो है ना, मतलब जो बाकी लोगों का मत था वो यही था कि मैनेजेबल है, सब लोग मैनेज कर पा रहे हैं और वो ठीक लग रहा है। दीपक प्रधान जी, डॉक्टर अमोल जी कैसे, डॉक्टर अमोल जी अच्छा हाँ आपका इसमें नाम नहीं आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल वाली स्ट्रीम करूंगा कल, अमोल जी आपका नाम जो है एकदम टॉप पर है, एकदम टॉप पे। बाय द वे कैसे हैं आप, ऑल गुड है कि नहीं? साहिल भाई क्या हालचाल, अमोल भाई आप उस दिन आए थे उसके बाद तबीयत खराब हो गई यार, उसके अगले दिन बताओ यार, व्हाट इज दिस, नॉट कूल। बॉस वाइट पे वर्टिकल मत करना, वर्टिकल मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ आई थिंक ऐसा मेरा मानना है जितना मैं देख पा रहा हूँ। देखो मुझे स्टैट चाहिए था, मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था, जो मैं स्टैट देख पा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यूट्यूब पर शॉर्ट का वो ना कम हो रहा है, समझे क्या मतलब, उसकी जो रीच है ना वो कम हो रही है ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब ये चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इधर स्ट्रीम ना की हो उसकी वजह से इशू हो या जो भी है, रीच लेकिन कम है, तो मैं इस चीज़ को अभी होल्ड पर डालता हूँ वर्टिकल वाली, और आप लोगों को हॉरिजॉन्टल वाली दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। लेकिन हाँ वर्टिकल वाली एक और होगी, एक और करनी है मुझे, उसकी स्टैट देखना बहुत ज़रूरी है, तो विल सी। बट आप लोगों को माइनक्राफ्ट जो संडे को मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल मिलेगा, जस्ट डोंट वरी, ठीक है। सतीश जी कैसे हैं आप, हाँ पीसी पे अच्छा नहीं आता, आई एग्री दीपक जी, वो पीसी पे ना वो सही नहीं बैठता है, मोबाइल पे आई थिंक सही बैठता है, मोबाइल पे ठीक रहता है। यस अरे बाप रे बाप, काम चल जा रहा है ऐसे भी
और दो डॉक्टर को गाली उस दिन, बहुत बोल रहे थे डॉक्टर के बारे में। यार वैभव भाई ऐसे मत बोलो यार, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं बोला डॉक्टर्स के बारे में, प्लीज। ग्रिस की म्यूजिक में बंद कर देता हूँ, ग्रिस की म्यूजिक में बंद कर देता हूँ, आई थिंक नॉर्मल लगा लेता हूँ, है ना। इसको हम लोग माइनक्राफ्ट में रखे जाए तो ज्यादा बेटर है। आ जाओ कोयल जी, कैसे हैं भाई? हेलो वोंग भाई, अबे तेरित कोयल पे पेन डाल दूंगा कमीने। पीयूष जी क्या हालचाल भाई, तुम लोग बहुत कमीने हो यार। बाय द वे गाइस, आप लोग कैसे हैं और कैसा चल रहा है सब कुछ? टेल मी, इज एवरीथिंग गोइंग गुड? भाई यार तबीयत खराब हो गई थी भाई, एकदम लंका लग गई थी, ना मैं ऑफिस किया ना ही कुछ, कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने प्योर आराम किया, बॉडी रेस्ट दिया, छोटे मोटे काम थे घर के वो हाँ करा, बाकी ऐसा कुछ स्ट्रेस वाला काम नहीं किया। और मैंने मूवीज़ देखी यार, मैंने कौन कौन सी मूवी देखी थी, मैंने तीन मूवी देखी, थ्री मूवीज़ जो मेरी लिस्ट में थी और उनको मुझे निपटाना था, तो मैंने वो वाली तीन मूवीज़ जो है वो निपटा दी। एक मूवी मैंने देखी, बहुत पहले से मेरी पेंडिंग थी एक्चुअली में, जॉन विक 4, चैप्टर 4, तो जॉन विक चैप्टर 4 देख डाली मैंने। दूसरी मूवी मैंने देखी, मुझे बताना कि आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं, नेहरू, नाम सुना है नेहरू? नेक्स्ट वर्टिकल स्ट्रीम किसी और गेम पे ट्राई करके देना। हाँ मैं वही 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 अंसारी भाई, वही 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 जो स्टैट निकाल रहा हूँ ना, मैं कुछ इसी तरह से निकाल रहा हूँ, क्योंकि सेम गेम पर वर्टिकल स्ट्रीम जो है ना वो एक पॉइंट के बाद रीच कम करता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। विल सी, है ना, और भी चीज़ें देखूंगा मैं, उसके बाद ही जजमेंट दूंगा, अभी बस खाली ऐसे देख के मैं बता रहा हूँ, अर्ली इंप्रेशन से गाइस। बर्तन झाड़ू कटका छोटे मोटे काम। वोंग भाई एग्जैक्टली, डैम सो मच सिमिलैरिटी। अबे अमोल भाई, बोल भाई, आप तो अपने हुआ करते थे भाई, आपने ऐसा कब से चालू कर दिया? सैटरडे कौन सा गेम? सैटरडे मेरा एक मोबाइल गेम होगा, और वो मोबाइल गेम आप लोगों ने बहुत ज्यादा देख रखा है, खेलते भी होंगे मे बी, रेसिंग, वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मतलब एक लाख में गेमिंग पीसी बन जाएगा क्या? बिल्कुल देखो, गेमिंग पीसी तो बन जाएगा, आई मीन वो कब तक, आप कितने समय के लिए बनाना चाहते हो वो डिपेंड करेगा। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक लाख इन्वेस्ट करने चाहिए, आपको एक्चुअली में ज्यादा इन्वेस्ट करने चाहिए। पेरे 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 पेरे। नहीं देखी है? ओके, नो नो नो। अच्छा, नेहरू एक मूवी है, नेहरू, अगर आप लोगों को कोर्ट ड्रामा पसंद है तो वो एक साउथ की मूवी है, और उस मूवी की तारीफ मैंने काफ़ी सुन रखी थी, तो वो लिस्ट में मेरी एडिट थी, तो मैंने नेहरू मूवी देखी, और नेहरू मूवी अच्छी मूवी है, इट्स अ वेरी गुड वॉच। आप लोगों ने दृश्यम अगर देखी है, दृश्यम हिंदी वाली दृश्यम जो है वो साउथ वाली दृश्यम से कॉपीड है ना, उसी की रीमेक है, तो जिस टीम ने साउथ वाली दृश्यम बनाई थी उसी टीम की नेहरू मूवी है, और मूवी अच्छी है, आई मीन लंबी है, तकरीबन 3.5 घंटे की है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, कभी फास्ट पेस चलती रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। कोर्ट रूम ड्रामा रहेगी तो उसमें भी आप लोगों को मजा आएगा। फ्लॉज हैं अपने मूवीज के, लेकिन ओवरऑल मूवी जो है वो अच्छी है, अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहते हो, आई मीन हाँ, आई मीन उसका टॉपिक थोड़ा सा वैसा है, लेकिन यस देख सकते हो। मोहन लाल की मूवी है यार, मोहन लाल भाई दृश्यम वाले हीरो हैं क्या? अगर वही हैं तो यस, दृश्यम वाले जो हीरो थे उन्हीं की मूवी है। अरे सर मैं आ गया, लगता है आप जा रहे हो। हाँ यार अभी अभी बंद करने वाले हैं बस। यार भाई आप माइनक्राफ्ट की नेक्स्ट स्ट्रीम वर्टिकल मत करिएगा। ऑलराउंडर गेमर जी थोड़ा और स्ट्रीम दिखा करो, भूतनी कभी थोड़े पहले उसी के बारे में बात हुई है कमीने। आपने कुंफू पांडा 4 देखा? नहीं यार अभी नहीं देखा मैं एक्चुअली, मैं अद्विक को कुंफू पांडा 1 दिखाई भाई, इतने मन से देखी ना उसने कुंफू पांडा 1, फिर कुंफू पांडा 2 देखी उसने, फिर कुंफू पांडा 3 देख रहा है अभी आजकल। उसका ऐसा होता है ना कि वो एक ही चीज को ना 100 बार देखता है, 100 बार, तो अभी कुंफू पांडा 3 देख रहे हैं, फिर कुंफू पांडा 4 दिखाऊंगा मैं, ऐसा है। इंग्लिश वाली गजनी देखो, मेमेंटो नाम है, मस्त है। ऑफकोर्स भाई नोलन साहब की मूवी कैसे मिस हो सकती है, मेमेंटो तब देखी थी जब आई थी 2005 के साइड में, 2005 में लेकिन प्रेस्टीज आई थी इफ आई एम करेक्ट, या 2003 की तरफ आई थी प्रेस्टीज, मेमेंटो शायद 2007 या 2005 की थी, वो तो कंफर्म करना है। दीपक जी क्या हालचाल,
देख रखी है नीरू हाँ गुड। तो जिन लोगों ने देख रखी है गाइस गुड, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है आई मीन इट्स अ गुड वॉच। अगर आप लोग मूवी ढूंढ रहे हैं, आप लोगों को इधर कोई रिसेंटली कोई मूवी नहीं दिखाई पड़ी, आप लोग नीरू देखिए, इट्स अ वेरी गुड मूवी। और मैंने डून 2 देखी जो मुझे देखनी थी, तो यस ये तीन मूवीज जो हैं वो मैंने निपटाई है ना, तीन मूवीज जो हैं वो मैंने निपटा डाली। आई एम हैप्पी कि भाई चलो कम से कम यूटिलाइज कर लिया भाई, बहुत बहुत समय बाद में कोई मूवी देख पाया हूँ, बाय गॉड बाप रे। मैरो बोन रिसेंटली, अच्छा कैसी है लोगन केंजी भाई? गाइज अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन हो मूवी रिलेटेड या फिर गेम रिलेटेड, आप लोग एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का लिंक आ जाएगा, वहां पर जाकर एक सजेशन नाम का चैनल है, सजेशन नाम का, आप वहां पर जाके क्लिक कर देना और वहां पर आप मूवी नेम गेम नेम जो डालना चाहो वहां पर जाके डाल सकते हो। लिंक जरूर देना कि ये गेम है कि मूवी है, तो आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, ऐसा है। हेलो यौन भाई, कैसा चल रहा है स्ट्रीमिंग एंड लाइव? बहुत महीने के बाद टाइम मिला, कॉज वी ब्लेस विद अ बेबी गर्ल। अरे फंक भाई कॉन्ग्रेट्स मान, कॉन्ग्रेट्स, घर में लक्ष्मी जी आ गई, वेरी मच हैप्पी गेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस विद हर ग्रोइंग डेज। अरे गुड यार फंक भाई गुड। अगर आप अभी अभी अगर हुई हैं तो फिर आपको और सी बात है यार, अभी तो जबरदस्त डेज रहेंगे अभी तो एकदम, नहीं क्या? ये एक्सपीरियंस तो एकदम भूले भुलाए नहीं भूलेगा, बाप रे। गुड यार गुड 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 कॉन्ग्रेट्स गाइस। थोड़ा सा गुलाबी दिल डाल दीजिए हमारे फंक भाई के लिए यार, फंक भाई के यहाँ पर लक्ष्मी जी आई है। और थोड़ा सा गुलाबी दिल डाल दो गाइस, गुलाबी दिल, गुलाबी दिल, गुलाबी दिल इन द चैट। केम थुलियन जी, निलवेश जी, मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो मान? गुलाबी दिल कम ऑन, थैंक यू थैंक यू। गुड यार फंक भाई गुड, वेरी नाइस। इस गेम को खेलने का थोड़ा प्रोसेस बताओ ना प्लीज, इस गेम को खेलने का मतलब समझा नहीं रोहन, माइनक्राफ्ट बोल रहे हो या ये मॉड पैक बोल रहे हो, समझा नहीं मैं, क्या क्वेश्चन है आपका एग्जैक्टली पूछिए आप। थैंक यू सो मच ऑल फॉर सच ब्लेसिंग्स। गुड यार फंक जी, एंजॉय माड़ी मान, एंजॉय माड़ी, अभी तो खैर सोना होना सब एकदम हराम हो जाएगा शुरुआती दिनों में, लेकिन गुड लाइफ एक्सपीरियंस, नाइस इक्विपमेंट। नहीं रे अभी हम लोगों ने बंद कर दिया, आई मीन हम लोगों को एक्चुअली मेरी लोकेशन देखनी थी फर्स्ट बॉस की, तो वो हम लोगों को मिल गई है, तो अभी हम लोग वापस आ गए घर और अब संडे को करूँगा। थोड़ा थक गया हूँ यार, तबीयत थोड़ी डाउन थी यार गाइस, है ना, पर रिकवर हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली संडे तक रिकवर हो जाना चाहिए, डोंट वरी। आज कितने बजे जल्दी स्ट्रीम यार? यश भाई थोड़ा सा ना गला थोड़ा सा बस खाली रिकवर होना बाकी है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, तो हो जाएगा। मैं सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट लेके ना आप लोगों से बातें कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। लेकिन हाँ, जो आज का मेन टास्क था वो हो गया, पहले बॉस फाइट की जहाँ पर होने वाली है उसकी लोकेशन हम लोगों ने ढूंढ ली है, नेक्स्ट वाली स्ट्रीम पर जाएंगे जो होगी संडे को, और वो हॉरिजॉन्टल होगी फुल स्क्रीन, सो यू विल एंजॉय। चूरा भाई का चैनल बनवाइए, वी वॉन्ट दैट पीओवी। यार देखो ऐसा है कि चूरा भाई जो है वो अपने जॉब करते हैं, और चूरा भाई का अगर चैनल बनाने का प्लान हुआ इन फ्यूचर तो बिल्कुल बनवाएंगे, लेकिन हर कोई जॉब करने वाला चैनल नहीं खोल सकता है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, और भी जिम्मेदारियां होती हैं, ऐसा है। कैसे डाउनलोड करें? आप मोजैंग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। माइनक्राफ्ट जावा और बेडरॉक, ये दो एडिशन होते हैं, मोबाइल के लिए पॉकेट एडिशन होता है, लेकिन अगर आप पीसी पर खेलना चाहते हो तो एक बेडरॉक एडिशन है और एक जावा एडिशन है। आपको जावा एडिशन परचेज करना है, बेडरॉक मत करिएगा, ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा मॉड पैक, वो बड़ी कम्युनिटी जो है वो जावा साइड में है, बेडरॉक में भी है बट कम है। इस गेम में बॉस है, यस इस गेम की पूरी स्टोरी है इसने, आशीष जी आपको तो बहुत कुछ देखना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा होमवर्क लगेगा भाई आपको, तो आपने शुरुआत से मिस कर दिया है, कोई नहीं कोई नहीं, आप शुरुआत से देखना, इसमें पूरी प्रॉपर स्टोरी लाइन है भाई। पहले बॉस को हम लोग मारने जा रहे हैं, पहले बॉस की अपनी स्टोरी थी जो है मालूम पड़ी, और फिर हम लोग उसको मारेंगे, फिर सेकंड बॉस, फिर थर्ड बॉस, इस तरह से तकरीबन 7 बॉस हैं अलग अलग रेल में। हम लोग को अर्थ पे रहना है, मून पर जाना है, वीनस पर जाना है, मरकरी, बाप रे प्लैनेट्स पे जाएंगे भाई।
बॉस वाइट ये टाइम पे ही रखना, 8-9 बजे मम्मी मोबाइल यूज करने देती। संडे को होगी, संडे को समझे, संडे को दिन में होगी, दिन में। बाकी मैनेज कर लीजिएगा भाई। ओके थैंक्स रोहन जी। सनिधि भाई कैसे हैं आप? यहाँ चुंगम लिखा है मैंने। ओह माय गॉड, हाउ कम। टेक्सचर पैक का नाम जीरो जी, कैसे हैं आप? टेक्सचर पैक का नाम तो कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है कि मैंने अलग अलग कुछ डाल रखा है, मैंने मॉड पैक है ये, प्रोमिनेंस 2। आप अगर देखोगे तो आपको टाइटल में नाम दिखाई पड़ जाएगा। वो है ये, तो मैंने कुछ अलग से नहीं डाला, मैंने कुछ ये तीम झाम नहीं किया, डिफॉल्ट मॉड पैक है। फिर तो वही स्ट्रीम मेरी। बाय द वे गाइस, आप लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया, आई मीन थोड़ा काला काला नजर नहीं आ रहा है गाइस? काला 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 नजर आने के पीछे थोड़े से राज है गाइस, नहीं क्या भाई? मैं इतनी जल्दी जल्दी इस्तेमाल करने लगा हूं ना, इट्स नॉट गुड मान। मैं बहुत जल्दी जल्दी करने लगा हूं यार, अब कलर सही नहीं है यार, नॉट गुड मान। नमस्ते नमस्ते अमोक जी, कैसे हैं आप? ओम जी कैसे हैं? वर्टिकल समझा नहीं मैं, ओम जी क्या है भाई, वर्टिकल व्हाट इज दिस? बुढ़ा जवान हो गया है अबे तेरे, बड़ा डाई करते हैं यार बे। ओ अबे ओ ओ ठेल कमीना। गर्मी कैसी लग रही है हेयर? यार इतना मैं बाहर नहीं निकलता हूं तो मेरे को गर्मी का उतना मालूम नहीं पड़ता है, तो एसी चलता रहता है तो मुझे इतना कभी रियलाइज नहीं हुआ गर्मी, और मुझे गर्मी ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा लगती है। मेरे को ठंड से कोई फर्क नहीं है, ठंड में मुझे कहीं पर भी डाल दो कोई दिक्कत नहीं आती मुझे, गर्मी मैं बिल्कुल झेल नहीं सकता हूँ, झेल ही नहीं सकती मेरी बॉडी, पिघलना शुरू हो जाती है एकदम। कम उम्र में बुढ़ापा आए तो क्या कर सकते हैं यार, कम उम्र में बुढ़ापा कैसे आता है भाई, व्हाट इज दिस सतीश भरे भाई। पीछे के बाल थोड़े थोड़े फिर भी वाइट है यार, मैं देखो सिर्फ कलर जो है वो इतने पोर्शन में करता हूँ, इतने पोर्शन में, इधर इधर सब वाइट है पीछे की साइड में, वो नहीं करता मैं, वो वैसे के वैसे रहने देता हूँ। वो हल्का हल्का अगर प्रियंका को करना होता कभी बार तो वो हल्का हल्का हाथ मार देती है, नहीं तो मैं नहीं लगाता हूँ। फुल्ली ब्लेस्ड विद योर लवली वर्ड्स, बेबी का नाम भी सानवी रखा है, मीन्स गॉड इज, हाँ नहीं सानवी हमारे यहाँ पर, यहीं पर एक और रहते हैं नीचे, उनके यहाँ पे जो बेटी है उनकी नाम भी सानवी है। गुड यार, शी वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे, अब हमेशा कुछ ना कुछ टिप्स मांगता रहूंगा। अरे बिल्कुल फंक जी, बिल्कुल बिल्कुल गुड यार। योरमान नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, कब आएगा एपिसोड 2? क्या योरमान नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा, ये क्या है सुबोध मेरे भाई, ये क्या है समझा नहीं मैं। चूरा भाई की भी उम्र आप जितनी है, क्या वो भी बुढ़ाऊ है क्या? नहीं नहीं वो बुढ़ाऊ नहीं है भाई, डोंट वरी। उनके भी शादी होनी बाकी है, डोंट वरी। अच्छा है ना, फैट लॉस ज्यादा जल्दी हो जाएगी पिघलने लगे तो? ये तुमसे पूछे हम, पूछे तुमसे कुछ कमीने? कमान चेक कर रहा था लियोन चाचा जी। अच्छा एक्सक्लेमेशन मार्क वर्टिकल, अच्छा ऐसा क्या? अरे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क नोटिस नहीं किया क्या? आईफोन का अलग चक्कर है और एंड्रॉयड का अलग है, चल रहा आउट ऑफ इंडिया हूँ, मेंबरशिप ही नहीं ले पा रहा। अरे कोई बात नहीं बरार साहब मेरे भाई, कोई बात नहीं गाइस, देखो मेंबरशिप अगर नहीं ले पाते हो कोई बात नहीं, ले पाते हो वेल एंड गुड, टेंशन नॉट। जब भी चीज़ें अच्छी हो जाए आराम से ले लीजिएगा, जब इजीली हो जाए आराम से ले लीजिएगा, अभी आप इंजॉय करिए आराम से, है कि नहीं? पहले मैं जावा एडिशन डाउनलोड करूँ और फिर मॉड डालूँ ना? यार आप जावा एडिशन डाउनलोड करो, मैं आपको बताता हूँ, मेरे टाइटल में आपको मॉड पैक का नाम दिखाई पड़ रहा होगा, माइनक्राफ्ट प्रोमिनेंस 2 आरपीजी, कॉपी करने का, हाउ टू इंस्टॉल पेस्ट, खत्म, सब आ जाएगा यूट्यूब पे। 3 रैंडम हॉरर गेम्स मान, अरे कल होने वाले हैं सुबोध भाई, बताया तो एपिसोड 1 हुआ था लास्ट वाले वीक में, कल हम लोगों का एपिसोड 2 होगा, कल मैं आप लोगों को 3 गेम दिखाऊंगा, 3 इंडी गेम,
वर्टिकल चाहिए क्या उसकी? हॉरिजॉन्टल करूंगा, हॉरिजॉन्टल, डोंट वरी। सेम गेम पे, हाँ नहीं मैंने नोटिस कर लिया यार, ये सेम गेम पे ना पकड़ लेता है ये एक टाइम के बाद। चुरा जी की जवानी के दिन चल रहे हैं। योई गुड यार गाइस, कुछ कुछ और बताइए गाइस। ओके मैन, बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू सो मच सुबोध मेरे भाई, थैंक यू सो सो मच माय लव। तो गाइस कल हम लोगों का डेमो नाइट होगी, कल हम लोग थोड़ा सा ना गेम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, थोड़े से ट्रेलर वगैरह देखेंगे शुरुआत में इफ पॉसिबल, उसके बाद फिर शुरू करेंगे अपने गेम्स। तीन गेम्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तीन इंडी गेम्स जो कम्प्लीटली फ्री होंगे, जो तुरंत आप जाकर स्टीम पर डाउनलोड करके खेल सकते हो, है ना। और ये सीरीज को अगर आप लोग और ज़्यादा प्यार दिखाओगे तो मैं और इसके एपिसोड लेकर आऊँगा, एपिसोड 3 भी लेके आएंगे, है ना। लेकिन यस, आप लोग जितना हो सके इसको सपोर्ट जरूर करिएगा यार, इस वाले सीरीज को। तीन मोबाइल गेम लियोन सर, यार तीन मोबाइल गेम तो नहीं, लेकिन हाँ मैं एक महीने में एक मोबाइल स्ट्रीम ज़रूर करता हूँ। तो ये जो मोबाइल स्ट्रीम है वो आप लोगों को सैटरडे को देखने को मिलने वाली है। तो सैटरडे को जो गेम आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो एक कार रेसिंग गेम होगा मोबाइल पर, जो आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा। भाई किसी का बर्थडे है क्या? तो वो गेम आप लोगों ने देख रखा होगा, खेल रखा होगा, मैं सोच रहा हूँ उसी को आप लोगों को दिखाऊँ। एकदम शानदार मोबाइल गेम होंगे या पीसी? नहीं नहीं, जो डेमो वाले अपने होते हैं वो पीसी वाले होते हैं। मोबाइल की स्ट्रीम एक महीने में एक स्ट्रीम होती है मोबाइल की, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। जो डेमो नाइट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारे के सारे पीसी गेम्स ही होते हैं, ऐसा है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, स्ट्रीम पर जाना है, वही वाले तीन गेम डाउनलोड करने और खेल सकते हो आप लोग। ऐसे गेम मैं दिखाता हूँ। चेर पेर पेर चेर पेर। यार नीरू मूवी अच्छी थी यार, नीरू भी अच्छी थी, जॉन विक 4 भी अच्छी थी, और डून 2 भी अच्छी थी यार, गुड यार। मतलब मैं बड़ा खुश हुआ यार कि मेरी बैकलॉग में से कोई चीज गायब होती ना, मुझे अच्छा लगता है। बहुत टाइम से यार पेंडिंग है यार, अभी बहुत सारी मूवीज हैं जो निपटानी है मुझे। मैंने एक्चुअली ये पूरा ही वीक मैंने ऑफ ले रखा था यार ऑफिस से, बिल्कुल ही मैं बिल्कुल ही स्ट्रेस लेने लायक ही नहीं था। मैंने कहा भाई बिल्कुल पूर्ण आराम से बोलते ना वो लूंगा मैं। हम लोगों को भी खेलना है आपके साथ यार, मैं कुछ ना कुछ रखूंगा जिसमें सब्सक्राइबर गेम्स आ पाए या फिर कुछ व्यूअर्स है ना मेंबर्स सब लोग आ पाए, कुछ ना कुछ वैसे रखेंगे, डोंट वरी। मैंने बीच में यार करता था यार, पहले मैं स्टंबल गाइज था ना, स्टंबल गाइज वो करता था मैं, तो वैसा कुछ और भी रखेंगे इन फ्यूचर। कल एग्जाम है मेरे, ओ रे भाई ऑल द बेस्ट आपको। मेरे पास नहीं है पीसी, आप ही खेलो, आपको खेलता देखकर मुझे अच्छा लगेगा। चल कैसे, आप लोग को इंडी गेम्स अच्छे लगते हैं ना जिस वे में हम लोग दिखाते हैं, क्योंकि इंडी गेम्स को यार एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। आई मीन उसका एक ना जो वे होना चाहिए ना प्रोग्रेस करने के लिए, वो प्रोग्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडी गेम्स का, फील आना चाहिए बस। रेस्ट ले लो, कर रेस्ट कर लो मान। हाँ यार अभी रेस्ट करते हैं यार प्रार साहब, बस थोड़ी देर में बस रेस्ट करने वाले हैं। हाय सर, ओल्ड सब्सक्राइबर आकाश जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड, क्या होती जल्दी खत्म यार। नाश भाई आप लोगों का जो टास्क था वो हो गया, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, है ना, आराम से। कल मुझे वैसे भी स्ट्रीम करनी है, और कल वाली स्ट्रीम जहाँ तक है 3-4 घंटे की तो जाएगी, क्योंकि हम लोग को 3 गेम्स दिखाने हैं इंडी गेम्स, और गेम्स के बारे में डिस्कस भी करना है। ऐसा यार मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं आप लोगों को कुछ ताबड़तोड़ चीजें दिखाऊं क्या यार, जो इधर रिसेंटली हुई हैं। दिखा दो यार, आर से के जी कैसे हैं भाई? चेहरा पैर 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 पहन लेता हूँ यार भैया, चेहरा पैर ट्रेफ फ्रॉम द फॉग। क्या है यार ये आकाश,
मूवी है, गेम है, क्या है? फ्रॉम द फॉग, व्हाट इज दिस? ठीक है सर जी, यस रॉबिन जी, थैंक यू सो मच. सिद्धार्थ जी कैसे हैं आप? ऑल गुड? कैसा चल रहा सब? फैमिली मेंबर्स ऑल गुड? कैसा डॉन, ऐसा कुछ दिखाओ कि आपकी फट जाए साथ में, चैट की भी देख के मारे. हाँ नहीं, डर के मारे तो देखो गाइस, ऐसा है हम तो भाई नहीं डरते हैं, आप लोग अपना अपना देख लो, हम तो नहीं डरते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है. तो कल आप लोगों को तीन गेम जो मैं दिखाने वाला हूँ, वो तीन गेम ऐसे होने चाहिए जो मतलब एकदम फाड़ कर रखते हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए. चाचा रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे. सॉरी सॉरी अबे कमीने, भाग भाग दे. चलो गाइस अभी सब लोग ख्याल रखो, आप लोगों से मुलाकात करता हूँ मैं कल. ठीक है, कल मुलाकात होगी रात्रि 8:30 बजे. और कल हम लोग करने वाले हैं डेमो नाइट. डेमो नाइट बहुत ही शानदार होगी, बहुत ही भौकाल होने वाली है. और परसों, कल सैटरडे, कल फ्राइडे है, हाँ सैटरडे को वापस से करेंगे हम लोग मोबाइल की स्ट्रीम एक, जिसमें मैं आप लोगों को रेसिंग गेम दिखाऊंगा एकदम भौकाल वाला. और फिर संडे को वापस से हम लोग आएंगे माइनक्राफ्ट में कूद कर, और वो हम लोग करेंगे अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़े समय के लिए ना मैं हॉरिजॉन्टल उड़ाऊंगा. ठीक है, माइनक्राफ्ट वाली, डोंट वरी. ठीक है, कूल गाइस. लियोन भैया नहीं डरते हैं, बस चिल्ला कर कान फाड़ देते हैं. कान बोला है कान. यार गाइस देखो ऐसा है, डरते तो हम किसी से भी नहीं है, है ना. भूत भूत गया भाड़ में. जब अकेला होता हूँ तो और भूतिया मूवी देखता हूँ मैं. और बताओ गाइस, समझे? अपने अपना देख लिया करो बस, हम तो ठीक है गाइस. ठीक है, ओके लियोन भाई गुड नाइट, टेक केयर, टेक केयर. निकेश मेरे भाई सायनारा, यस जी गुड नाइट. गुड नाइट ब्रार साहब, गुड नाइट सिद्धार्थ, गुड नाइट नाश, आरसी गेमिंग, मोहन अंसारी, लोगन केंजी, सिद्धार्थ. चलो गाइस गुड नाइट, थैंक यू सो मच आने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब डोनेशन और स्पॉन्सरशिप के लिए. आप सभी लोग ऐसे ही ऑसम रहिए. कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं डेमो नाइट में, बहुत मजे करेंगे, ओपी ओपी ओपा करेंगे. तीन इंडी गेम दिखाऊंगा, तीनों ही एकदम धांसू तोड़ू फोड़ू होंगे. और फिर यस यस यस. चलो गाइस भाभी जी इन चैट. अबे दीपक कमीने कुत्ते तेर, अबे मत क्या करो ये भाई, मत क्या करो भाई. यार गाइस वो रिएक्शन के लिए मैंने कर दिया, नहीं तो ऐसा कुछ रियल इमोशन नहीं है मेरा ये. चलो गाइस टेक केयर, आप लोगों से मुलाकात करता हूँ मैं कल. चलो गाइस है ना, मैं एंड कहाँ से करूँ यार, रुको मैं यहीं से कर देता हूँ एंड को. हाँ एक मिनट, मैं ना अब एक्चुअली मैं लॉग इन कर चुका हूँ यहाँ पे अपना लियोन वाला, है ना. तो इस वाले लैपटॉप से ना मैं मतलब एंड कर सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ. लेकिन हाँ अभी इतना जोर वोर नहीं पड़ रहा है, तो इट्स गुड. शायद मुझे लग रहा है मुझे नेक्स्ट ईयर अपग्रेड करना पड़ जाएगा, एहसास हो रहा है मुझे नेक्स्ट ईयर मुझे अपग्रेड मारना पड़ेगा पूरे पीसी का. यार ये वाला पीसी बिक जाएगा पता नहीं, देखते हैं देखते हैं, बाद में बात बात इस बारे में बात बात करते हैं. लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं सोच रहा हूँ कि अपग्रेड मारा जाए, नहीं क्या गाइस? रफा रफ हो भी. फिनिक्स जी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट यश, गुड नाइट एक्सक्लेमेशन मार्क जोड़ी. चलो गाइस है ना, अब मुझे पता नहीं मैं कब गायब हो जाऊंगा, बट यस है ना. चलिए टेक केयर गाइस, आप सभी लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा. कल रात 8:30 बजे आप लोगों से मुलाकात करेंगे. खुश रहिएगा, ऐसे मुस्कुराते रहिएगा.